It's taking time out of your life. ठीक है, सभी को नमस्ते. मेरा नाम रिदु, मैं मानव तीर्थ में रहती हूँ, किरतपुर छत्तीसगढ़ में. और मैं भी मध्यस्थ दर्शन की एक विद्यार्थी हूँ. और आप सभी के साथ आज अध्याय 16 पोषण एवं शोषण पर बात रखूंगी. और बाबा जी को स्मरण करते हुए आज का अध्याय शुरू करती हूँ. कोई भी मानव स्वयं का शोषण नहीं चाहता है. इकाई माइनस अनुकूल इकाई बराबर शोषण, इकाई प्लस अनुकूल इकाई बराबर पोषण. तो इसमें अगर हम देखें तो अगर हमें अपने अंदर ये दिखता है साफ साफ कि हम स्वयं का शोषण नहीं चाहते और यही बात हमें सामने वाले में दिख जाती है, तो एक प्रकार से हमें दूसरे के साथ एक समानता का बिंदु दिखता है जो आगे चलकर फिर संबंध का आधार भी बनता है. इसमें भी जब हम सामने वाले का शोषण नहीं चाहते और सामने वाला अपना शोषण नहीं चाहता ये दिखता है, तो एक प्रकार से पोषण के प्रति हम अग्रसर होते हैं. तो उसमें भी अगर हम संवेदनशीलता वश उसमें अग्रसर होते हैं तो कहीं ना कहीं जाकर शोषण में ही कन्वर्ट होगा. वो पोषण की कामना तो रहेगी ही, पर उसको करते समय वो फाइनली उसका एंड पॉइंट उसके विकास के अर्थ में नहीं स्थापित हो पाएगा. तो संज्ञानीयता के आधार पर ही जब संवेदनशीलता नियंत्रित होती है उसी अर्थ में हम सामने वाले का पोषण कर पाते हैं. ये इस बात से मुझे स्पष्ट होता है. इकाई माइनस अनुकूल इकाई बराबर शोषण और इकाई प्लस अनुकूल इकाई बराबर पोषण, इसको देखते हैं तो ये वियोग और संयोग होना, एक प्रकार से जो हमारा वातावरण है उसमें हम कितना अनुकूल इकाइयों से कितने अनुकूल इकाइयों के साथ हैं और कितने अनुकूल या ऐसा वातावरण है जहाँ अनुकूल इकाइयां घट रही हैं या उनका वियोग हो रहा है. अगर घट रही हैं तो दिखता है कि अब हमारा कहीं विकास रुकेगा या हमारा शोषण होगा, दोनों में से एक चीज दिखता है. और अगर हम इकाई अनुकूल इकाइयों से घिरे हुए हैं, हमारा वातावरण में अनुकूल परिस्थितियां हैं, अनुकूल इकाइयां हैं, तो दिखता है हमारा विकास की ओर गति बनेगी, हमारा पोषण होगा, मानसिक पोषण होगा. आगे बढ़ते हैं. विकास और जागृति संपूर्ण सृष्टि का लक्ष्य है तथा सृष्टि में प्रत्येक जड़ इकाई की चेष्टा विकास क्रम व विकास के लिए ही है. सृष्टि में इकाई के स्वतंत्र अस्तित्व का दर्शन नहीं होता. प्रत्येक इकाई वातावरण के दबाव से क्षुब्ध होकर स्वतंत्र होने के प्रयास में है, साथ में वातावरण से प्रेरित रहता ही है. सृष्टि जड़ एवं चैतन्य दोनों स्वरूप में है. यहाँ रोकती हूँ. तो जैसे सभी को स्पष्ट है ही कि विकास गठन पूर्णता के अर्थ में और जागृति क्रिया पूर्णता के अर्थ में यहाँ पे स्पष्ट किया गया है. तो विकास और जागृति संपूर्ण सृष्टि का लक्ष्य है. तो एक यहाँ पे गठन पूर्णता और क्रिया पूर्णता को की बात करी. और सृष्टि में इकाई स्वतंत्र अस्तित्व का दर्शन नहीं होता, तो ये दिखता है कि इकाई का अपना जो अस्तित्व है वो उसके वातावरण के साथ ही है, उसकी जो पहचान है वो परस्परता में ही होती है. तो उसका अकेले का कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं उसका दर्शाता. दिखता है तो वो परस्परता में ही दिखता है, पहचान में आता है तो वो परस्परता में ही पहचान में आता है. ये जड़ इकाई के लिए भी है और ऐसा ही चैतन्य इकाई के लिए भी होता है. तो सृष्टि जड़ चैतन्य दो स्वरूप में है. जड़ अपने त्व सहित व्यवस्था समग्र व्यवस्था में भागीदारी रूप में है जिसका दृष्टा मानव है. चैतन्य सृष्टि में मानव इकाई के जागृति पूर्वक स्वतंत्र यानी स्वायत्त होने की व्यवस्था है. तो पहले यहाँ पे ये जड़ इकाई की बात हुई और उसके बाद जो चैतन्य वाली लाइन है, चैतन्य सृष्टि में मानव इकाई के जागृति पूर्वक स्वतंत्र यानी स्वायत्त होने की व्यवस्था है. तो ये स्पष्ट होता है कि चैतन्य इकाई भी स्वतंत्रता की ओर अग्रसर है और स्वायत्तता जो उसका एक लक्ष्य है उसको अगर हम व्याख्यायित करें तो स्वयं के आधार पर क्रियान्वयन होना, स्वयं के आधार पर कार्य व्यवहार हो पाना, उसको स्वायत्तता कहा. और उसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं जैसा चाहता हूँ मैं वैसा ही करूँगा, वो मनमानी वाला भाव यहाँ नहीं है. मैं समझ के आधार पर क्रियान्वित होता हूँ, मेरा कार्य व्यवहार होता है. समझ माने मैं अपना स्वभाव धर्म देखते हुए पहचानते हुए उसका निर्वाह करता हूँ, उसको कहा स्वायत्तता.
यहाँ स्वतंत्रता का अर्थ सबसे अलग होने से नहीं है। फिर स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? स्वतंत्रता का अर्थ है अपने को वातावरण के दबाव से मुक्त कर लेना तथा सह अस्तित्व सहज व्यवस्था में संगीतमय रूप में प्रमाणित करना। मानव इकाई में इसकी पूर्ण संभावनाएं हैं तथा जागृत मानव ने स्वतंत्रता की अनुभूति भी की है। तो यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि स्वतंत्रता अपने दबाव और प्रभाव, वातावरण में जो दबाव और प्रभाव है आजकल, जिससे हम लोग बहुत प्रभावित होते हैं और हमारे जो निर्णय होते हैं अक्सर उन्हीं से इन्फ्लुएंस होकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ जो स्वतंत्रता की बात हो रही है, यहाँ जो स्वायत्तता की बात हो रही है, उसमें हम दबाव और प्रभाव दोनों से मुक्त रहते हैं और सही के अर्थ में, व्यवस्था के अर्थ में हम निर्णय ले पाते हैं। और इसमें अगर हम इसकी झलक अगर अपनी जिंदगी में अभी देखना चाहें कि ये इसका क्या स्वरूप होगा, स्वतंत्रतावश जी पाना, दबाव मुक्त जीना जी पाना, तो मुझे जो समझ में आता है कि ये जो हम ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे हैं, अभी जो लोग अध्ययन से जुड़े हैं, अभ्यास से जुड़े और इसको दर्शन को जीना चाहते हैं, तो हमारी जो परिस्थिति है ना, उसको स्वीकार पाना और उस परिस्थिति में अपने तन मन धन को का सदुपयोग या क्या नियोजन कर पाना, ये मुझे अभी की स्वतंत्रता दिखती है। इसका अभ्यास करना, इसका अभ्यास कर पाना, खुशी खुशी कर पाना, ये मुझे एक तरह से अपने लिए दिशा दिखती है इसको पाने के अर्थ में। इनफैक्ट इसका एक कर्म दर्शन में बहुत सुंदर लाइन है कि प्रत्येक स्थिति में प्राप्त शक्ति व साधनों का सदुपयोग करना ही उसकी अग्रिम जागृति है, यही उपासना है। इसका मतलब कि अगर हम अपनी परिस्थितियों को पूर्ण रूप में स्वीकार पाते हैं और अपने शक्तियों का नियोजन कर पाते हैं, सदुपयोग कर पाते हैं, तो हमारे जागृति के लिए आगे जगह बनती रहती है, आगे अवसर खुलते रहते हैं। इस अध्याय में शोषण एवं पोषण का अध्ययन मानव के संदर्भ में ही किया गया है। पोषण सह अस्तित्व के अर्थ में इसके विपरीत शोषण है। तो यहाँ पर पूरा अध्याय जो है मानव के अर्थ में ही है, तो पूरा संदर्भ मानव के अर्थ में ही रहेगा। वातावरण के प्रताड़ना तथा क्षोभ से मुक्त होकर स्वतंत्र अस्तित्व की अनुभूति करना मानव जागृति की चरम परिणति है। विकास की दिशा में जो समस्त अवरोध है वह शोषक तथा सहायक समस्त तत्व पोषक है। अतएव ये सिद्ध हुआ कि जागृति को अवरुद्ध करने वाली समस्त क्रियाएं शोषण है तथा जागृति को गतिशील करने वाली समस्त क्रियाएं पोषण है। तो जब हम विकास की दिशा में जो समस्त अवरोध की बात करते हैं, तो जब इसको हम देखने जाते हैं अपनी जिंदगी में कि क्या चीजें हैं जो मेरी गति को रोक रहे हैं विकास की ओर, तो मुझे जो दिखता है कि इसमें एक चीज जो बड़ा अटकाव लगता है कि संबंधों में जो हम स्वभाव पर शंका करते हैं दूसरे के, उसमें हमें समय लग जाता है उस विश्वास बिठाने का कि सामने वाला भी सुख चाहता है, सामने वाला मेरा सुख भी चाहता है। ये जो उसका इंट्रिंसिक नेचर है, उसके प्रति जो स्वीकृति है, उसको समझने में पहचानने में समय लगता है। तब तक वो शंका बनी ही रहती है कि इस व्यक्ति, ये व्यक्ति चाहता क्या है। तो एक वो मुझे एक अड़चन दिखती है अपने विकास में, अपने निर्वाह मूल्यों के निर्वाह के अर्थ में। दूसरा जो समझ में आता है कि जब हम जीने जाते हैं तो एक मॉरलिस्टिक या राइटियसनेस जैसा अप्रोच कभी कभी होता है, जैसे कि यही सही है, ऐसा ही जीना चाहिए, यही करना चाहिए, और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप बहुत ही गलत जिंदगी जी रहे हैं और आपका कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कभी कभी हमारे मन में आता है और हमारी अभिव्यक्ति में भी आता है। तो इसमें ये दिखता है कि सामने वाले के लिए जो स्पेस है जीने का, वो स्टिफल्ड फील करता है, वो कंस्ट्रिक्टेड फील करता है, और साथ में जो हम अपना व्यू लेकर खड़े होते हैं तो एक तो उसमें एक दया का अभाव दिखता है सामने के प्रति, और अपने ऊपर भी भारी दबाव रहता है एक प्रकार के जीने का, जो शायद हम लोग हम उसको पूरी तरह निर्वाह कर भी ना पाए, जिसके कारण फिर सामने वाले की नजरों में हम गिरते भी हैं या उसकी अपेक्षाओं के अनुकूल हम नहीं पूरा पड़ पाते। तो एक तरह से हम अपने आप को भी एक बहुत हायर मॉरल ग्राउंड दे देते हैं जिसमें हम आगे चलकर कहीं फंसते हैं। तो एक तो मुझे ये समझ में आता है कि ये इस अटकाव को ऑब्जर्व कर पाना अपने अंदर, कि क्या मैं दूसरे पर हावी हो रहा हूँ अपने मॉरलिस्टिक राइटियस व्यूज पे,
दूसरा क्या मैं अपने ऊपर हावी हो रहा हूँ, और तीसरा जो मुझे लगता है शायद मैं इसको एक्सपीरियंस की पहले काफी, कि जो राइटियसनेस वाला एटीट्यूड है जिसमें मैं सही हूँ और मैं सही जानता हूँ और आपको भी बताऊंगा, इसमें कहीं हमारे स्वनिरीक्षण में कमी आ जाती है, क्योंकि हम पहले ही इतना स्ट्रांगली मान के बैठे हैं कि हम सही हैं, हम में कोई गलती हो रही है या उसका कोई ओपननेस कि हमें सीखने की संभावना अभी भी है, वो नहीं रह पाता, तो इसलिए स्वनिरीक्षण में भी कभी हम कमी पाते हैं, उसको अपने अंदर इतने अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ कम पड़ रहे हैं। तो ये मुझे एक अटकाव दिखता है आजकल हम सभी में, अब कहने का मतलब कि अभी के टाइम्स में जब लोग जीते हैं तो ये सब अटकाव एक बार दिखते हैं विकास के गति में। दूसरा जो दिखता है आलस, एक हम जानते हुए भी कि दर्शन का पठन जरूरी है और इसका अभ्यास जरूरी है, एक कहीं आलस रहता ही है, हम उस डिसिप्लिन में नहीं जी पाते, दिनचर्या में नहीं जी पाते जिससे वो पठन का भी डिसिप्लिन हो पाए, अभ्यास का भी डिसिप्लिन हो पाए, हर आयाम में डिसिप्लिन हो पाए, तो वो एक अटकाव दिखता है। साथ में एक जो दिखता है जैसे ब्लेमिंग या कंप्लेनिंग वाली जो एक टेंडेंसी रहती है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया या मैं ये नहीं कर पाया क्योंकि ऐसी परिस्थिति थी, तो ये भी मुझे लगता है कि कहीं हमने अक्षमता नहीं बल्कि मेरे परिस्थिति के कारण था, तो वो अपने अंदर के विकास के बजाय बाहरी चीजों को हम बदल पाएं उस पर ध्यान ज्यादा चला जाता है। तो एक और अटकाव, कितने सारे होते हैं शेयर करने को, मुझे अब ध्यान जा रहा है। एक और जो दिखता है गिल्ट, जैसे अक्सर हमसे कोई गलती होती है तो हमारे अंदर जो घटता है कि ये मैंने सही नहीं किया, तो उसमें मुझे दो प्रकार के अप्रोच दिखते हैं, एक है कि सही नहीं किया उसको मैं सही कैसे करूं, इस पे ध्यान जाना और उस पे तुरंत क्रियान्वयन किसी प्रकार का शुरू हो जाना विचार रूप में फिर कार्य व्यवहार रूप में, और दूसरा है गिल्ट कि मैंने ये गलत कर दिया, ये मैंने कैसे किया, मुझे नहीं करना चाहिए था और ये क्यों हो गया, ये गलती मुझसे कैसे हो गई, तो उसमें एक तरह से एक ओवर एनालिसिस, एक डिप्रेशन, एक सैडनेस हमारे अंदर आती है जो हमारे आगे बढ़ने के लिए स्लो डाउन कर देता है प्रोसेस, बिल्कुल गति काटता है ऐसा नहीं बोलूंगी बट वो प्रोसेस स्लो डाउन होता है उसके, अन्यथा अगर हम लोग उसको सही करने में हमारा मन तुरंत लग जाता है तो हमारी गति बढ़ती है, ऐसा मुझे दिखता है। और एक और चीज लगती है इंटेलेक्चुअलाइजेशन, कि अक्सर हमारे क्योंकि ये दर्शन है भी इतना सुंदर और इसकी बातें तार्किक रूप में इतनी सुंदरता से हमारे अंदर बैठती हैं, उसका अपना एक मजा है, तो वो मजा हमारे लिए अगर पर्याप्त हो जाता है तो आगे जीने की संभावनाओं में अड़चन आती है, तो इंटेलेक्चुअलाइजेशन भी एक तरह से मुझे अटकाव दिखता है। आई थिंक अटकाव की काफी बात होगी तो मैं आगे बढ़ती हूँ। तो एक तो मुझे विकास की दिशा में जो समस्त अवरोध है, ये सारे जो मैंने मेंशन किए मुझे एक प्रकार से अवरोध दिखते हैं, कहीं मैं ना कहीं मैंने कभी अपनी जिंदगी में देखा या आसपास देखा, तो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहा। दूसरा जो आगे बात होती है, जागृति को गतिशील करने वाली समस्त क्रियाएं पोषण है, तो इसको मैं कैसे देखती हूँ, तो एक प्रकार से इस प्रोसेस में पूरा ट्रांसपेरेंसी होना है ना, मैं अपना सही मूल्यांकन के साथ प्रस्तुत होना, अपने आप को बढ़ा चढ़ा के या कम करके नहीं बट एक प्रकार से जैसा मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ वैसे अभिव्यक्त होना। दूसरा, ये प्रोसेस एक जॉयफुल प्रोसेस है, अपनी गति बनाना और इसमें अभ्यस्त होना, संबंधों में निर्वाह करना करने का प्रयास करना, तो ये सभी ये प्रोसेस बहुत जॉयफुल लगता है, और इसमें अपने ऊपर ये दबाव आ जाना कि मुझे अगले एक वर्ष में अवधारणा तक पहुंचना है या अनुभव संपन्न होना, ये मुझे लगता है एक स्ट्रेस का पॉइंट आता है, तो उसको ना वो उस तरह का स्ट्रेस ना होकर एक सहज गति में जाया जाए, वो एक पोषण का मुझे बिंदु दिखता है। साथ में अपना ऐसा दिनचर्या हो जहां पर श्रवण मनन के लिए भी हम समय निकाल पाए, अच्छे से उसको कर पाए। दूसरा, ये जो अपना बड़ा लक्ष्य है जहां हम पहुंचना चाहते हैं, जहां मानव समाज पहुंचना चाहता है, वो भी ध्यान में रखते हुए जब हम जिंदगी जीते हैं तो ईर्षा द्वेष जैसे भावों से बचते हैं या वो कहीं पे उसमें सब्स्यूम या गौण होने लगते हैं, तो एक बड़े लक्ष्य पे कॉन्स्टेंटली ध्यान बना पाना वो मुझे बहुत सहज लगता है और पोषक लगता है।
आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक इकाई परस्परता से प्रभावित है, चाहे वह प्रभाव स्थूल हो अथवा सूक्ष्म हो। चूंकि यहाँ मानव इकाई के पोषण एवं शोषण का विश्लेषण है, अतः हमें व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय भेद से विश्लेषण करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय मानव समुदाय एक है तथा सबकी साम्य कामना सुख ही है। निरंतर सुख की उपलब्धि ही मानव का चरम विकास है तथा सुख की स्थिति में ही मानव अपने को वातावरण के दबाव से मुक्त अनुभव करता है। सुखी मानव अन्य का पोषण करने में ही में भी समर्थ होता है। तो एक तो यहाँ पर हम शुरू में जो बात हो रही है कि यहाँ पर व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय भेद से विश्लेषण होगा। तो पोषण, क्योंकि व्यक्ति सभी स्तरों पर जीता है, तो व्यक्ति के स्तर पे क्या पोषण के बिंदु रहेंगे, परिवार के स्तर पे, समाज के स्तर पे, राष्ट्र के स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, इसका विश्लेषण। और साथ ही में बात हो रही है कि मानव की चरम उपलब्धि है सुख, सुख की स्थिति, और सुखी होगा तो ही सुखी कर पाएगा, सुखी होगा तो पोषण करने में समर्थ होगा। ये तो हम अक्सर सुनते ही हैं कि सुखी व्यक्ति ही सुख बांट पाता है, दुखी व्यक्ति दुखी बांटता है। एक प्रकार से हमारा ध्यान जाता भी है कि जब हमारा मन खराब होता है या कुछ, तो हम ऐसे व्यक्ति को कॉल करना या ऐसे व्यक्ति के पास जाना पसंद करते हैं जिसके साथ हमें तुरंत अच्छा लगता है, तुरंत एक पॉजिटिविटी फील होती है। तो ये बात तो काफी स्पष्ट लगती है। इसके आगे, सुख एक बौद्धिक स्थिति है। जीवन बल व शक्तियों की संगीतमयता व एक सूत्रता ही सुख है। सर्व मानव समाधान पूर्वक सुखी होता है। तो यहाँ पर सुख को जो डिफाइन किया, सुख एक बौद्धिक स्थिति है, एक इंटरनल स्टेट है। जैसे हम एक तृप्ति महसूस करते हैं और ये तृप्ति महसूस होने पर जो हमारी अभिव्यक्ति होती है वह स्फूर्तिपूर्वक होती है। बहुत एक तरह से हम एक्टिव दिखते हैं और कई चीजों को करना चाहते हैं, वो हमारे अंदर की एक तृप्ति है जिसकी अभिव्यक्ति हो रही है। एज अपोज टू कि हम अभिव्यक्ति कर करके अपने आप को तृप्त करने का अभ्यास बनाते हैं, तो यहाँ पर एक इंटरनल स्टेट को बताया जा रहा है। और साथ में ही अगर हम इनको जीवन क्रिया के लेवल पे देखें, तो जो मन और वृत्ति में सामंजस्यता है या वृत्ति के आधार पर जब मन क्रियान्वित होता है, संचालित होता है, तो उस स्थिति को कहा सुख। तो इसको अगर एक बारी थोड़ा और फैला के देखें, तो अगर हम मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, उसको पूरे को देखें, तो मन और वृत्ति में जो सामंजस्यता है उसको सुख कह रहे हैं। वृत्ति और चित्त में जो सामंजस्यता है उसको शांति कह रहे हैं, और चित्त और बुद्धि में जो सामंजस्यता है उसको संतोष कह रहे हैं। तो एक प्रकार से जो दिखता है हमें कि जो सामाजिक नियम में जीना, सामाजिक नियम में जीना ही एक प्रकार का जो सुख है, उसकी बात यहाँ हो रही है। तो जैसे हम स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार में जीते हैं, तो जो हमारे अंदर जो एक्सपीरियंस होता है उसको कह रहे हैं सुख। और जब हम उसके थोड़े और आगे जाते हैं, परिवारों में जीते, संबंधों में हम निर्वाह कर पाते हैं, वो जो एक्सपीरियंस है उसको कहा शांति। और फिर जब हम स्वयं में व्यवस्थित हो पाते हैं, स्वयं में एक व्यवस्था को की तरह पहचान पाते हैं, उसको कहा संतोष। जहाँ पर हमारा तन, मन, धन का सदुपयोग हो पाता है और एक प्रकार से अब हम व्यवस्था को चित्रित कर पा रहे हैं और व्यवस्था के अनुरूप क्रियान्वयन कर पा रहे हैं। तो इसीलिए दिखता है कि जो मन और वृत्ति में जो सामंजस्यता है ना, वह चरित्र का डोमेन दिखता है, जिसको हम सामाजिक नियम भी कहते हैं। वृत्ति और चित्त मूल्यों का एक बड़ा डोमेन दिखता है, और चित्त और बुद्धि में नैतिकता का बड़ा डोमेन दिखता है, जहाँ पे हम तन, मन, धन के सदुपयोग की बात कर रहे हैं। तो एक तो आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाह रही थी। तो अभी देखें तो जैसे जब हम जीने जाते हैं, तो एक प्रकार से हम जो हमारी आशा है उसमें हमारे एक प्रकार से अपराध की जो एक प्रवृत्ति रहती है, जिसको हम पर धन, पर नारी, पर पुरुष, पर पीड़ात्मक व्यवहार कार्य की बात करते हैं, तो वो एक आशा लेवल पे दिखता है।
और विचार लेवल पे एक प्रकार से अन्याय के साथ जो अन्यायहीन विचार के रूप में जो दिखता है और इच्छा के रूप में आसक्ति दिखती है। तो इन तीनों के जगह पर मूल्य चरित्र नैतिकता दिखे तो उसी को एक प्रकार से सुख शांति संतोष हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं। तो सुख एक बौद्धिक स्थिति है, तो सुख को फैलाने जाए तो उसको सामाजिक नियम के अर्थ में देख रहे हैं। सुख एक बौद्धिक स्थिति है, जीवन बल व शक्तियों की संगीत महत्ता व एक सूत्रता ही सुख है। सर्व मानव समाधान पूर्वक सुखी होता है। मानव ने बौद्धिक समाधान तथा भौतिक समृद्धि से सुख की कामना की है। ये उल्लेखनीय है कि जीवन परवानु सर्वोच्च विकसित पद है। बौद्धिक समाधान के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोधक तत्व भय है। मानव कुल तीन प्रकार से भय से पीड़ित हुआ है, प्राकृतिक भय, पार्श्विक भय तथा मानव में निहित अमानवता का भय। मानव का मानव से भय पर धन, पर नारी, पर पुरुष तथा पीड़ात्मक व्यवहार के कारण है। यही मानव में निहित अमानवता का भय है। पर धन, पर नारी, पर पुरुष एवं पर पीड़ात्मक व्यवहार से द्वेष, आतंक, हिंसा एवं प्रतिहिंसा उत्पन्न होती है। तो जो यहाँ पे तीन भय की बात करी, प्राकृतिक भय जैसे अर्थक्वेक हो गई, फ्लड हो गया, टाइफून हो गया या अभी जैसे कोरोना वायरस हो गया, ये सब जो प्राकृतिक भय मानव के उसमें रहते हैं मन में। पार्श्विक भय में जैसे जानवरों का भय हो गया, जैसे बिच्छू, सांप या बड़े उससे बड़े जानवर, इनका भय हुआ। और फिर अमानवता का भय जिसमें हम अपराध वाली प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं या सामाजिक नियम के अन्यथा जो जीना होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो जब हम समाज में देखने जाते हैं तो ये तीन भय हमें दिखते हैं और उसमें जो अभी की परिस्थितियों में दिखता है कि प्राकृतिक और पार्श्विक भय को कंट्रोल करने के लिए इंस्टीट्यूशनल या सिस्टेमिक सपोर्ट काफी हो चुका है, जिसके कारण मानव को अब इन भय से डेली लेवल पे नहीं डील करना पड़ता, वो एक तरह से सिस्टेमिक वे में सॉर्ट आउट हो गया है। और जो अमानवता का भय है वो हावी दिखता है, वो हमें डेली लेवल पर हर क्षण एक प्रकार से उसको डील करना पड़ता है और उसके एड्रेस करना पड़ता है। तो ये तो दिखता ही है कि छल, कपट, पाखंड, दम जिसकी बात होती है उससे हमें एक प्रकार से जो भय बना रहता है कि सामने वाला मुझे एक्सप्लॉइट तो नहीं कर देगा, मेरे चीज़ों को मिसयूज तो नहीं कर देगा, मेरे विश्वास को धोखा तो नहीं दे देगा, ये सारे जो हमारे अंदर भय रहते हैं ये हम पे बहुत हावी रहते हैं, ये दिखता है समाज की आज की परिस्थितियों में। तो यहाँ पर उसकी ही बात की है जिसको उल्लेखित करने के लिए पर धन, पर नारी, पर पुरुष, पर पीड़ात्मक व्यवहार कार्य की बात की गई है। फिर आगे चलते हैं, उपरोक्त तीनों से कुल चार प्रकार से मानव भयभीत है, पद भय, मान भय, धन भय, मृत्यु भय, मृत्यु भय या तो प्राण भय जिसको कहते हैं। तो इस पे आप लोगों ने अध्याय 13 में काफी डिटेल में बात किया ही होगा। तो जब हम पद भय की बात कर रहे हैं तो ये बात होती है कि मेरा कोई पद है, मानिए मैं कहीं का चेयरमैन हूँ या सीईओ हूँ, तो एक प्रकार से उसका एक गर्व भी है कि मैं ये सब इस पद के तहत इतना कुछ कर सकता हूँ, पर साथ में एक भय बना रहता है कि ये पद मुझसे छिन सकता है या कोई भी ये पद किसी दिन किसी और को मिल सकता है, मुझसे जा सकता है अगर मैं परफॉर्म ना कर पाऊँ या मेरी किसी सीनियर के साथ नहीं बने तो ये मेरा पद चला जाएगा। तो एक तो ये भय बना रहता है पद को लेकर, दूसरा एक भय बना रहता है कि जो मुझसे आगे के पद में है, ऊपर के पद में, वो मुझे दबा सकता है, वो मेरे प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार कर सकता है, एक तो इसका एक भय बना रहता है। तो पद भय को एक तरह से दिखता है। मान भय में दिखता है कि मेरा अपमान ना हो जाए, मेरा जो लोग मुझे जिस प्रकार स्वीकारते हैं, मेरा जो यश है घर परिवार समाज जहाँ पर भी, वो मुझसे ना छिन जाए, उसके अन्यथा ना कुछ हो जाए। एक तो हो सकता है कि यश ना मिलने का भय, और दूसरा यश मिल गया तो यश वो यश के विरोध में ना खड़ा हो जाए सामने वाला या समाज में मेरी अन्यथा छवि ना चले जाए, इसका भय बना रहता है। तीसरा भय है धन भय। तो धन भय में दिखता है समाज में जब हम जीते हैं तो एक प्रकार से चोरी होना, धन का शोषण होना,
ये सब भय हमारे अंदर बने रहते हैं। और दूसरा एक भय रहता है कि अपने स्वावलंबन का, कि अभी की जो व्यवस्थाओं की जो अभी व्यवस्थागत परिस्थितियां हैं उसमें क्या मैं अपने पैरों पर खड़ा हो पाऊंगा, तो ये धन भय में दिखता है। और चौथा मृत्यु भय, प्राण भय, तो उसमें ये दिखता है कि एक तो आज के समाज में असुरक्षा का भाव जो बना रहता है, खासकर महिलाओं को लेकर एक के मन में बैठा रहता है असुरक्षा का भाव, या छोटे बच्चों को लेकर असुरक्षा का भाव। और दूसरा, जब हम रोगी होते हैं तो एक टाइम पे लगता है ये शरीर साथ नहीं देगा, तो शरीर के जब अस्तित्व पर शंका हो जाती है तो एक वो भी प्राण भय का भाव है। भौतिक समृद्धि के लिए मानव के पास केवल तीन ही अर्थ हैं, तन, मन और धन। भ्रमित मानव ने तन, मन एवं धन के नियोजन से ही प्राप्त प्राकृतिक ऐश्वर्यों को उपयोग तथा भोग करते हुए प्राकृतिक भय, पाश्विक भय तथा मानव में निहित अमानवीयता के भय से मुक्त होने की कामना की है। भय से निवारण हेतु समुदाय रूपी सामाजिकता की कामना मानव ने किया। सामाजिकता का अर्थ ही है संबंध एवं संपर्क का निर्वाह। संबंध एवं संपर्क के निर्वाह के लिए आधारभूत प्रेरणा स्रोत चार हैं: सभ्यता, संस्कृति, व्यवस्था और विधि। तो यहाँ पर अब बात हो रही है कि भय से मुक्ति पाने के लिए, भय के निवारण के लिए लोगों ने सामाजिकता अपनाई कि लोगों के साथ जीने से ये भय का निवारण हो पाएगा। इसी में हम देखते हैं संबंध एवं संपर्क, ये दोनों दिखता है सामाजिकता में और इसका निर्वाह। और जब हम संबंध एवं संपर्क को पहचानने जाते हैं तो इसको किस अर्थ में पहचाने, तो वहां की समाज की जो संस्कृति सभ्यता चल रही है वो ही वहाँ के संबंध और संपर्क को डिफाइन करता है। जैसे एक सिंपल उदाहरण की वहाँ पे क्या संबोधन है वहाँ की संस्कृति सभ्यता में, उस अर्थ में कई सारे संबंध हमारे डिफाइन होते हैं। या स्वनारी स्वपुरुष को लेकर क्या मान्यता है, वो जो संस्कृति सभ्यता में है वो हमारे फिर संबंध में जो क्रियान्वयन होगा, जो हमारे व्यवहार होगा, वो सब उससे प्रभावित होता है। तो संबंध एवं संपर्क के प्रेरणा स्रोत संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था दिखता है। तो इसमें एक चीज ये दिखते कि संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था, अब हमारे जो सामाजिकता है, जो संबंध और संपर्क का आधारभूत है, तो वो एक प्रकार से वैल्यूज को रिएनफोर्स करता है और उसी प्रकार से फिर हम संबंध में व्यवहार कार्य कर पाते हैं। अब आगे चलते हैं। सभ्यता, संस्कृति, व्यवस्था और विधि पूर्वक मानव ने प्राप्त अर्थ का नियोजन करते हुए सुख की अनुभूति की कामना की है। छोटे से लेकर बड़ी इकाई तक ने अर्थ का उपयोग और उपभोग करते हुए सुखी होने का प्रयास किया है, पर जब एकाकी प्रयोग से उसे सुख की उपलब्धि नहीं हुई तो समाज का गठन हुआ, तथा ऐसे गठित समाज में संपर्क एवं संबंधों के निर्वाह के लिए नियम स्वीकृत हुए। इन नियमों का सभ्यता एवं संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करने का प्रयास किया गया था, इन्हें किया का प्रयास किया गया तथा इन्हें आवश्यकीय तथा अनावश्यकीय नियमों के रूप में माना गया। साथ ही इन्हें ऐसा ही मानना मानने और प्रयोग करने हेतु प्रेरणा देने के लिए व्यवस्था और विधि का जन्म हुआ। तो यहाँ पे एक प्रकार से एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दिया जा रहा है कि मानव जब धीरे धीरे साथ में जीना शुरू करे और उनकी जो वहाँ की संस्कृति और सभ्यता थी और सुख की कामना बनी हुई थी, या बनी हुई है भी, बट जो इसमें यहाँ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जो सुख की कामना बनी हुई थी उसलिए उन्होंने फिर कई सारे प्रयास किए, बट उसमें दिखा कि अकेले के प्रयास से कोई उपलब्धि हो नहीं पा रही, तो तब समाज के गठन की बात हुई। समाज को गठित किया तो संपर्क एवं संबंध एक बहुत ही नेचुरल स्वाभाविक कड़ी जुड़ी,
और उसको जीने गए तो नियम एक चीज दिखी, मतलब नियम स्वीकृत होने से ही संबंध का निर्वाह हो पाएगा। तो नियमों के आधार पर तो संस्कृति और सभ्यता का अध्ययन हुआ, और एक प्रकार से जो जब जीने गए लोग समाज में, तो संस्कृति और सभ्यता में जब जीने गए तो आवश्यकीय नियम क्या है और अनावश्यकीय नियम क्या है इस पर ध्यान गया, मतलब वैध क्या है और अवैध क्या है इस पर ध्यान गया, और इसको स्पष्ट करना जरूरी समझा, और उसी को बोला व्यवस्था और विधि का जन्म हुआ। तो वैध और अवैध को स्पष्ट करने के रूप में विधि का जन्म हुआ, और उसके फैलाव को, उसको सिस्टमेटाइज करके उसके फैलाव को देखने गए तो व्यवस्था के रूप में दिखा। और यहाँ पर जो मध्यस्थ दर्शन में कहा जा रहा है, मध्यस्थ दर्शन सहस्तित्ववाद के प्रकाश में, अगला पारा, अगला पॉइंट है, मध्यस्थ दर्शन सहस्तित्ववाद के प्रकाश में संस्कृति सम्मत विधि व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए प्राप्त अर्थ, तन, मन और धन की सदुपयोग आत्मक नीतियों का निर्धारण हुआ, तथा इनमें इन्हें धर्म नीति की संज्ञा दी गई। धर्म नीति मानव का वैभव है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो बात हो रही है कि एक प्रकार से धर्म नीति की बात हो रही है, जो हमारी एक मानसिकता बनाता है सदुपयोग की। तो सदुपयोग किस सेंस में, तन मन धन का सदुपयोग, और सदुपयोग संबंध में ये इसका हम अर्पण समर्पण कर पाए उस अर्थ में, तो संबंध में संबंध को हम व्यवस्था के अर्थ में देख पाए और उसके लिए तन मन धन का अर्पण समर्पण कर पाए उस अर्थ में सदुपयोग, तो ये मानसिकता बनती है, तो उस सेंस में संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था सुनिश्चित हो पाती है। तो ये दृष्टि हमारी बनती है तो हम संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था को सेट कर पाते हैं, ये दिखता है। और फिर आगे इसको बताया, सामाजिकता एक सूत्रता को बनाए रखने के लिए तथा अमानवीयता से मुक्ति के लिए, जिससे मानव को प्राप्त अर्थ, तन, मन और धन की सुरक्षा भी होती हो, ऐसी राजनीति अध्ययन गम्य हुई। सामाजिक इकाई होने के कारण एक मानव के तन तथा धन की सुरक्षा के साथ परिवार, समाज तथा राष्ट्र की सुरक्षा स्वयमेव सिद्ध है। यह उसी स्थिति में संभव तथा व्यवहार्य है जब मानव से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जीवन में एक सूत्रता है। तो यहाँ पर दिखता है कि सामाजिकता में एक सूत्रता के लिए, और सामाजिकता को जब हम देखने जाते हैं तो इसकी एक सूत्रता बनी रहे, उसके लिए सदुपयोग के साथ साथ सुरक्षा तन मन धन का, और इस सुरक्षा को ही कहा राजनीति। तो धर्म नीति एक मानसिकता दिखती है, और उसका जब हम फैलाव करने जाते हैं समाज में तो वो राजनीति के रूप में दिखता है। तो सदुपयोग से ही सुरक्षा स्पष्ट हो पाती है। तो जब हम इस यहाँ पे जैसे लिखा है, तन और धन की सुरक्षा के साथ परिवार, समाज तथा राष्ट्र की सुरक्षा स्वयमेव सिद्ध है। तो यहाँ पे हम देखने जाते हैं तो तन की सुरक्षा दिखता है, स्वास्थ्य संयम के अर्थ में चीजें फैलाई जाएंगी, है ना। धन की सुरक्षा दिखता है तो उत्पादन, विनिमय, इस अर्थ में व्यवस्था को ना सुरक्षित किया जाए, उस अर्थ में व्यवस्था को सेट किया जाए कि ये आयामों में मानव सदुपयोग व सुरक्षा पूर्वक जी पाए। राजनीति से साकार होने वाली उपलब्धि के मूल तत्व हैं स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष और दया में निष्ठा एवं विश्वास का स्थापना, तथा परधन, पर नारी, पर पुरुष और पर पीड़ात्मक व्यवहार से मुक्ति। तो यहाँ पर फिर से इसकी बात हो रही है कि सामाजिक नियम में जीने से ही निष्ठा एवं विश्वास की स्थापना होती है। फिर आगे लिखा है, वैचारिक पक्ष के परिमार्जन से तथा विकास से ही परधन, पर नारी, पर पुरुष एवं पर पीड़ा युक्त व्यवहार का उन्मूलन संभव है। विचार का परिमार्जन केवल इससे श्रेष्ठ व्यक्ति के प्रभाव में आने पर ही संभव है, क्योंकि यह नियम है कि अविकसित विकसित के सानिध्य में ही विकास की प्रेरणा पाता है और विकास को प्राप्त करता है।
विचार पक्ष का परिमार्जन मात्र चित्त के परिवर्तन, चित्त के प्रत्यावर्तन से ही संभव है, जिससे वैचारिक पक्ष में मानवीयता के प्रति आदर का भाव उत्पन्न होकर तद अनुरूप व्यवहार संभव है। तो सामाजिक नियम में व्यक्ति जीत पाए, इसके लिए विचार रूप में परिमार्जन आवश्यक है। और ये परिमार्जन कैसे होगा, तो इसमें बहुत स्पष्ट रूप में लिखा है कि अविकसित का विकसित के साथ सानिध्य ही उसके लिए विकास के लिए प्रेरणा है। तो मुझसे श्रेष्ठ व्यक्ति को पहचान पाना, उसकी श्रेष्ठता को पहचान पाना, उससे प्रेरणा पाना और आगे बढ़ते जाना, ये इसकी एक कड़ी, इम्पोर्टेंट कड़ी दिखती है। राजनीति का क्षेत्र अर्थ की सुरक्षा से अधिक संबंध होने के कारण इसका संबंध भौतिक वस्तुओं से अधिक है, अतः इसका धर्म नीति के आश्रय में होना अनिवार्य व अपरिहार्य है। तो धर्म नीति के आश्रय में राजनीति है, मतलब धर्म नीति से ही राजनीति नियंत्रित होती है, मतलब कि जो ये मानसिकता बनती है तन मन धन के सदुपयोग की, उसी से सुरक्षा सुनिश्चित होती है। एक सूत्र आता ही रहता है बार बार कि सुरक्षा ही सदुपयोग है, सदुपयोग ही सुरक्षा है, इसी का ये एक प्रकार से उल्लेख है। अंतर्राष्ट्रीय नीति से राष्ट्रीय नीति को प्रेरणा व दिशा, राष्ट्रीय नीति से सामाजिक नीति को प्रेरणा व दिशा, सामाजिक नीति से पारिवारिक नीति को प्रेरणा व दिशा, और पारिवारिक नीति से मान्यतापूर्ण आचरण के लिए प्रेरणा व दिशा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जागृत परंपरा में जो पोषण दिखेगा वो ऊपर से लेकर नीचे तक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो नीति तय होगी और जो इंडिविजुअल के लेवल पर है, एक तो वो स्वतः फ्लो करेगा, उनमें एक सूत्रता बनी रहेगी और एक दूसरे की बातों के विपरीत कुछ नहीं होगा। जैसे अभी की परिस्थितियां देखते हैं तो जो राष्ट्रीय स्तर पे तय, एक राष्ट्रीय के स्तर पे तय हो रहा है, दूसरा उसके विपरीत कुछ कर रहा है, वहां पे एक सूत्रता नहीं हो पाती, या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो बोला जा रहा है उससे भिन्न राष्ट्रीय लेवल पे कुछ सोचा जा रहा है, तो वो अग्री नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पे द्वंद्व रहता है, वहां पे डिबेट रहता है, वहां पे एक सूत्रता नहीं हो पाती। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये स्वतः एक सूत्रता दिखेगी और ऊपर से नीचे तक एक प्रेरणा का एक स्वतः फ्लो रहेगा, तो ये एक बहुत सुंदर चीज यहाँ देखने को मिली। इसकी भिन्न पद्धति से भी नीति निर्धारण होता है, जिससे कि मानव समाज के लिए व्यक्ति की महत्ता तथा व्यक्ति के लिए मानव समाज की महत्ता प्रतिपादित होती है। इसके साथ ही व्यक्ति से लेकर संपूर्ण मानव समाज की एक सूत्रता का महत्व भी हृदयंगम होता है। तो एक तो अंतर्राष्ट्रीय नीति से लेकर परिवार व्यक्ति तक जो नीति तय होगी और वो एक दूसरे से प्रेरणा लेंगे, तो एक ऊपर से नीचे प्रेरणा लेंगे, और अगले में लिखा है दूसरी पद्धति भी रहेगी, नीचे से ऊपर की प्रेरणा, तो दोनों का महत्व हमेशा बना रहेगा, मानव का भी और समाज का भी। एक एक को निगेट करके दूसरे को सोचना और दूसरे को निगेट करके केवल एक को सोचना, ऐसा नहीं रहेगा, तो दोनों की इम्पोर्टेंस रहेगी, दोनों में एक सूत्रता भी रहेगी। ये एक यहाँ पे जागृत परंपरा का संकेत हमें मिलता है। जागृति विधि से अंतर्राष्ट्रीय नीति में अखंडता व सार्वभौमता की नीति, राष्ट्रीय नीति में विधि यानी न्याय की अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए व्यवस्था, सामाजिक नीति में स्वधन स्वनारी स्वपुरुष तथा दयापूर्ण कार्य व्यवहार की नीति, और व्यक्तिगत जीवन में समझदारी संपन्न नीति से ही पोषण संभव है। तो यहाँ पे पोषण का स्वरूप इंडिविजुअल से लेकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक बताया गया, तो इंडिविजुअल के लेवल पर समझ में आता है, और परिवार के लेवल पर सामाजिक नियम के अर्थ में जीना समझ में आता है, और फिर जब हम समाज के लेवल पर जाते हैं तो न्याय और अभयता के साथ जीना, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अखंडता और सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में जीना, ये नीति रूप में पोषण के तत्व समझ में आते हैं। संबंध एवं संपर्क के विषय में एक बात स्पष्ट कर देना आवश्यक है, इन दोनों में दायित्व का निर्वाह आदान प्रदान के आधार पर होता है, परंतु दोनों में भेद यह है कि संबंध की परस्परता में प्रत्याशाएं पूर्व निश्चित रहती हैं तथा इसके अनुरूप ही आदान प्रदान होता है।
संपर्क में आदान एवं प्रदान परस्परता में पूर्व निश्चित नहीं रहता, इसलिए संपर्क में आदान व प्रदान क्रियाएं ऐच्छिक रूप में अवस्थित हैं। संबंध दायित्व प्रधान एवं संपर्क कर्तव्य प्रधान है। संपर्क में परस्परता में स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य व्यवहार की अपेक्षा रहती ही है। मानव अथवा इससे विकसित तक ही संबंध है, जबकि समस्त इकाइयां परस्पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क में है ही। तो यहाँ पर अब जब बात हो रही है तो इसमें दो चीजों की बात हो रही है, संबंध और संपर्क। इस पर पहले भी चर्चा हो चुकी होगी। संबंध में हम संबंध को हम ऐसे परिभाषित कर रहे हैं जहाँ पे अपेक्षाएं पूर्व निश्चित है, और संपर्क में हम कह रहे हैं वहां पर जो आदान प्रदान है या जो निर्वाह है वो ऐच्छिक रूप में है, उसको हम लोग सिचुएशनली तय करते हैं, वो पहले से निश्चित नहीं है। जबकि संबंध में वो चॉइस नहीं है, आप संबंध में जिसके साथ हैं उनके साथ एक सेट अपेक्षा सेट है ही, मूल्य निर्वाह की अपेक्षा बनी ही हुई है। और संपर्क में जो बेसिक मिनिमम निर्वाह की अपेक्षा बनी हुई है वो है सामाजिक नियम, कि आप किसी से भी मिलेंगे तो वो, और आप उनसे पहली बार ही मिल रहे हैं या आप उनसे बहुत ही कम संपर्क में होते हैं, तो वो मिनिमम आपके साथ सामाजिक नियम के साथ पेश आएंगे, तो स्वधन के रूप में पेश आएंगे, है ना, डिप्राइव्ड या एक्सप्लॉयटेटिव स्वरूप में नहीं पेश आएंगे, स्वनारी स्वपुरुष की मर्यादा में पेश आएंगे और दयापूर्ण कार्य व्यवहार के साथ पेश आएंगे। तो ये एक मिनिमम एक्सपेक्टेशन रहती है हमारे साथ जब हम किसी को मिलते हैं पहली बारी। बाकी उनके साथ जितने भी निर्वाह करने का डोमेन है वो ऐच्छिक रहता है ना, वो परिस्थिति अनुसार हम लोग तय करते हैं। संबंध में वो पूर्व निश्चित रहती है, एक ये जो बड़ा डिस्टिंक्शन यहाँ पे दिया गया। साथ में एक डिस्टिंक्शन दिया गया कि संबंध दायित्व प्रधान है और संपर्क कर्तव्य प्रधान है। तो ये दोनों चीजें जो हम बात करते हैं दायित्व और कर्तव्य की, तो दायित्व एक प्रकार से हमारी जो जिम्मेदारी है, जो हम एक मानसिकता बनाते हैं संबंध को लेकर, और कर्तव्य है जो हम उसका क्रियान्वयन करने जाते हैं कार्य व्यवहार में। तो संबंध जो है उसमें दायित्व प्रधान होने का मतलब कि वो जो भाव है जिम्मेदारी का वो प्रमुख है, और जब हम संपर्क के साथ इंगेज करते हैं जिनको हम बहुत कम मिलते हैं या एक ही बारी मिले हैं या पहली बारी मिल रहे हैं, तो उनके साथ जो डोमेन है वहाँ पे करने वाला भाग अधिक रहता है। अभी उस तरह से एक दूसरे को जानना ही नहीं हुआ जहाँ पे हम एक बड़ी जिम्मेदारी स्वीकार पाए सामने वाले के लिए, और या सामने वाला हमारे लिए स्वीकार पाए। तो इस प्रकार से दायित्व प्रधान संबंध, कर्तव्य प्रधान संपर्क। तो पोषण के अर्थ में यहाँ पर संबंध और संपर्क की बात हो रही है, और उसमें आगे संपर्क को और फैलाया। संपूर्ण संपर्क संबंध के लिए प्रेरणा के स्रोत है। संपर्क दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संपर्क, मानव संपर्क। प्राकृतिक संपर्क में जागृत मानव प्राकृतिक ऐश्वर्य का उपयोग व सदुपयोग करता है। समस्त भौतिक संपर्क तथा इसकी उपलब्धियां संबंध के निर्वाह के लिए ही होती हैं। मानव संपर्क से अपने विकास के लिए प्रेरणा पाता है अथवा उसके लिए प्रवृत्त होता है। मानव संपर्क जो जागृति के लिए प्रेरणा देता है, पोषण है। तो यहाँ पे संपर्क में दो संपर्क की बात आई, प्राकृतिक संपर्क और मानव संपर्क। प्राकृतिक संपर्क में हम जो भौतिक ज्यादा फिजिकल वर्ल्ड की बात हो रही है, जो हमारे भौतिक वस्तुओं के साथ जो संपर्क होता है उसकी बात हो रही है, बट वो भी फाइनली समर्पित होता है, ये एक बात दिखती है। तो उसमें भी विकास के लिए ही फाइनली प्रेरणा बनती है, और मानव संपर्क जो है वो जागृति के लिए प्रेरणा देता है, वही उसका पोषण तत्व है। जो जिसका मूल्यांकन नहीं करेगा वह उसका सदुपयोग नहीं करेगा या नहीं कर सकेगा, अतः मानव के हर पक्ष का मूल्यांकन आवश्यक है। संपूर्ण संबंधों के मूल में मूल्यांकन आवश्यक है। मूल्यांकन मौलिकता का ही होता है। मौलिकता के आधार पर ही कर्तव्य का निर्धारण तथा निर्वाह होता है। दायित्वों का निर्वाह जिस इकाई के प्रति होना है उस इकाई के प्रति न होने से उसका पोषण अवरुद्ध होता है अथवा शोषण है। साथ ही जिस इकाई द्वारा दायित्व का निर्वाह होना है उसे न होने की स्थिति में प्रतिफल के रूप में अविश्वासी मिलेगा। अविश्वासी विद्रोह तथा आतंक का कारण बनता है,
जो शोषण की ओर प्रेरित करता है। तो यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली जा रही है, मूल्यांकन, अगर हम सही मूल्यांकन नहीं कर पाते तो हम सदुपयोग भी नहीं कर पाते। तो अगर हम इन दोनों शब्दों को देखें, मूल्यांकन और सदुपयोग को, तो मूल्यांकन में ये दिखता है कि किसी चीज़ की सार्थकता पहचान पाना, किसी चीज़ का प्रयोजन पहचान पाना, किसी का व्यवस्था के रूप में क्या भागीदारी होती है उसको पहचान पाना, वो है सही मूल्यांकन। तो मूल्यों के अर्थ में आंकलन कर पाना। और सदुपयोग जब बात कर रहे हैं तो इस पर हम पहले भी बात किए कि सदुपयोग मतलब तन मन धन का सदुपयोग संबंधों के अर्थ में अर्पित समर्पित होना, मतलब समाज को गति दे पाना, उस अर्थ में हमारा तन मन धन का सदुपयोग है। तो वो एक्चुअली फाइनली उसका एंकर, उसका जो ठोस आधार है वो संबंध ही है, उसमें संबंध बड़ा है, वस्तु छोटा है। तो हम चीज़ों का अगर ठीक से आकलन नहीं कर पाते तो उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे यूटिलाइज करना है ताकि वो उपयोगी रहे, सबके लिए उपयोगी बना रहे और वो एग्जिस्टेंस से ख़त्म ना हो, वो हम नहीं तय कर पाते। तो अगर हम इसका एक सिंपल सा उदाहरण लें, पानी ले लें, भोजन ले लें, कपड़ा ले लें, तो अगर हम इसके साथ इसका मूल्यांकन नहीं कर पाते कि पानी का क्या भागीदारी है, क्या प्रयोजन है, तो हम उसको अपने लिए यूज़ करते हैं, ओवर यूज़ भी करते हैं एंड फाइनली उसकी कमी हो जाती है और पूरे मानव जाति के लिए वो कम पड़ता है, उसका एक प्रकार से हमने दुरुपयोग किया क्योंकि हम उसको सही अर्थ में नहीं पहचान पाए। तो एक ये दिखता है। और अगर सही अर्थ में पहचान पाते हैं तो उसकी व्यवस्था बनाए रखते हैं और वो पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहे, सबके लिए उपलब्ध रहे, ये हम रहती है। दूसरा, इसको अगर संबंधों के अर्थ में देखें तो एक उदाहरण समझ में आता है, जैसे भाई बहन का संबंध है। तो जब हम किसी के साथ भाई का संबंध स्वीकारे हुए हैं और उसका हम सही मूल्यांकन करते हैं, मतलब मैं सामने वाले को भाई के रूप में स्वीकारती हूँ, सामने वाला मुझे बहन के रूप में स्वीकारता है, तो हमारी एक दूसरे के साथ क्या भागीदारी है ये बहुत क्लियरली स्पष्ट होती है कि हम है ना विकास के अर्थ में है और उत्पादन में, प्रयोग विधि में साथ में लगेंगे और इस तरह के हमारे कार्यक्रम रहेगा, तो वहाँ पर स्पष्ट होता है। तो एक प्रकार से एक निश्चित मर्यादा बनती है, बहुत स्पष्ट होती है और वहाँ कोई कन्फ्यूजन का डोमेन नहीं रहता क्योंकि वहाँ पे आंकलन सही है। हो पाता तो बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है और बहुत सारे आगे चल के प्रॉब्लम्स आती है जिससे सभी लोग वाकिफ भी हैं। तो जब हम नर नारी समानता की बात करते हैं तो उसमें ये मर्यादा भी काफी पति पत्नी को छोड़कर अधिकतर संबंध जो है वो भाई। कोई मैसेज आए, इफ इट शोज लोडिंग स्क्रीन प्लीज रीस्टार्ट द ऐप एंड स्टार्ट वीडियो अगेन। नहीं दिखा रहा। आप लोगों को वीडियो दिखाई दे रहा और साउंड आ रही है क्या? कोई भी एक दो लोग बता दे। अच्छा, तो श्रवण भाई लास्ट में क्या मिस हुआ? लास्ट लाइन आपको ध्यान है? ओके, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं फिर। तो मूल्यांकन और सदुपयोग की बात हो रही है, छोटा सा एक समरी कर देती हूँ। सही आंकलन होता है तो हम संबंधों को वस्तुओं सदुपयोग कर पाते हैं तो व्यवस्था बनी रहती है, और अगर हम मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं तो हमें स्पष्टता नहीं होती कि इस चीज के साथ या इस व्यक्ति के साथ हमें क्या कैसे निर्वाह करना है। और यहाँ पर आगे एक बहुत बढ़िया बात लिखी है कि जहाँ पे पोषण संतान और एक पिता का संबंध देखते हैं और पिता संतान के पोषण के अर्थ में वो दायित्व का निर्वाह नहीं कर पाता, मतलब जो वातावरण उसके लिए उपलब्ध कराना चाहिए, उसके बारे में जो सोचना चाहिए, पिता का किसी वर्ष वहाँ ध्यान नहीं रहता और अपने स्वार्थ की वो ज़्यादा ध्यान जाता है, तो कहीं संतान का प्रति एक अविश्वास में
है कि नहीं, वहां पे शंका बनने लग जाती है। तो पिता के द्रोह होने से संतान में एक विद्रोह पैदा होता है, जो विद्रोह को जैसे रेबेल है ना, तो कोई पिताजी की डिसलॉयल्टी देखकर अपने अंदर एक रिबेलियन वाला फीलिंग आता है, वो रिबेलियन वाला फीलिंग ही आगे चल के आतंक में मतलब कन्वर्ट होता है। तो आतंक हम छोटे स्तर पे देख रहे हैं, पर अगर यही जोड़ जोड़ के काफी बड़ा स्वरूप लेता है आगे चलकर, तो ये तो दिखता ही है कि ये काफी क्रिटिकल है कि पिता का संबंध पहचान पाए, है ना, पिताजी सही मूल्यांकन कर पाए तो संतान को सही दायित्व, अपना दायित्व सही रूप में निर्वाह कर पाएंगे, फिर संतान अपना कर्तव्य भी निभाएगा, तो ये एक पूरकता बनी रहेगी। पर मूल्यांकन ना होने के कारण अपने स्व कड़ी टूटती है, और ये टूटती है तो फिर ये एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। प्रत्येक संबंध में संपर्क निहित है ही, संबंध में भाव यानी मौलिकता पक्ष विशिष्ट है तथा भौतिक पक्ष उतना ही प्रबल होता है। संबंधों में भाव का निर्धारण मानवीय परंपरा के अनुसार है। संबंधों के निर्वाह में भाव पक्ष का तिरस्कार कर भौतिक पक्ष को वरीयता प्रदान कर जब आचरण किया जाता है, तो अपने से अविकसित को विकास का लक्ष्य मान लेने की भ्रमित मान्यता का जन्म होता है। जबकि समस्त भौतिक पक्ष मनुष्य से अविकसित भौतिक उपलब्धियों के लिए ही युद्ध लिया है। अच्छा, स्टॉप लिखा भी है ना, ओके। अच्छा, वो हाँ कुछ तो हो रहा है, दिक्कत आवाज आ रही है, लिखा तो है ना, ओके, अब ठीक आ लिया था। प्रत्येक संबंध में संपर्क निहित है ही, और फिर उसी के लास्ट में संबंधों के निर्वाह में भाव पक्ष का तिरस्कार कर बहुत वरीयता प्रदान कर जब आचरण किया जाता है, तो अपने से अविकसित को विकास का लक्ष्य मान लेने की भ्रमित मान्यता का जन्म होता है। जबकि समस्त भौतिक पक्ष मनुष्य से अविकसित है ही, इसीलिए विकास का मार्ग अवरुद्ध होता है। परिणामतः मानवों ने भौतिक उपलब्धियों के लिए ही युद्ध किया है। बट मैसेज भी आ रहा है, इट्स बफरिंग फ्रीक्वेंटली, इट्स टेकिंग टाइम। अच्छा, योर लाइन बुलेट पॉइंट है, वहां से लेते हैं। जो जिसका मूल्यांकन नहीं करेगा, वह उसका सदुपयोग नहीं करेगा या नहीं कर सकेगा। अतः मानव के हर पक्ष का मूल्यांकन आवश्यक है। संपूर्ण संबंधों के मूल में मूल्यांकन आवश्यक है। मूल्यांकन मौलिकता का ही होता है। मौलिकता के आधार पर ही कर्तव्य का निर्धारण तथा निर्वाह होता है। दायित्वों का निर्वाह जिस इकाई के प्रति होना है, उस इकाई के प्रति न होने से उसका पोषण अवरुद्ध होता है अथवा शोषण है। साथ ही जिस इकाई द्वारा दायित्व का निर्वाह होना है, उसे न होने की स्थिति में प्रतिफल के रूप में अविश्वास ही मिलेगा। अविश्वासी द्रोह, विद्रोह तथा आतंक का कारण बनता है, जो शोषण की ओर प्रेरित करता। यहाँ पर जो हमने कल चर्चा की थी कि मूल्यांकन एक बहुत ही आवश्यक भाग है संबंध में, ताकि हम संबंध में सदुपयोग कर पाए। किसी भी चीज में तन मन धन का सदुपयोग हो पाए और वह व्यवहार के लिए अर्पित समर्पित हो पाए, उसके लिए मूल्यांकन एक आवश्यक भाग है। इसमें कल हम दो उदाहरण लिए थे, जैसे हम रोटी, अपना भोजन, कपड़ा, ये चीजें देखते हैं, तो अगर हम इसको व्यवस्था के अर्थ में देख पाते हैं, इसका प्रयोजन हमें स्पष्ट होता है, तो इसके साथ कैसे जीना है वो स्पष्ट होता है, और उसकी हम एग्जिस्टेंस को बनाए रखते हैं, वो धरती से पूरी तरह खत्म हो जाए या सबके लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध ना हो पाए, ऐसा नहीं होता। यह सही मूल्यांकन जब वस्तु का हो पाता है, तो वो सदुपयोग होने पर सुरक्षित भी हो पाते हैं वस्तु। उसी तरह जब हम इसको संबंधों में देखते हैं, तो अगर हमने कल भाई बहन का उदाहरण लिया था, तो भाई और बहन के संबंध में अगर उस संबंध का सही मूल्यांकन हो पाता है, मतलब भाई अपने बहन के प्रति भागीदारी देख पाता है और बहन अपने भाई के प्रति भागीदारी देख पाती है, और वो सहयोग वाली प्रवृत्ति को सुनिश्चित कर पाते हैं, तो उन दोनों का एक दूसरे के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो निश्चित होता है, मर्यादित होता है, उससे वो पहचान पाते हैं और कर पाते हैं, वहां पे कंफ्यूजन का कोई डोमेन नहीं रहता।
जबकि आजकल की परिस्थिति में हम देखते हैं कि इन संबंधों में जहाँ पे हम लोगों को भाई बहन के रूप में संबोधित करते हैं, वहाँ अक्सर कंफ्यूजन का डोमेन हो जाता है, शायद इसीलिए क्योंकि हम उस रिश्ते का सही मूल्यांकन नहीं कर पाते। तो यहाँ पर हमने एक और कल बात करी थी कि जब हम नर नारी की समता का बात करते हैं और उसको अगर हम अचीव करना चाहते हैं तो ये मर्यादा हमें स्पष्ट होनी होगी। ये सभी संबंधों में जो भागीदारी है और उसी आधार पर हम उस संबंध में मर्यादित होते हैं तो ही वो आगे चलकर नर नारी के समानता का स्वरूप लेती है। और यहाँ पर उदाहरण के रूप में तो अगर फादर अपना दायित्व नहीं पहचान पाते सन के प्रति या बच्चे के प्रति और उस दायित्व को पूरा नहीं कर पाते, पहचान नहीं पाते, तो निश्चित रूप से उसको पूरा भी नहीं कर पाते, तो संतान के मन में एक विद्रोह पैदा होता है। वो फादर की इस क्रिया को डिसलॉयल्टी के रूप में देखता है कि फादर इज बीइंग डिसलॉयल, है ना, वो अपना दायित्व नहीं निभा पाए, वो उसकी चोट उसको लगती है। उस चोट जो लगती है वो उसके मन में पत्रता के प्रति एक शंका पैदा होती है कि क्या ये मेरे हित में सोचते हैं, मतलब उनकी हर बात पर फिर एक प्रकार से शंका पैदा होती है कि शायद ये मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे अपने आप के लिए खुद ही सोचना पड़ेगा। तो ये एक शंका पैदा होती है और वो विद्रोह के रूप में प्रकट होता है, रेबेल के रूप में प्रकट होता है। और फिर उसी का चल के आगे चल के ये जो आतंक का स्वरूप लेता है, भय की पीड़ा का स्वरूप लेता है और वो फिर समाज में अलग अलग स्वरूप में फैलता है, क्योंकि अगर परिवार में ही वो विश्वास नहीं स्थापित हो पाता तो वो आगे भी किसी संबंध में स्थापित हो पाए, समाज में उसका स्वरूप फैल पाए, वो उस व्यक्ति के लिए संभव नहीं हो पाता। तो मूल्यांकन एक बहुत ही क्रिटिकल एलिमेंट है सभी संबंधों में, न्याय के अर्थ में भी और सदुपयोग के अर्थ में भी। आगे चलते हैं। प्रत्येक संबंध में संपर्क निहित है ही, संबंध में भाव मौलिकता पक्ष विशिष्ट है तथा भौतिक पक्ष गौण है। प्रत्येक संबंध में भाव का जितना तिरस्कार होता है भौतिक पक्ष उतना ही प्रबल होता है। संबंधों में भाव का निर्धारण मानवीय परंपरा के अनुसार है। संबंधों के निर्वाह में भाव पक्ष का तिरस्कार कर भौतिक पक्ष को वरीयता प्रदान कर जब आचरण किया जाता है तो अपने से अविकसित को विकास का लक्ष्य मान लेने के भ्रमित मान्यता का जन्म होता है, जबकि समस्त भौतिक पक्ष मनुष्य से अविकसित है ही, इसीलिए विकास का मार्ग अवरुद्ध होता है। परिणामतः मानवों ने भौतिक उपलब्धियों के लिए ही युद्ध किया है। तो यहाँ पर ही कल शायद ब्रेक हुआ था वीडियो पूरी तरह से, तो यहाँ पे हम ये बात हो रही है कि हमने भ्रमवश वस्तु को मानव से बड़ा मान लिया, अपने कार्यों को अपने काम को हमने व्यवहार से न्याय से बड़ा बड़ा मान लिया। जब हम इसको अपने लक्ष्य के रूप में स्वीकारते हैं तो संबंध में टूटन होती है, तिरस्कार भाव का तिरस्कार होता ही है ना, तो वो एक प्रकार से संबंध का डिसरिस्पेक्ट होता है। और इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं तो जब इसमें समाज में जो इसका प्रकटन होता है इस भाव के तिरस्कार से, तो वहां पे दिखता है कि भौतिक चीजों को संग्रह करने के अर्थ में लोग लगे लग लग जाते हैं और फिर उसका ही स्वरूप एक प्रकार से युद्ध होता है। और कल एक्चुअली एक प्रश्न आया था, मैं सोची थी सब एक बारी जुड़ जाते तो उसको लेते, तो यहाँ पे 2 मिनट रुककर इसी के पहले पेज पे 116 पेज पर ये जो फर्स्ट एस्ट्रिक्स है, सेकंड एस्ट्रिक्स है पेज पे, जो शुरू होता है पैराग्राफ, संबंध एवं संपर्क के विषय में एक बात स्पष्ट कर देना आवश्यक है, ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें लास्ट लाइन पे एक प्रश्न आया था, उसको पढ़ लेते हैं। मानव अथवा इससे विकसित तक ही संबंध है, जबकि समस्त इकाइयां परस्पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क में है ही। तो यहाँ मानव अथवा इससे विकसित, तो इससे विकसित मानव बात हो रही है देव मानव और दिव्य मानव की, तो मानव देव मानव दिव्य मानव तक ही संबंध है। समस्त इकाइयां, तो आपकी बाकी सभी इकाइयां जो जड़ इकाइयां हो गई या व्यापक हो गया या मात्र जीवन मतलब बिना शरीर के,
है ना, वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में है ही, पर वहां पे संबंध निर्वाह की बात नहीं हो पा रही, वहां पे संबंध की बात नहीं है क्योंकि वहां निर्वाह की बात नहीं संभव है। तो हमारे सारे संबंध जो है वो मानव के क्षेत्र में है, देव मानव के क्षेत्र में है, दिव्य मानव के क्षेत्र में है, व्यापक जीवन और जड़ इकाई के संदर्भ में नहीं है। आई होप ये स्पष्ट हो गया है, तो आगे चलते हैं। वापस 117 पर जो सेकेंड बुलेट पॉइंट है, किसी भी उपलब्धि के प्रति आवश्यकीय नियम सहित पूर्ण समझ की निश्चय तथा अपूर्ण समझ से किए गए प्रयास की मान्यता संज्ञा है। अतः संबंध में भाव पक्ष का तिरस्कार ही उस संबंध का शोषण है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि जो पूर्ण समझ है उसकी अभिव्यक्ति निश्चित आचरण के रूप में है और वही पोषण का अभिव्यक्ति है, और जहाँ पर भाव पक्ष का तिरस्कार हो रहा है वहाँ शोषण हो रहा है, और ये शोषण इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अपूर्ण समझ से अपनी मान्यताओं वश बिना उनको वेरीफाई किए हम संबंध में जीने का प्रयास कर रहे हैं। मानव के लिए पोषण युक्त संपर्कात्मक एवं संबंध आत्मक विचार एवं तद अनुसार व्यवहार से ही मानवता की स्थापना संभव है, अन्यथा शोषण और अमानवता की पीड़ा है। शोषण और पोषण तीन प्रकार से होता है। दायित्व का निर्वाह करने से पोषण अन्यथा शोषण है। प्राप्त दायित्वों में नियोजित होने वाली सेवा के नियोजित न करते हुए मात्र स्वार्थ के लिए जो प्रयत्न है एवं दायित्व के अस्वीकारने की जो प्रवृत्ति है उसको दायित्व का निर्वाह न करना कहते हैं। तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि जो पहला वाक्य है, मानव के लिए पोषण युक्त संपर्कात्मक एवं संबंधात्मक विचार एवं तदनुसार व्यवहार, तो ये तो समझ में आता है कि विचार के अकॉर्डिंग हमारा व्यवहार होता है। तो विचार में हमारा पोषण की प्रवृत्ति, पोषण के विचार चल रहे हैं कि शोषण के, किस प्रकार की मानसिकता हमारे विचारों में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग जो दायित्व कर्तव्य की बात करते हैं उसका निर्वाह हो पाता है या नहीं हो पाता है या सही अर्थ में नहीं हो पाता। तो यहाँ पे शोषण और पोषण के तीन प्रकार को इंगित किया। पहले बोला कि दायित्व का जो निर्वाह है, अगर हम जो हमें प्राप्त दायित्व है, मतलब अपने पद के अनुसार या अपने, जैसे आप किसी के माँ हो, किसी के पिता हो, किसी के मित्र हो, ये जो हमने हमारा प्राप्त दायित्व है, बाय डिजाइन हमें जो दायित्व मिला हुआ है उसको हम अपने स्वार्थ के लिए नियोजित करते हैं, ना कि सामने वाले के विकास के अर्थ में। ये पहला शोषण की कड़ी बताई। जैसे कि हम किसी ऑफिस में काम करते हैं और अपने कॉलीग्स के साथ एक हमारी टीम है और उस टीम को मैं लीड कर रहा हूँ, तो मैं उस टीम को लीड करते समय ये सोच रही हूँ कि मेरा इसमें क्या बेनिफिट है और ये मुझे मेरे प्रमोशन के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, तो है ना 2 हफ्ते एक्स्ट्रा इन लोगों को रातें लगानी पड़े तो चल जाएगा। तो हम उनके विकास, उनके शरीर के पोषण, उनके मानसिक पोषण को ना सोचते हुए, जो मेरा दायित्व है अगर मैं टीम को लीड कर रही हूँ, मैं उनके पोषण को ना सोचते हुए अपने अपने प्रमोशन को सोचते हुए निर्णय लेती हूँ, वो मेरा स्वार्थ है, वो मेरा दायित्व निर्वाह नहीं कहलाएगा। दूसरा जो बात हो रही है, दायित्व को अस्वीकारने की जो प्रवृत्ति है, तो दायित्व हमें प्राप्त है पर हम उस दायित्व को इग्नोर कर रहे हैं, उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। दिस इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज नॉट माई डोमेन, आप करो जो आपको करना है। तो ये जो है इसको भी दायित्व का निर्वाह नहीं मान रहे हैं, और ये दोनों जब संबंध में घटता है तो ये संबंध में शोषण की ओर ही ले जाता है। आगे इसको और व्याख्यायित किया, दायित्व को निर्वाह न करने पर स्वयं का विकास, जिसके साथ निर्वाह करना है उसका विकास, तथा इन दोनों के विकास से जिन तीसरे पक्ष का विकास हो सकता है वह सभी अवरुद्ध हो जाते हैं। विकास को अवरुद्ध करना ही शोषण है। तो मेरा विकास भी नहीं हुआ है ना, क्योंकि लोग नेचुरली मुझसे रिबेल करेंगे इस प्रोसेस में, और जिन टीम को मैं लीड कर रही हूँ उनका विकास भी नहीं हुआ,
और उससे जुड़े जो हमारे आसपास लोग हैं और हमें देख रहे हैं, वो भी हमसे कोई प्रेरणा नहीं पाते, तो उनका भी कोई विकास नहीं हुआ। तो दायित्व न निर्वाह करने के कारण तीनों पक्ष का शोषण होता है। दूसरा बोला, दायित्व का अपव्यय अथवा सदव्यय करना। दायित्व के निर्वाह में आलस्य एवं प्रमाद पूर्वक प्राप्त प्रतिभा और वर्चस्व का न्यून मूल्य में उपयोग करना ही दायित्व का अपव्यय है। तो ये दूसरे प्रकार की जो बात करी कि जो हमारा प्राप्त दायित्व है, हम उसको यूज कर रहे हैं कि मिसयूज कर रहे हैं, तो एक प्रकार से इसका जो मिसयूज करने की जो प्रवृत्ति है उसको बोला ये आलस्य और प्रमाद कारण होता है। तो आलस्य प्रमाद पे पहले भी चर्चा हुई होगी। तो जब हम किसी कार्य का इम्पोर्टेंस जानते हैं, जानते हुए भी उसको अपने व्यवहार में नहीं ला पाते, उसको कहा आलस, और प्रमाद उसको कहा कि हम किसी चीज का इम्पोर्टेंस जानते नहीं हैं और हेंस नहीं कर रहे हैं, उसको कहा प्रमाद। तो ये दोनों चीजें होने के कारण हम अपना दायित्व का मिसयूज करते हैं। तो हमें कोई जिम्मेदारी दी जाती है, हमें दिख रहा है वो जिम्मेदारी जरूरी है, पर मेरा आज मन नहीं कर रहा करने को, है ना, तो उस जिम्मेदारी को हम सीरियसली नहीं स्वीकार पा रहे हैं, उसमें मेरा आलस्य बीच में आ रहा है, मेरा प्रमाद बीच में आ रहा है। ये जो सब चलता है एटीट्यूड जो अक्सर हम देखते हैं कि चल जाएगा कोई बात नहीं, मैं नहीं जाऊंगा तो वो लोग संभाल लेंगे, ये एक प्रकार से दायित्व का अपव्यय समझ में आता है। तीसरा जो बात किया, दायित्व का विरोध करना अथवा पालन करना। मौलिक मान्यताएं जो संबंध एवं संपर्क में निहित है उसके विरोध में ह्रास के योग्य मान्यता को प्रचारित एवं प्रोत्साहित करना ही दायित्व का विरोध करना है। दायित्वों का विरोध अभिमानवश एवं अज्ञानवश किया जाता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु लगा मुझे कि हम हमारा किसी के प्रति दायित्व है, एक जिम्मेदारी है उनको एक अनुकूलता प्रदान करने की और उनको विकास के लिए प्रेरित करने की, तो वो एक अवसर भी है, पर उस अवसर में हम एक गलत मान्यता स्थापित करते हैं सामने वाले में, क्योंकि हमें लगता है हम सही हैं। ये जो अभिमानवश और अज्ञानवश, या तो हम वो चीज को समझते नहीं जो मान्यता हम उसको एक्सीडेंटली परोस रहे हैं, एक ये हो सकता है। दूसरा है आई नो बेटर, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूँ, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, किसी की सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है, और वो मान्यता मैं आगे अपने संतान को या किसी और को पास ऑन करता हूँ। जैसे हम देखते ही हैं कि जैसे मानिए घर पे कोई गेस्ट आता है और बच्चा फोन या टीवी में मस्त है, और हमारे पास दो ऑप्शन है वहां पर। एक ऑप्शन है कि हम उसको बोले इसको साइड करो और जाओ उनसे मिलो, बात करो, अच्छे से प्रस्तुत हो। दूसरा एक नजरिया हो सकता है कि लेट द चाइल्ड बी, है ना, उसको रहने दो, उसको डिस्टर्ब मत करो, जबकि उस समय बच्चे को सही गलत का कोई एहसास, मतलब कोई आंकलन करने का आधार नहीं है अपने पास। वो माता पिता पर ही निर्भर है उस आंकलन के लिए, या अपने परिवार पर ही निर्भर है उस आंकलन के लिए। तो एक प्रकार से वो एक गलत मान्यतावश बच्चे का एक मनमानी का मोड चालू हो जाता है। तो वहां पर देख पाना कि क्या सही है क्या गलत है, और सही मान्यता या सही की ओर बच्चे को प्रेरित करना, वही हमारा दायित्व है। और वो गलत मान्यता परोस देना जिससे वो मनमानी की ओर जाता है, वो एक प्रकार से दायित्व का विरोध है। प्रत्येक इकाई के मूल में तीन बातें मुख्य होती हैं। पहला गठन, दूसरा उद्देश्य, तीसरा आचरण या कार्यक्रम की विशिष्टता। यहाँ चूंकि व्यक्ति से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मानव समाज की इकाई के संदर्भ में शोषण एवं पोषण की विवेचना है, अतः हम उपरोक्त चर्चा के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विभिन्न इकाइयों के गठन, उद्देश्य और आचरण या कार्यक्रम की विशेषता निम्न अनुसार होने पर ही संपूर्ण मानव समाज एक सूत्रता में होकर शोषण मुक्त हो सकेगा। तो यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, इकाई पहला कॉलम है, फिर गठन की विशिष्टता, गठन का उद्देश्य और आश्रित आचरण। तो मानव इकाई की जब बात हो रही है तो वहां पे गठन में विचार एवं शरीर, गठन का उद्देश्य दिखता है सुख अनुभूति, जिसकी हमने कल बात करी थी कि सामाजिक नियम में जी पाना, चरित्रवान होकर जी पाना, उससे सुख की अनुभूति होती है। और जो आश्रित आचरण है
हेंस वो न्याय सम्मत व्यवहार उसमें दिखता है। तो यहाँ पर हम लोग मन और वृत्ति की सामंजस्यता को देख पाते हैं। फिर जब हम परिवार की बात करते हैं, परिवार इकाई की, तो गठन की विशेषता में सीमित समझदार व्यक्तियों के समूह का संबंध प्रधान गठन, यहाँ पर उद्देश्य में समाधान एवं समृद्धि, इसको शांति भी कहते हैं, और आश्रित आचरण में समाधान सहित सेवा, व्यवसाय एवं प्रयोग। तो यहाँ पर समाधान, सेवा और प्रयोग विधि से व्यवसाय प्रधान कार्यक्रम दिखता है। और यहाँ पर जैसे कल बात हुई थी, वृत्ति चित्त का जो सामंजस्यता दिखता है, जिसमें मूल्यों का निर्वाह एक प्रधान कार्यक्रम है, वो परिवार रूप में प्रमाणित होते हुए दिखता है। समाज इकाई सीमित परिवारों का समूह जिसमें संबंध एवं संपर्क दोनों सम्मिलित हों। गठन का उद्देश्य समृद्धि सहित सत्यता एवं अखंड सामाजिकता को आत्मसात करना, अर्थ का सदुपयोग, सुरक्षा। और यहाँ से जो एक आश्रित आचरण है या कार्यक्रम, जागृति में से के लिए प्रचार एवं प्रदर्शन, प्रकाशन तथा प्रोत्साहन, शिक्षा संस्कार विधि से लोक व्यापीकरण। तो फिर से जो कल हमने चर्चा की थी कि समाज इकाई के अर्थ में हम देखते हैं, तो वहां पे चित्त और बुद्धि में जो सामंजस्यता दिखती है, जिससे हम स्वयं में व्यवस्थित होते हैं और एक प्रकार से अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था को चित्रित करते हैं और अपने आसपास के वातावरण को भी निर्मित करने की अब क्षमता रखते हैं उसी अर्थ में, उसी को कह रहे हैं तन मन धन का सदुपयोग, उसी को कह रहे हैं नैतिकता में जीना। तो वहां पे निश्चित रूप से जो फिर कार्यक्रम निकलता है, वो प्रचार, प्रदर्शन, प्रकाशन और शिक्षा संस्कार का लोक व्यापीकरण समझ में आता है, क्योंकि वहां पर जो स्वयं में व्यवस्थित मानव इकाई है, वो अपने चित्रण के अकॉर्डिंग चीजों को निर्मित करने की क्षमता रखता है। फिर हम राष्ट्रीय इकाई पर आते हैं, तो राष्ट्रव्यापी जनजाति के समूह का गठन एवं संपर्क के निर्वाह के लिए विधि की प्रधानता। गठन का उद्देश्य मानवीयता का संरक्षण, प्रत्यक्ष रूप में अर्थ की सुरक्षा और आश्रित आचरण न्यायपूर्ण व्यवस्था। तो यहाँ पे कार्यक्रम दिखता है राष्ट्र स्तर पर न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित हो और बनी रहे। विश्व रूप में देखने जाते हैं तो कई राज्यों का समूह जिसके मूल गठन में मानवीयता प्रधान संयोजक तत्व है सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में। तो यहाँ पर अब हम सार्वभौम व्यवस्था को स्थापित करने में मानवीयता को देखते हैं। गठन के उद्देश्य के रूप में मानवीयता को प्रोत्साहन और आश्रित आचरण में सहअस्तित्व में से के लिए। आगे बढ़ते हैं, उपरोक्त वर्णित उद्देश्य अर्थात तन मन और धन के सदुपयोग और तन मन और धन की सुरक्षा की पूर्ति के लिए तथा तदनुकूल आचरण को व्यवहार में लाने हेतु और तदनुसार विभिन्न स्तरों के गठन की संपर्कात्मक तथा संबंधात्मक परस्परता को विश्वास पूर्वक सुदृढ़ करने के लिए एक समन्वित धन नीति तथा राजनीति आवश्यक है, जिससे एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को स्थापित तथा विकसित किया जा सके जो मानव की जागृति की संपूर्ण संभावनाओं से युक्त हो। ऐसी व्यवस्था मात्र पोषण प्रधान गुणों व नीतियों से ही संपन्न होगी जो जागृति का मार्ग प्रशस्त करेगी, जिससे मानव सुखी रहेगा। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप में लिखा है कि धर्म नीति और राजनीति क्यों आवश्यक है। तो ये जो नीतियां स्थापित होंगी, उसी से ही सामाजिक व्यवस्था स्थापित हो पाएगी, और ये स्थापित होने के लिए पोषण प्रधान गुणों और नीतियों को संपन्न करना होगा, जिसके लिए धर्म नीति एक आवश्यक सूत्र, मतलब एक आवश्यक कड़ी दिखती है, जहाँ पर हमें तन मन धन के सदुपयोग की मानसिकता को स्थापित कर पाते हैं शिक्षा संस्कार व्यवस्था के तहत। अप्रोक्त अनुसार धर्म नीति तथा राजनीति के व्यवहार अन्वयन में सहायक सभी विचार तथा व्यवहार पोषक अन्यथा शोषक ही सिद्ध होंगे। वातावरण के दबाव से मुक्त होने के लिए शोषण से मुक्ति आवश्यक है, जो सहअस्तित्व में अनुभव पूर्वक सर्वतोमुखी समाधान से ही मानव में प्रमाणित है। तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो यहाँ बोला कि धर्म नीति और राजनीति की सफलता के लिए है ना, वातावरण से दबाव
वातावरण के दबाव से मुक्त होकर जीना आवश्यक है, मतलब स्वतंत्रता पूर्वक जीना, ताकि आप स्वतंत्र होकर नीति निर्धारित कर पाए, ना कि किसी के दबाव प्रभाव में आके आप व्यवस्था के अर्थ में नीति निर्धारित कर पाए, संबंधों के समर्पण और अर्पण के अर्थ में नीति निर्धारित कर पाए, जहाँ पे सदुपयोग एवं सुरक्षा दोनों सुनिश्चित हो पाता है। अन्यथा फेवरेटिज्म और जो आजकल डिस्पैरिटीज दिखती हैं इकोनॉमिक सोशल कल्चरल, हम वहां पे पहुंच जाएंगे। मध्यस्थ दर्शन सहस्तित्ववाद के प्रकाश में संपूर्ण मानव समाज के लिए समन्वित धर्म नीति तथा राजनीति निम्न आधारभूत सिद्धांतों की सहायता से की गई है। तो पहला, भूमि एक माने अखंड राष्ट्र, राज्य अनेक, तो राष्ट्र अखंड होगा और अपनी व्यवस्था को क्रियान्वयन करने के अर्थ में राज्य अनेक रहेंगे, एक दूसरे से कंपीट करने के अर्थ में नहीं। मानव जाति एक, कर्म अनेक, तो जाति एक ही होगी और सबके कर्म कई प्रकार के होंगे। मानव धर्म एक, तो सभी मानव का धर्म एक होगा, सुख धर्मी होगा सभी मानव का धर्म, और समाधान अनेक। सत्ता व्यापक रूप में और देवता अनेक। उक्त चार सिद्धांतों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्वयं सिद्ध सूत्र की निष्पत्ति होती है, वह है मानव जाति सही में एक तथा भ्रमवश गलती में अनेक है। अनेक बराबर परस्पर विरोध होने का कारण रहस्य और उपभोक्तावाद ही है। जागृति पूर्वक सभी अनेक परस्पर पूरकता उपयोगिता विधि से एक हो जाते हैं। तो जब हम समझ के आधार पर अनेक को देखते हैं तो हमें ये दिखता है कि हम समझ के आधार पर एक हैं और क्रियान्वयन में अनेक, और वो क्रियान्वयन में अनेकता हो गई, भिन्नता हो गई, उसकी स्वीकृति रहती है, इसीलिए हम उसको परस्पर पूरकता विधि से क्रियान्वित कर पाते हैं। जबकि जब हम रहस्य या उपभोक्ता विधि से देखते हैं तो रहस्य में हम लोग ने कोई एक समझ को प्रकट नहीं किया, और उपभोक्ता विधि में हमने सुविधा संग्रह या उस प्रकार की आसक्ति को बनाए रखा, तो वहां पर अनेकता जो दिखती है वो विरोध के रूप में ही दिखती है। जबकि सहस्तित्ववादी विधि में दिखता है कि हमारा मत एक ही है, मानसिकता के रूप में हम एक ही है, और जब करने जाएंगे तो उसमें मानव की कर्म स्वतंत्रता वश भिन्नता रहेगी ही, और वो मुझे पूर्ण रूप में स्वीकार है, वो कोई लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट का डोमेन नहीं है, डिस्कशन का डोमेन हो सकता है पर झगड़े का डोमेन नहीं बनता। तो यहाँ पर धर्म नीति की परिभाषा, आवश्यकता, लक्ष्य के बारे में बात है। तो धर्म नीति की परिभाषा, अर्थ की सदुपयोगात्मक नीति ही धर्म नीति है, इस पर हम काफी चर्चा कर चुके हैं। तो अर्थ जब बोल रहे हैं तो तन मन धन के रूप में, सदुपयोगात्मक नीति जब बोल रहे हैं तो ये समाज की गति के लिए है, संबंधों के लिए अर्पित समर्पित है, संबंधों में विकास के लिए है। मानव की सार्वभौमिक साम्य कामना सुख की अनुभूति हेतु मानव के समस्त संपर्क एवं संबंध के निर्वाह के लिए समाधान, समृद्धि, अभय व सहअस्तित्व सहज प्रमाण प्रस्तुत करने हेतु निश्चित कार्यक्रम की मानव धर्म नीति की संज्ञा है। तो यहाँ पर धर्म नीति में शिक्षा कार्यक्रम एक निश्चित कार्यक्रम दिखता है, जिसमें हम तन मन धन का सदुपयोग करना सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। धर्म नीति की आवश्यकता, मानव धर्म नीति सहज समझ तथा परिपालन इसलिए आवश्यक है कि मानव प्रयोग एवं उत्पादन द्वारा प्राप्त अर्थ तथा प्राप्त प्राकृतिक संपदा के सदुपयोग की कामना करता है। धर्म नीति का अध्ययन मानव के परस्परता में पाए जाने वाले संपर्क एवं संबंध का अध्ययन है, क्योंकि मानव संपर्क एवं संबंध से सुखी अथवा दुखी हो रहा है, न कि वस्तु वाहन आदि से। तो यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से आया है कि धर्म नीति का अध्ययन, जो धर्म नीति का अध्ययन करने जाएंगे, उसको समझने जाएंगे, जीने जाएंगे, तो सदुपयोग की बात आएगी। अब सदुपयोग की बात आएगी तो वहां निश्चित रूप से हमारा संपर्क और संबंध का अध्ययन होगा कि क्या मैं संबंध को वस्तु से ज्यादा वरीयता दे पा रहा हूँ,
क्या मैं अपने व्यवहार को कार्य व्यवसाय से अधिक वरीयता दे पा रहा हूँ। तो ये अपने अध्ययन के लिए एक जगह दिखती है और यही धर्म नीति की आवश्यकता है। मतलब इसी कारण से धर्म नीति की आवश्यकता है कि हम ये इसका अध्ययन कर पाए और इसको जी पाए। आगे चलकर लक्ष्य अथवा साध्य है ना, तो धर्म नीति के तहत क्या लक्ष्य बनता है, क्या साध्य बनता है। यहाँ साध्य भी एक प्रकार से लक्ष्य ही है, और उसका अगर प्रचलित अर्थ देखें तो अचीवेबल लक्ष्य, प्रैक्टिकेबल लक्ष्य, लक्ष्य समथिंग वी कैन अचीव। तो धर्म नीति के आधार पे वो क्या अचीवेबल गोल है हमारा, उसको पढ़ते हैं। अमानवीयता से मानवीयता की ओर गुणात्मक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करने हेतु समाधान, साधन, अवसर तथा व्यवस्था उपलब्ध कराना, जो अति मानवीयता के लिए प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन देने में समर्थ हो। तो अति मानवीयता और का प्रोत्साहन और मार्गदर्शन देने के लिए दिव्य मानव लिखते हैं, वो सामने वाले व्यक्ति के लिए समाधान प्रस्ताव रूप में दे पाते हैं, है ना, साधन उपलब्ध करा पाते हैं, अवसर मतलब अध्ययन के लिए अवसर उपलब्ध करा पाना, अध्ययन अभ्यास के लिए, और उसके लिए उसके अकॉर्डिंग एक व्यवस्था उपलब्ध करा पाना। ये होने से अमानवीयता से मानवीयता की ओर गुणात्मक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त दिखता है। प्रत्येक मानव में साध्य को पाने, है ना, तो अपने गोल को पाने हेतु तीन बातों का होना अनिवार्य है। पहला साधक, दूसरा साधना, तीसरा साधन। साधक में लिखा है, प्रत्येक मानव को साधक की संज्ञा है। वह क्रम से व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय भेद से है। तो मानव को ही साधक माना, और मानव जब देखेंगे तो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जीता है। दूसरा साधना, तन मन धन, तन मन तथा धन सहित मानवीय दृष्टि, मानवीय विषय एवं मानवीय स्वभाव सहित साध्य अर्थात मानवीयता एवं अति मानवीयता को पाने हेतु प्रयुक्त क्रिया प्रणाली को साधना की संज्ञा है। तो साधना में क्या होता है, हम लोगों के लिए जो अध्ययन अभ्यास में लगे हुए हैं, हमारे लिए साधना क्या है। तो तन मन धन सहित हम लोग मानवीय दृष्टि, है ना, न्याय धर्म सत्य की दृष्टि, विषय तो लुकेष्णा पुत्रेष्णा वित्तेष्णा, और स्वभाव धीरता वीरता उदारता, और फिर आगे चल के दया कृपा करुणा सहित जागृति और जागृति पूर्णता, मानवीयता एवं अति मानवीयता अर्थात को पाने के लिए अपनी कोई क्रिया प्रणाली तय करते हैं, उसी की साधना संज्ञा है। तो अध्ययन अभ्यास के लिए लगे रहना वही साधना है, वही एक प्रकार की तपस्या है। उसके लिए एक दृढ़ निष्ठा बनती है जिसके लिए हम साधना में लगते हैं। तो बाबा जी की साधना की प्रक्रिया अलग रही, और उन्होंने अब हमारे लिए अध्ययन अभ्यास की साधना सामने प्रस्तुत की है, और उनकी तपस्या देखते हुए ये तो समझ में आता है कि ये एक लंबा कार्यक्रम है और इसमें तपना होगा ही, ये भी समझ में आता है। साथ में ये भी समझ में आता है कि ये तपना, जैसे कल बात हुई थी, एक जॉयफुल प्रोसेस रहेगा, इसमें पीड़ा रहेगी, टेंशन तनाव रहेगा ऐसा तो नहीं लगता, तपस्या भी रहेगी और उसमें मजा भी आएगा। ये मुझे एक मजेदार चीज लगती है क्योंकि तपस्या से हमेशा डरते थे, पर यहाँ आने के बाद तपस्या में मजा आने लगा। तीसरा बिंदु है साधन, तो तन मन व धन ही साधन है, सर्व मानव के लिए जागृति ही साध्य है। तो ये कई बार स्पष्ट हो चुका है कि साधन के रूप में हमारे पास अपना तन है, मन है और धन है, और सर्व मानव के लिए जागृति ही साध्य है, जागृति हमारा लक्ष्य है। साधन की प्रयुक्ति कायिक, वाचिक, मानसिक, कृतकारित एवं अनुमोदित भेद से कुल 9 प्रकार की होती है। इन समस्त साधनों को 3 क्षेत्र में ही प्रयुक्त किया जा रहा है। पहला प्राकृतिक क्षेत्र, दूसरा सांस्कृतिक क्षेत्र और तीसरा बौद्धिक क्षेत्र। तो यहाँ पर जो तन मन धन की प्रयुक्ति की बात हो रही है, उसके यूज की बात हो रही है, तो उसमें 9 प्रकार बताए। तो कायिक, वाचिक, मानसिक, है ना, उसको जो हम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सोच रहे हैं,
उसमें कृत कारित अनुमोदित, तो जो मैं कर रहा हूँ स्वयं कर रहा हूँ कृत, दूसरे से करवा रहा हूँ कारित, और दूसरे को करने की उसकी सहमति दे रहा हूँ वो है अनुमोदित। वाचिक में जो मैं स्वयं बोल रहा हूँ उसको कहा कृत, दूसरे से बुलवा रहा हूँ कारित, और दूसरे को बोलने की सहमति दे रहा हूँ अनुमोदित। मानसिक में जो मैं सोच रहा हूँ उसको कहा कृत, दूसरे से सोचवा रहा हूँ उसको कहा कारित, और दूसरे को सोचने की अनुमति दे रहा हूँ, मतलब एक प्रकार का वातावरण ऐसा उपलब्ध कराऊं जिसमें वो वैसा ही सोचेगा, एक प्रकार से वो मेरी सहमति है उसमें। तो ये 9 प्रकार के हमें दिखते हैं इसके यूज, जहाँ पे हमारा तन मन धन नियोजित होता है। तो ये तन मन धन को 3 क्षेत्र में यूटिलाइज किया जाता है ना, जो ये बोल रहे हैं इन समस्त साधनों को 3 क्षेत्रों में ही प्रयोग किया जा रहा है। पहला प्राकृतिक, जिसमें आपका उत्पादन विनिमय दिखता है, सांस्कृतिक, जिसमें आपका समाज का पूरा क्षेत्र दिखता है, जहाँ फिर से एक बारी हम सामाजिक नियम तहत जीते हैं, और बौद्धिक क्षेत्र जो जागृति के अर्थ में लगता है, जहाँ पे बौद्धिक नियम हमें दिखता है। तो प्राकृतिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक क्षेत्र को हम तीनों नियम के तहत भी देख सकते हैं। प्राकृतिक नियम के अर्थ में प्राकृतिक क्षेत्र में नियोजित होना, सामाजिक नियम के तहत सांस्कृतिक क्षेत्र में नियोजित होना, और बौद्धिक नियम के तहत बौद्धिक क्षेत्र में नियोजित होना। सहस्तित्व व सामाजिकता का अध्ययन व्यक्ति के जागृति एवं व्यवहार के संदर्भ में ही है। तो यहाँ पर जैसे इसकी हेडिंग है लक्ष्य अथवा साध्य, तो यहाँ पे हम अब मानव लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। तो सहस्तित्व व सामाजिकता, तो अपना सहस्तित्व व अभय, एक प्रकार से जो मानव लक्ष्य के 2 बिंदु हैं, का अध्ययन व्यक्ति के जागृति एवं व्यवहार के संदर्भ में ही है। तो ये अपने से कोई दूर की बात नहीं हो रही, जो अनअचीवेबल गोल हम लोग कई बार बनाते हैं, ये बिल्कुल अचीवेबल है, वो अध्ययन पूर्वक अचीवेबल है, और ये जागृति एवं व्यवहार के ही संदर्भ में है, सहस्तित्व और सामाजिकता। फिर आगे है मानव धर्म नीति का अध्ययन अपेक्षाकृत ढंग से ही संभव है, वह है अति मानवीयता की अपेक्षा में मानवीयता का अध्ययन, तथा अति मानवीयता एवं मानवीयता की अपेक्षा में अमानवीयता की समीक्षा। यह सहअस्तित्व, सामाजिकता, समृद्धि, समाधान, संतुलन, सचरित्रता एवं सुख शांति संतोष आनंद के उद्देश्य से किया जाता है, और यही मानव की अध्ययन आकांक्षा है। तो यहाँ पर फिर से जो हम धर्म नीति की प्रकार से लक्ष्य की ओर जो गति बनती है, धर्म नीति को समझने से जो बनती है, उसका जो पहला वाक्य है मुझे बहुत रिलेवेंट लगा, मानव धर्म नीति का अध्ययन, जब इसका हम अध्ययन करना चाहते हैं तो वो अपेक्षाकृत ढंग से ही संभव है, मतलब हमारी क्या अपेक्षा है उसको देखेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा अध्ययन होगा, तभी हम अति मानवीयता की अपेक्षा में मानवीयता को पाएंगे और मानवीयता की अपेक्षा में अमानवीयता की समीक्षा कर पाएंगे। तो जब हम अध्ययन करने जाते हैं तो हमारा जो मन है वो कहाँ लगता है उसका एक बारी निरीक्षण करना आवश्यक लगता है। तो जो हमने मन और रुचि की सामंजस्यता की बात करी थी, वहां मुझे जो समझ में आता है कि अगर हमारा मन सामाजिक नियम के अर्थ में लगता है, मतलब मानिए हम उसको तुरंत अभी जी नहीं पा रहे, पर स्वधन में ही मेरा मन लगता है, स्वनारी स्वपुरुष से ही मेरा मन लगता है, और दयापूर्ण कार्य व्यवहार में ही मेरा मन लगता है, अन्यथा मुझे ठीक नहीं लगता और मैं उसको स्वीकृत कर चुका हूँ, ये जब होता है तभी मन प्रत्यावर्तित होता है और वृत्ति से संचालित होता है। ये जो प्रत्यावर्तन है ये अध्ययन के लिए बहुत ही आवश्यक कड़ी है, ऐसा मैं इसको मानती हूँ। तो मिनिमम सामाजिक नियम की अपेक्षा, यहाँ पे ही अमानवीयता की समीक्षा हो पाती है, यहाँ ही पर धन, पर नारी, पर पुरुष, पर पीड़ा की समीक्षा हो पाती है। फिर हमारी आगे की कड़ी होती है जहाँ हम मानवीयता और अति मानवीयता के लिए आगे बढ़ पाते हैं। अखंड समाज समझदारी सहित समझदार व्यक्तियों के उद्देश्य पूर्ण आचार संहिता समेत व्यवस्था प्रणाली ही है। अखंड समाज में व्यक्ति संपर्क एवं संबंध द्वारा जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे धर्म नीति का जो फैलाव है वो अखंड समाज तक दिखेगा, ये समझ में आता है। तो अगर हम परिवार, मानव को परिवार की इकाई देखते हुए सामाजिक इकाई देखते हैं और फिर विश्व की इकाई देखते हैं, तो वहाँ पे भाव एक प्रधान चीज रहती है, उससे अखंडता स्थापित हो पाती है।
और साथ में ही जब आगे चलकर ये राजनीति के फैलाव में इसको देखते हैं तो वहां सार्वभौम व्यवस्था प्रणाली भी दिखती है। यहाँ पर अखंडता की ज्यादा बात की गई है, इसीलिए संपर्क एवं संबंध की बात की गई है। तो लास्ट लाइन है, अखंड समाज में व्यक्ति संपर्क एवं संबंध द्वारा जुड़ा हुआ है। तो जब हम धर्म नीति देख रहे हैं, धर्म नीति में हम अपनी मानसिकता देख रहे हैं, मानसिकता में हम वस्तु से अधिक मानव को मान रहे हैं, तो हम अपने संपर्क एवं संबंध से जुड़े हुए ही हैं। तो यहाँ पर आगे चलकर ये संबंध कितने प्रकार के हैं और इसमें क्या मानसिकता डेवलप होती है या क्या मानसिकता व्यवस्था पूर्वक मानी जाएगी, उसका विवरण है। तो धर्म नीति का फैलाव धन तन मन धन के सदुपयोग के लिए सात संबंध के अर्थ में यहाँ पे परिभाषित है। आगे बढ़ते हैं। मानव समाज में परस्पर निम्न संबंध दृष्टिगोचर होता है, तो ये हम सभी देख सकते हैं, उस प्रकार से दृष्टिगोचर होता है। पिता माता एवं पुत्र पुत्री संबंध पहला, दूसरा पति पत्नी संबंध, तीसरा गुरु और शिष्य संबंध, चौथा भाई और बहन संबंध, पांचवा साथी सहयोगी संबंध, छठा व्यवस्था और समग्र व्यवस्था संबंध, और सातवा मित्र संबंध। यहाँ पे अगर हम संपर्क एवं संबंध को फैलाने जाएं, तो पहले पांच में डेफिनेटली संबंध काफी दिखता है और छठे और सातवें में संपर्क की भी काफी संभावना दिखती ही है। पहला, पिता माता एवं पुत्र पुत्री संबंध। माता पिता के संबंध में पुत्र पित्री के साथ मातृ भाव में शरीर भाव प्रधान रहता है तथा पितृ संबंध में बौद्धिक विकास की भावना प्रधान रहता है। मूल रूप में माता पोषण प्रधान तथा पिता संरक्षण प्रधान स्पष्ट है। माता पिता की पहचान हर मानव संतान किया ही रहता है। शिशुकाल की स्वस्थता का यह पहचान भी है ना, तो शिशु अपने माता पिता को पहचान पाए, ये उसकी स्वस्थता का पहचान का बिंदु है। अतएव माता पिता जिन मूल्यों के साथ प्रस्तुत होते हैं वह ममता और वात्सल्य है। ममता मूल्य के रूप में पोषण प्रधान क्रिया होने के रूप में या कर्तव्य होने के रूप में स्पष्ट है। इसीलिए माँ की भूमिका ममता प्रधान वात्सल्य के रूप में समझ में आती है। ममता मूल्य के धारक वाहक ही स्वयं में माँ है तथा पिता वात्सल्य प्रधान ममता के रूप में समझ में आता है। तो यहाँ पर एक भावपूर्ण व्यवस्था की बात हो रही है, मतलब कभी कभी ऐसे भास हो सकता है कि यहाँ ये पेट्रियार्कल तो नहीं है कि माँ को ममता प्रधान और पिता को वात्सल्य प्रधान, है ना, पिता बौद्धिक पक्ष दिखेगा और माँ दूसरा पक्ष दिखेगी। तो यहाँ समझ में आता है कि एक ये भावपूर्ण व्यवस्था है, इसमें एक तो भाव प्रधान बात है, दूसरा व्यवस्था प्रधान बात है। तो स्वाभाविक ही दिखता है कि ममत्व वाला भाग माँ से पूरा होगा, क्योंकि माँ अपने संतान से शरीर रूप से भी कुछ वर्ष तक जुड़ी रहती है। तो ममत्व में शरीर के पोषण की एक महत्ता है जो जागृति के लिए अनिवार्य है। शरीर स्वस्थता होना जागृति का एक बहुत अनिवार्य भाग है, नहीं तो जो अध्ययन अभ्यास की कड़ी है वहां पे हम कहीं चूकते हैं। तो माँ का कर्तव्य में ये होना स्वाभाविक है। शरीर के पोषण के लिए शरीर की पहचान होना, स्वास्थ्य की समझ होना, ये बड़े काम है। इसको करा पाना, अपने पहले खुद समझना और अपने शिशु तक, वो जब वो युवा अवस्था में जाते हैं उस तक उसको पहुंचा पाना, उसमें भी बौद्धिक पक्ष जुड़ा ही हुआ है, वो भी एक बड़ा काम है। तो यहाँ पे इस काम को कम ज्यादा के रूप में नहीं, पर एक पूरकता के रूप में देखा जाता है। और निश्चित रूप से माँ की शुरू में शारीरिक वाला जो भाग है बच्चे के लिए वो अधिक रहता है। तो अभिभावक संतान का अभ्युदय ही चाहता है, कुछ आयु के अनंतर इसका प्रमाण भी चाहते हैं। तो अभिभावक अपने संतान के अभ्युदय के अर्थ में ही लगा हुआ है ना, मतलब सर्वतोमुखी समाधान के अर्थ में ही लगा हुआ है, और कुछ आयु के बाद केवल समझाना नहीं बट उसके प्रमाण को भी अपने शिशु में देखना चाहता है एक आयु के बाद। माता एवं पिता हर संतान से उनकी अवस्था के अनुरूप प्रत्याशा रखते हैं। उदाहरणार्थ शैशव अवस्था में केवल बालक का लालन पालन ही माता पिता का पुत्र पुत्री के प्रति कर्तव्य एवं उद्देश्य होता है तथा इस कर्तव्य के निर्वाह के फल स्वरूप वह मात्र शिशु की मुस्कुराहट की ही अपेक्षा रखते हैं।
है ना, तो कम उम्र में जब वो शिशु है तो तब मात्र उनकी मुस्कुराहट ही पिता और माता के लिए तृप्तिदायक होता है। फिर आगे चलकर जो वो प्रमाण की कामना रहती है उस पर चर्चा है। कौमार्य अवस्था माने अपने एक तरह से 12 साल के बाद टीनेज जो एज है वो जब चालू होता है, और एक बाबा जी इसको डिफाइन भी किए कि शैशव अवस्था मतलब जहाँ जो अवस्था काम वासना से मुक्त है ना, तो शिशु के लिए एक प्रकार से उसका लालन पालन, खेलना खिलाना और उसके साथ समय लगाना और उसकी मुस्कुराहट ही पर्याप्त है। बट कुमारी अवस्था एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे एक समझ का एक भाग आवश्यक हो जाता है। तो कुमारी अवस्था में किंचित शिक्षा एवं भाषा का परिमार्जन चाहते हैं, तो शिक्षा का अनिवार्य भाग हो जाता है कि वो एक ऐसे लाइफ स्टेज में आता है जहाँ अलग प्रकार की उसमें शारीरिक बदलाव भी आते हैं जिसके कारण कुछ मानसिक बदलाव भी आते हैं, और उसकी मानसिक प्रोसेसिंग पावर वगैरह उस सब की क्षमता बढ़ती ही है, वो और प्रोसेस कर पाता है और चीजों का समीक्षा करना शुरू कर देता है। उस प्रकार से भी शिक्षा एवं भाषा का परिमार्जन चाहते हैं। तो भाषा में भी आचरण झलके वो एक महत्वपूर्ण भाग होता है। इसी अवस्था में आज्ञा पालन प्रवृत्ति, अनुशासन, शुचिता, संस्कृति का अनुकरण, परंपरा के गौरव का पालन करने की अपेक्षा होती है। तो कुमारी अवस्था में ये आज्ञा पालन की प्रवृत्ति दृढ़ हो चुकी हो, अनुशासन की प्रवृत्ति, शुचिता की प्रवृत्ति मतलब स्वच्छता की, स्वस्थता की, संस्कृति का अनुकरण तो जो संस्कार घर में है समाज में है उसका अनुकरण, परंपरा के गौरव का पालन तो परंपरा में जो श्रेष्ठताएं दिखती हैं उसको स्वीकारना, उसको जीना, जैसे कि भाषा की श्रेष्ठता दिखती है या टेक्नोलॉजी की कोई एक श्रेष्ठता दिखती है तो उसको स्वीकारना, उसका पालन करना ये अपेक्षा होती है, उसका विरोध करना ये अपेक्षा नहीं होती। कुमारी अवस्था के अनंतर संतान में उत्पादन सहित उत्तम सभ्यता की कामना करते हैं। सभ्यता के मूल में हर माता पिता अपने संतान से कृतज्ञता अर्थात गौरवता पाना चाहते हैं, तथा केवल इस एक अमूल्य निधि को पाने के लिए तन मन एवं धन से संतान की सेवा किया करते हैं। संतान के लिए हर माता पिता अपने मन में अभ्युदय तथा समृद्धि की ही कामना रखते हैं। इन सब के मूल में कृतज्ञता की वांछा रहती है। जो संतान माता पिता एवं गुरु के कृतज्ञ नहीं होते उनका कृतघ्न होना अनिवार्य है, जिससे वह स्वयं क्लेश परंपरा को प्राप्त करते हैं और दूसरों को भी क्लेशित करते हैं। तो यहाँ समझ में आता है कि जैसे भी माता पिता हैं उनके लिए कृतज्ञता एक बहुत ही मूल तत्व है जिसको वो पाने के लिए अपना तन मन धन नियोजित कर देते हैं अपने संतान के अभ्युदय के अर्थ में। यहाँ हम लोग ये भी रूम रख रहे हैं कि मानिए उनका अभ्युदय का अर्थ नहीं भी मालूम है, पर वो अपने तन मन धन का पूरा सदुपयोग करते हैं, और बच्चा ये पहचान पाए, उसके प्रति कृतज्ञ हो पाए, वो गौरवता महसूस कर पाए, श्रेष्ठता की पहचान कर पाए, उसके प्रति सम्मान कर पाए, ये एक बहुत ही अहम कड़ी है। क्योंकि ये कड़ी नहीं जुड़ना मतलब बच्चे में अहंकार होना कि मैंने जो पाया है वो अपने मेहनत से पाया है, वो मेरा अपना इंडिविजुअल एफर्ट है, उसमें दूसरे का कोई भागीदारी नहीं है, वो बात वहां जाकर इंडिविजुअलिज्म या व्यक्तिवाद में जाकर बैठ जाती है, ना कि सहस्तित्ववाद में। तो यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप में लिखा है अगर संतान कृतज्ञ नहीं हो पाती, तो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि शायद वो थोड़े वो कृतज्ञ अभी समझी नहीं है और कृतज्ञ शायद हो जाएगी। अगर वो कृतज्ञ नहीं है तो वो उसका ऑपोजिट ही है जिसको कृतज्ञता कह रहे हैं, और कृतज्ञता एक प्रकार से व्यक्तिवाद का ही प्रकाशन है। और कृतघ्न होने से हम खुद पीड़ित और दुखी होते हैं और परंपरा में भी वही फैलाते हैं। तो माता पिता अभ्युदय को पहचान पाए, अपने संतान का के लिए जो तन मन धन का नियोजन करते हैं वो अभ्युदय के अर्थ में कर पाए, तो ये तो समझ में आता है कि संतान कृतज्ञ होगा ही, और कृतज्ञ होगा ही तो उसमें वो अहंकार का भाव नहीं स्थापित होकर वो समाज के लिए अपने शक्तियों को अर्पित कर पाएगा, ऐसा समझ में आता है। पति पत्नी संबंध। दाम्पत्य जीवन की चरम उपलब्धि एक मन और दो शरीर होकर व्यवहार करना है। दाम्पत्य जीवन में व्यवहार निर्वाह संपर्क एवं संबंध ही है।
तात्पर्य यह है कि दाम्पत्य जीवन व्यक्ति के रूप में दो हैं और व्यवहार के रूप में एक है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है एक मन और दो शरीर, तो यहाँ दिखता है एक मन माने एक मत होना, एक मानसिकता होना, इसकी स्वीकृति, और आपके कार्य व्यवहार जो मैं जो है उस स्वीकृति के साथ। आई थिंक फिर से सिग्नल चला गया है, आ गया। तो एक मन और दो शरीर की जहां बात है तो वहां एक मत होने की बात है, एक मानसिकता, एक कॉमन मानसिकता होने की बात है, जहां पर हम जब ये स्वीकारते हैं कि सामने वाला मेरा पति या मेरी पत्नी जो कार्य व्यवहार कर रही है, जो निर्णय पूर्वक कार्य व्यवहार कर रही है, उसके प्रति मेरी पूर्ण स्वीकृति है और उस फल परिणाम के प्रति भी पूर्ण स्वीकृति है। एक मन और दो शरीर अनुभव करने के लिए दोनों पक्ष द्वारा निर्विरोध पूर्वक अपने संबंध एवं संपर्क का निर्वाह करना ही अवसर, आवश्यकता तथा उपलब्धि है। तो पति पत्नी संबंध में एक प्रकार से हमें हर चीज का अभ्यास करने का अवसर मिलता है। फाइनली वो अभ्यास अच्छा होता है तो वो सभी संबंध एवं संपर्क में हो पाता है। तो एक मन और दो शरीर पति पत्नी में बेशक शुरू होता है पर वो पूरे परिवार के लिए और आगे चलकर कुटुंब के लिए भी फैलता है। पर उसका अभ्यास प्रारंभिक रूप में और काफी अच्छे समय तक वो पति पत्नी के साथ दिखता है और फिर उसका फैलाव होता है। जहां तक मान सम्मान प्रतिष्ठा आदर और यश का प्रश्न है वह पति अथवा पत्नी दोनों में सम्मिलित रूप से रहता है तथा उनमें से किसी एक को भी मिलने पर दूसरे पक्ष में वह समान रूप में बटता ही है और इसकी स्वीकृति भी है। पति पत्नी के रूप में दो शरीर एक मन होने का यही प्रमाण है। तो यहाँ पर जो मान सम्मान है वो केवल पति के लिए या केवल पत्नी के लिए नहीं है, उन दोनों को एक इकाई के रूप में ही पहचाना जा रहा है और वहां पर कोई दोनों के बीच में कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। ये एक स्वीकृति है कि जो मुझे मिल रहा है वो समाज में हम दोनों को ही मिल रहा है और आगे चलकर ये पूरे परिवार के रूप में भी प्रमाणित होता है कि जो भी सम्मान मिल रहा है वो पूरे परिवार को मिल रहा है। तो इस जिम्मेदारी पूर्वक भी व्यक्ति आगे क्रियान्वित होता है अपने कार्य व्यवहार में। साथ में ये भी दिखता है कि पति पत्नी एक दूसरे के रिप्रेजेंटेटिव है, तो जो काम पति कर रहा है वो मान के चल रहे पति पत्नी भी उसमें शामिल है। तो दोनों को हर कार्य साथ में फिजिकली करना हो ऐसा नहीं दिखता, पर एक कर रहा है तो दूसरा उसमें शामिल है ही, वो समझ में आता है। परस्परता रूपी सभी संबंधों में विश्वास मूल्य सदा सदा होना परम आवश्यक है। यही मूल मुद्दा है संबंधों को पहचानने का। सभी संबंध अथवा स्थापित संबंध पहचान में होने के उपरांत शरीर काल तक निर्वाह होने की बात आती है। यही जागृत मानव परंपरा का प्रमाण है। संबंधों में से एक महत्वपूर्ण संबंध पति पत्नी संबंध है। इस संबंध में परस्परता में मूल्यों का पहचान इस प्रकार से होता है कि विश्वास पूर्वक सम्मान स्नेह व प्रेम मूल्यों का निरंतर अनुभव होता है या समय समय पर होता है। न्यूनतम विश्वास मूल्य बना ही रहता है। तो यहाँ पर पति पत्नी संबंध में न्यूनतम विश्वास मतलब न्यूनतम मूल्यों का निर्वाह बना ही रहता है, उसमें सम्मान एक दूसरे के प्रति, तो जहाँ अधिमूल्यन अवमूल्यन नहीं हो रहा, हम एक दूसरे का सही सही आकलन कर पा रहे हैं, और स्नेह माने है ना एक दूसरे के प्रति निर्विरोधता का भाव बना हुआ है और एक दूसरे के प्रति निष्ठान्वित होकर जीते हैं सामाजिक नियम के तहत, वह प्रेम मूल्य का निरंतर अनुभव होता है। तो यहाँ पे प्रेम मूल्य की जो बात हो रही है वह केवल पति पत्नी के संबंध के अर्थ में नहीं बट पति पत्नी के संबंध में दया कृपा करुणा के रूप में अभिव्यक्त होता है और फिर वह सभी संबंधों में फैलता है। तो उसके लिए आगे पढ़ते हैं, प्रेम मूल्य बराबर दया कृपा करुणा की अभिव्यक्ति है। इस विधा में पति में मूल्यांकन के आधार पर दया कृपा करुणा मूल्यों का स्पष्ट होना, उसी प्रकार से पत्नी द्वारा भी इन मूल्यों का स्पष्ट होना ही प्रेम मूल्य है। वास्तविक रूप में पात्रता के अनुसार वस्तु का मूल्यांकन, पात्रता के अनुसार योग्यता का मूल्यांकन और योग्यता के अनुसार पात्रता का मूल्यांकन परस्परता में होना स्वाभाविक क्रिया है। तो यहाँ पर पति पत्नी संबंध में हम लोग वो दोनों एक दूसरे का मूल्यांकन करते हैं। इस मूल्यांकन में
क्या मूल्यांकित होता है? तो एक देखते हैं कि दया कृपा करुणा, तो उसमें वास्तविक रूप में पात्रता के अनुसार वस्तु का मूल्यांकन, यहाँ पे दया की बात हो रही है कि पात्रता के अनुसार उसके पास वस्तु है कि नहीं, अगर वस्तु नहीं है तो उसको उपलब्ध कराने में लगता हूँ। दूसरा, पात्रता के अनुसार योग्यता का मूल्यांकन, यहाँ पे कृपा की बात हो रही है तो पात्रता उपलब्ध कराना मेरी जिम्मेदारी बनती है। फिर आगे बात हो रही है योग्यता के अनुसार पात्रता का मूल्यांकन, परस्परता में होना स्वाभाविक क्रिया है। यहाँ पे करुणा की बात हो रही है कि जहाँ पे पात्रता व वस्तु दोनों उपलब्ध नहीं है तो उसको उपलब्ध कराने में अपना तन मन धन मैं नियोजित करता हूँ। ये एक दूसरे के प्रति जो शक्तियों का नियोजन है इसको कहा प्रेम। तो इसका प्रारंभिक स्वरूप यहाँ दिखता है और फिर पूरे में फैलता है। यह नित्य नैमित्तिक है। नित्य मूल्यांकन का तात्पर्य हम मूल्यांकन में अभ्यस्त हो गए। तो जैसे पहले कहा पति पत्नी संबंध वो एक स्थली है जहाँ पे इन सब का अभ्यास होता है। तो मूल्यांकन का अभ्यास, क्योंकि पति पत्नी लगभग हर कई चीजों में इकट्ठे भागीदार रहते हैं तो वो व्यवस्था में भागीदारी का एक अहम संबंध है और वहां पे क्योंकि एक साथ भागीदार है तो उसका मूल्यांकन भी होना आवश्यक है। तो मूल्यांकन में अभ्यस्त होना इस संबंध में दिखना एक बहुत ही स्वाभाविक चीज समझ में आती है। नैमित्तिक का तात्पर्य प्रयत्न पूर्वक ध्यान पूर्वक मूल्यांकन करने से है। तो यहाँ पर पति पत्नी संबंध में हम ध्यान पूर्वक एक दूसरे का मूल्यांकन करें, दया दया कृपा करुणा के अर्थ में देखें उसको, ना कि जो अभी हमारा होता है कि एक बैगेज बन जाता है, दूसरा कुछ बोलना शुरू करता है और वो क्यों बोल रहा है और उसका क्या नतीजा होगा उसको हम पहले ही एक बॉक्स में बना के रखते हैं और हमारा सुनना बंद हो जाता है। तो यहाँ पे हम बैगेज फ्री होकर एक दूसरे को सुनते हैं और डेली एक दूसरे को ध्यान पूर्वक इवैल्यूएट कर पाते हैं और एक दूसरे के इम्प्रूवमेंट के लिए हम अवसर भी उपलब्ध करा पाते हैं, एक दूसरे को स्पेस भी दे पाते हैं। इसी का नाम हुआ दया कृपा करुणा, कि स्पेस भी दे पाना और साथ में अवसर भी अपने भी हो पाता है, समाज में भी हो पाता है। तो ऐसी स्थिति बारंबार होते होते मूल्यांकन सहज रूप में होना पाया जाता है। तो पहले हम इसको अभ्यास वश करते हैं और फिर ये एक सहज प्रक्रिया बन जाती है। इस प्रकार योग्यता के अनुसार पात्रता, पात्रता के अनुसार योग्यता का मूल्यांकन विशेषकर पति पत्नी संबंध में होना अति आवश्यक है। ये दोनों मूल्यांकन के साथ ही पात्रता और योग्यता में संतुलन स्थिति को पाया जाता है। तो मैं कितना पात्रता मतलब मैं कितना समझ पाने के पात्र हूँ और योग्यता मतलब मेरी अभिव्यक्ति कहाँ खड़ी है, मैं कितना अभिव्यक्त हो पाता हूँ जो मैं समझता हूँ। तो ये एक प्रकार से प्रतिभा और व्यक्तित्व के संतुलन की भी बात है। मैं क्या समझता हूँ और मेरे व्यक्तित्व मेरे कार्य व्यवहार में क्या दिखता है, ये एक संतुलन बिंदु है जहाँ पे फिर से पति पत्नी संबंध में इसको एस्टैब्लिश करने का काफी सारा अभ्यास किया जाता है। तीसरी विधि से पति या पत्नी अथवा दोनों में योग्यता पात्रता हो ही नहीं, ये दाम्पत्य जीवन अथवा किसी भी प्रौढ़ युवा में संभव ही नहीं है। तो किसी के पास पात्रता ना हो, योग्यता ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। यही हो सकता है कि योग्यता और पात्रता का न्यून अतिरेक हो सकता है। तो योग्यता पात्रता में कुछ कम ज्यादा हो सकता है ये दिखता है, इसीलिए वो अवसर बनता भी है एक दूसरे के योग्यता पात्रता को बढ़ाने का। पर किसी में ना हो और उसका कुछ हो ही नहीं सकता, ये संभावना नहीं बनती। इसी में सामंजस्य को पाने के लिए दाम्पत्य जीवन का महती उपयोग होना पाया जाता है। इन तथ्यों को पूर्व आशाओं को भुलावा देना ही दुख और परेशानी का कारण है, यही भ्रम है, इसी को बोला शोषण। अच्छा, ओके। एक प्रश्न है, एक मन दो शरीर में कभी संभव नहीं है क्योंकि शरीर अलग है, तो एक मन की जगह एक जैसे विचार एक समय हो सकता, पर मन का एक होना तार्किक नहीं है। पति पत्नी के दोनों मन एक दूसरे के लिए पूरक हो सकते हैं, सम्मान से संयम समाधान सामंजस्य हो सकता है, पर एक मन दो शरीर एक सांत्वना विचार है। हाँ ठीक है भाई, आप ठीक ही कह रहे हैं कि उसको टेक्निकली नहीं बोल रहे कि मन एक हो जाता है, वो एक मत हो जाते हैं। तो आपने जो शब्द इस्तेमाल किया पूरक, वो मुझे बिल्कुल ठीक शब्द लग रहा है
कि वो एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं, और इसलिए पूरक हो जाते हैं कि वो एक दूसरे की मानसिकता को पूर्ण रूप से स्वीकार चुके हैं। हर बार एक दूसरे को क्वेश्चन करना कि आप ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा मत करो, इससे ये हो जाएगा, ये वाला डाउट नहीं रहता। आप मान के चल रहे हैं कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और उसका फल परिणाम भी सही होगा, और मानिए कोई गलती होती भी है तो उसको भी स्वीकारने के लिए खड़े हैं और उसको पूरकता में कन्वर्ट करने के लिए खड़े हैं दया कृपा करुणा के तहत। फिर एक है प्रश्न, बैगेज फ्री कैसे? बैगेज फ्री, ये शायद वर्ड थोड़ा बैगेज फ्री मतलब जैसे कि आप बैगेज शब्द का मेरा कहने का मतलब था जैसे जब पति पत्नी बहुत सारा समय एक साथ बिताते हैं तो वो पहला शब्द बोलते हैं और हमारा चिढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि हमें पता है वो अब ये वही बात बोलेंगे और मुझे ये बोलेंगे और मैंने ये ठीक नहीं किया, मतलब वो सारा हमारे अंदर पूरा विश्लेषण शुरू हो जाता है। जबकि वो कहना भी चाह रहे हैं कि नहीं, वो हमें स्पष्ट नहीं है, वो क्या कहना चाह रहे हैं वो हमें स्पष्ट नहीं है, हमने ऑलरेडी मान लिया कि अब वो यही बोलने वाले हैं और उसका नतीजा यही होने वाला है, तो स्विच ऑफ ही कर जाओ, उनकी बात मत सुनो। तो अब हम सामने वाले को एक्चुअली सुन नहीं पाते वो क्या कहना चाह रहा है, कि कल्पना में कुछ ऐसा इनपुट दे पाना जिससे उस बात में कुछ समाधान निकल पाए। तो ये था मेरा उसका कहने का अर्थ। कर सकते हैं एक्चुअली, गुरु और शिष्य संबंध पूरा कर लेते हैं, उसमें कुछ ज्यादा है नहीं कहने को, काफी स्पष्ट लिखा है गुरु और, अच्छा इसका मतलब ये नहीं कि पहले जो लिखा था वो अस्पष्ट था, बट इसमें व्याख्या में ही सब कुछ बहुत अच्छे से स्पष्ट है। गुरु और शिष्य संबंध, गुरु की ओर से शिष्य के प्रति आशा बंधी रहती है कि जो अध्ययन कराया जाता है उसका बोझ शिष्य का होगा, शिष्य कृतज्ञ व आज्ञाकारी हो गया होगा। तो गुरु में भी ये कामना रहती है कि शिष्य बोध प्राप्त करेगा और शिष्य में वो कैपेबिलिटी होगी कि वो उसको प्राप्त करेगा। शिष्य की गुरु से प्रत्याशा रहती है कि उसकी वांछा तथा जिज्ञासा के आधार पर उन्हीं दिशाओं में गुरु द्वारा अध्ययन कराया जाएगा। गुरु और शिष्य दोनों में उपलब्धि की कामना की साम्यता है, प्रक्रिया में पूरकता है, एक प्रदाता है और दूसरा प्राप्तकर्ता है, प्राप्तकर्ता और प्रदाता की एक ही अभिलाषा है कि बोध पूर्ण हो जाए। तो हम लोग जिस प्रक्रिया में जुड़े हैं तो उसमें बोध ही हमारी, अनुभव ही हमारी हमारा लक्ष्य है, और उस प्राप्ति के लिए हम गुरु को स्वीकारते हैं, उनका आज्ञा पालन करते हैं, और इस प्रक्रिया में पूरकता रहती है क्योंकि उसका आधार एक प्रकार से आज्ञा पालन, अनुकरण, अनुशासन और जिज्ञासा रहती है, तो उसमें पूरकता विधि रहती है और बोध पूर्ण हो जाए, है ना, यहाँ तक की कड़ी रहती है क्योंकि बोध से अनुभव एक व्यक्तिगत कड़ी है जो हर व्यक्ति को अपने आप पूरा करना है। शिष्य का अर्थ बोध जब पूर्ण हो जाता है उस समय गुरु पर्व मनाता है, अर्थात गुरु को प्रसन्नता की अनुभूति होती है, यही वात्सल्य स्थिति है। तो वात्सल्य अपने अंदर तब स्थापित होता है जब शिष्य, जिस लक्ष्य के अर्थ में हम शिष्य से जुड़े थे वो उसका लक्ष्य पूरा होता है, तो हमारे अंदर जो भाव घटता है उसको कहा वात्सल्य। तो हमारी गाइडेंस एक तरह से पूरी हुई, उसको एक स्वरूप मिला, यही वात्सल्य स्थिति है। तात्पर्य यह है कि हर एक बड़े अपने से छोटों में वांछित गुणों की प्रसारण क्रिया में तत्पर रहते हैं, इसके बदले में जो तोष उत्सवित होना वे पाते हैं वही एक वस्तु की प्राप्ति की अभिलाषा नहीं रहती। तो जब हम किसी के बोध अनुभव के अर्थ में उनके साथ जुड़ते हैं, किसी के विकास के अर्थ में उसके साथ जुड़ते हैं, तो आई थिंक फिर कनेक्शन आ गया। तो जब हम किसी के बोध और अनुभव के अर्थ में, किसी के विकास के अर्थ में उसके लिए जुड़ते हैं तो कोई भौतिक वस्तु की अपेक्षा नहीं रहती, वो उस लक्ष्य को पा ले, उससे हम उत्सवित रहते हैं। शिष्य का गुरु के साथ विश्वास सहित पहचान किया रहना सहज है, यह स्वाभाविक मिलन है, योग मिलन के रूप में स्पष्ट होता है। गुरु शिष्य का योग अपने में जागृति के आकांक्षा पूर्वक कार्य व्यवहार और अध्ययन करना, क्योंकि गुरु ही अध्ययन कराने वाला सुस्पष्ट है। अध्ययन कराने के क्रम में सदा सदा शिष्य द्वारा ग्रहण करने की अपेक्षा व विश्वास समाया रहता है। शिष्य की क्वालिटी यहाँ पे काफी अच्छे से स्पष्ट है।
उसमें जितने भी शिष्य सार्थक होते हैं, गुरु में प्रसन्नता का स्रोत समाया रहता है, यह स्पष्ट हो चुका है। यही गुरु शिष्य के परस्परता में सफलता का प्रमाण है। जैसे जैसे शिष्य का आकांक्षा और जिज्ञासा शांत होता है, वैसे ही सभी संशय दूर होते जाते हैं। ऐसे संशय मुक्ति विधि से गौरव, श्रद्धा, कृतज्ञता मूल्य शिष्य में गुरु के लिए अर्पित होना पाया जाता है। को यहाँ पे बात स्पष्ट किया जा रहा है। और लास्ट में जो बात हो रही है, ऐसे संशय मुक्ति विधि से गौरव, श्रद्धा, कृतज्ञता मूल्य शिष्य में गुरु के लिए अर्पित होना पाया जाता है। तो जो शिष्य अपने गुरु के साथ आज्ञा पालन, अनुकरण, अनुसरण और जिज्ञासा प्रस्तुत होता है और फिर वो संशय मुक्ति होती है, तो जो उसको अपने गुरु के प्रति फील होता है, वो एक गर्व, श्रद्धा, कृतज्ञता, है ना, तो कृतज्ञता की वो मेरी श्रेष्ठता में सहायक रहे, श्रद्धा की मैं इनके जैसा होना चाहता हूँ, और गौरव मतलब उनकी श्रेष्ठता की पहचान और उस पहचान की निरंतरता अपने अंदर बने रहना और अपने अंदर भी वो श्रेष्ठता पहचान पाना, ये सभी गौरव, श्रद्धा और कृतज्ञता से जुड़ा हुआ है। तो गुरु शिष्य संबंध को यहाँ पे हम क्लोज करते हैं, तो इसको यहीं रोके। अच्छा, उद्धव भैया का है, योगेश उपाध्याय मैं पठन शुरू करता हूँ, उसके साथ साथ आगे बढ़ते रहेंगे। भाई और बहन संबंध। भाई और बहन के संबंध को सौहार्द भाव के नाम से जाना जाता है। इसमें परस्पर जागृति की प्रत्याशा एवं उत्साह है। एक की जागृति दूसरे पक्ष के जागृति को अप्लावित कर देता है। जैसे यदि कोई बहन किन्हीं विशेष सद्गुणों से संपन्न है तो उसके कारण बहन स्वयं में जितना अप्लावित है उतना ही अथवा उससे अधिक अप्लावन भाई में पाया जाता है। इसी प्रकार भाई का भाई के साथ अथवा बहन का बहन के साथ पाया जाता है। भाई बहन की पहचान एक निश्चित आयु में हो पाती है। पहचान होते ही परस्परता में सच्चाई, समझदारी और परिवार सम्मत अथवा जागृत मानव परिवार सम्मत अपेक्षा के अनुसार कौमार्य अवस्था में आज्ञा पालन, सहयोग और अनुसरण जैसे कार्यों में परस्पर मूल्यांकन होना पाया जाता है। यही मित्रों के साथ भी होता है। जब भाई बहन इन मुद्दों पर मूल्यांकन करने लगते हैं तब भी अभिभावक और गुरुजनों के साथ आज्ञा पालन संबंध रहता ही है। अनुसरण भी इन्हीं दो पक्षों से जुड़ा रहता है। मूल्यांकन में ये बात स्पष्ट होना स्वाभाविक रहता है। जहां तक सहयोग की अभिव्यक्ति है, इसमें एक दूसरे को अधिकाधिक सटीकता की ओर विचार अथवा प्रकाशित होने की संभावना बनी ही रहती है। हमने पहले तीन संबंध सुबह मृदु ने किए थे, उससे चौथा भाई और बहन संबंध है। तो इसको जैसे मैं देखता हूँ तो इसमें भाई और बहन संबंध को जब सौहार्द भाव के नाम से जाना जाता है कहा, तो सौहार्द सम्मान का शिष्ट मूल्य है, जिसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि बिना आवेशित हुए, बिना अपनी स्थिति में आवेश आए दूसरे को मूल्यांकन दे पाना, और उसमें भाव की स्थिरता एक उसका एक अहम भाग है। जिसमें हम मानते हैं कि मूल्यांकन में आजकल मूल्यांकन देने की और मूल्यांकन सुनने की शक्ति हमें कम होती है, सौहार्द भाव में मूल्यांकन को सुन पाना और दे पाना, ये उसमें एक स्थिरता देख पाता है। भाई और बहन संबंध को जैसे मैं देखता हूँ कि ये एक जिम्मेदारी और भागीदारी की जगह है। हम देखते हैं तो मानव में हर समय पर कोई ना कोई कुछ संबंध हमारे साथ होते हैं जिसमें एक दूसरे के साथ गहरे लेवल पे जीना होता है, उसके साथ साथ मूल्यांकन भी बना रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि परिवार रूप में भाई बहन संबंध में होता है और आगे जाके ये मूल्यांकन पति पत्नी संबंध में आगे आने वाले जीवन में दिखता है। और भाई बहन संबंध के मूल आशय में ये बात है कि एक दूसरे के विकास में वो सहायक हैं, वो प्रेरक हैं, और ये ईर्ष्या द्वेष रहित संबंध भी है। तो जब ये भी आता है कि किन सद्गुणों से बहन या भाई अप्लावित होता है, तो उसी से उससे ज्यादा उसका भाई या बहन अप्लावित होगा। मुझे लगता है कि ये स्नेह मूल्य का भी एक इसमें एक ये रिफ्लेक्शन है कि अपने पराई की दीवार ना होना ये परिवार में काफी आसानी से दिख पाता है। और इसके देखते ही अगर हम देखते हैं कि हमारे परिवार के भाई बहन कुछ सद्गुणों से संपन्न हैं, कुछ योग्यताओं, कुछ श्रेष्ठताओं से संपन्न हैं,
तो ये हमारे लिए भी एक गर्व की बात होती है और हम उसको उसकी तरफ जो अपलावन उसमें रहता है वो मुझ में भी रहता है। इस संबंध में एक और बात रहती है कि इसमें कंपटीशन की भावना नहीं रहती, आजकल तो दिखती है, पर मूल में देखें अगर जागृत समाज में देखेंगे तो परिवार में जिस तरीके से न्याय समाधान समृद्धि का वातावरण रहेगा, जिस प्रकार की शिक्षा संस्कार हम उम्मीद करें कि गर्भ संस्कार से आगे बढ़ेगा, तो उसमें ईर्ष्या द्वेष रहित संबंध परिवार में देखने को मिलेगा, भाई बहन के बीच में कॉम्पिटिशन रहित संबंध देखने को मिलेगा और एक दूसरे की गलतियां से खुश ना होने की वजह एक दूसरे के अच्छे करने के एक दूसरे के अच्छे कर पाने से हम ज्यादा खुश हो पाएंगे। मूलतः इसमें ये देख पाना भाई और बहन में कि एक दूसरे की भागीदारी को हम देख पाए और मेरा भी लक्ष्य विकास है, दूसरे का लक्ष्य भी विकास है और भाई बहन के रूप में और परिवार के रूप में हम आगे बढ़ पाते हैं। ये भाई बहन संबंध का एक मूल ग्राउंड है। इसी के साथ ये देख सकते हैं कि आज्ञा पालन सहयोग और अनुसरण, ये 125 के ऊपर वाले पेज में है कि ये भी एक अपेक्षा है कुमारी अवस्था में, जिसको हम टीनेज की शुरुआत में कहेंगे। तो एक बिंदु बाबा जी ने लिखा है कि भाई बहन की पहचान एक निश्चित आयु में हो पाती है, जिसको कह सकते हैं कि शैशव काल के आगे की बात है, जिसमें संबंध की पहचान का मतलब हुआ कि उसका प्रयोजन क्या है, वो संबंध का लक्ष्य क्या है और अपनी भागीदारी को हम पूरा कैसे कर पाए। तो आगे भी इसको जब हम और इस पेज में देखेंगे तो ये पूरा जो क्रम है कि कैसे हम आज्ञा पालन से शिक्षा में शुरू करते हैं, जहां भी हमने शिक्षा में ध्यान दिया है बाबा जी ने एक क्रम प्रस्तावित किया है कि आज्ञा पालन से अनुसरण अनुकरण, उससे फिर जिज्ञासा बनना, उससे फिर अनुशासन और स्व अनुशासन, ये क्रम है। तो इसका जो शुरुआती दौर है वो एक परिवार में घटता है और एक दूसरे को मूल्यांकन दे पाना, एक दूसरे की के कार्य व्यवहार का मूल्यांकन कर पाना, उसके बारे में दूसरे को फीडबैक दे पाना, वो अपेक्षा को रख पाना और एक दूसरे से प्रेरणा पा पाना, ये हम देख सकते हैं कि भाई बहन संबंध में हो रहा है। इसमें आज्ञा पालन के लिए जो सहयोग और अनुसरण को देख पाना, इसी में ये भी देख सकते हैं कि सहयोग दो प्रकार का है। एक है कि हम विचार की सटीकता बनाने में एक दूसरे की मदद कर पाए और दूसरा अभिव्यक्ति की जगह दे पाए, एक्सप्रेशन की हम जगह एक दूसरे को देख पाए। तो पहचान का शुरू होना मूल्यांकन कर पाने और प्रयोजन को देख पाने से है। यही देखें तो मित्रों के साथ भी यही घटता है। इसमें फर्क यह है कि एक परिवार में एक माता से पैदा हुए भाई बहन और अन्य परिवारों में अलग माता से पैदा हुए उनको हम कह रहे हैं मित्र। कौमार्य और युवावस्था के बीच भाई बहन, भाई भाई, बहन बहन के परस्परता में अनुशासन की बात आती है। अनुशासन आज्ञा पालन के क्रम में एक पक्षीय हो पाते हैं। अनुशासन गुरुजनों व अभिभावकों से जीने में प्रमाणित रहने के आधार पर अनुशासन बोध संतानों में होना स्वाभाविक है। इन्हीं तथ्य के आधार पर हर मानव संतान अनुशासन को अपने विचारों से जोड़ना शुरू करता है। उसी के साथ आवश्यक अनावश्यक तथा उपयोगी अनुपयोगी विधा में भी वैचारिक प्रयुक्तियां होना स्वाभाविक रहता है। इस प्रकार अनुशासन आवश्यकता उपयोगिता के आधार पर स्वीकृत होना शुरू होता है। शने शने हर मानव संतान क्रम से अनुशासन में दक्ष होना पाया जाता है। इन सभी विधाओं में मानव संतान गुजरता हुआ अर्थात आज्ञा पालन अनुशासन प्रक्रिया से सोच विचार प्रक्रियाओं से गुजरता हुआ अपने आप में निश्चय की प्रक्रियाएं आरंभ होते ही यही निश्चयन प्रक्रिया सुस्थिर होने ही आज्ञा पालन और अनुशासन के आशय रहता ही है। तो इस पैराग्राफ में हम देख सकते हैं कि ये जो क्रम आगे बढ़ा और कौमार्य और युवावस्था के बीच क्या हुआ, तो उसमें ये हुआ कि एक है कि गुरुजन और अभिभावक जो हमारी जिंदगी में उस वक्त रोल प्ले करते हैं उनका आज्ञा पालन हमारी शिक्षा का एक भाग बनता है। ये भाई बहन एक दूसरे के साथ देख पाते हैं और एक दूसरे को इसकी प्रेरणा दे पाते हैं और इसी के आधार पर कैसे आज्ञा पालन से अनुशासन का पूरा क्रम बने वही इसमें आता है। और इसमें एक बड़ा भाग ये है कि अनुशासन की आवश्यकता, ये मेरी आवश्यकता है और ये मेरे लिए उपयोगी कैसे है, ये भाग इस समय इस संबंध में और स्पष्ट होता है और हम ये भेद करने की क्षमता हो जाती है क्योंकि इसमें इस समय पे तर्क क्षमता बढ़ जाती है, लॉजिकल एबिलिटीज बढ़ जाती है,
तो जो समीक्षा और मूल्यांकन है उसको हम देखना शुरू करते हैं, तो इसी में भेद हम करना शुरू करते हैं कि उपयोगी क्या है, अनुपयोगी क्या है, आवश्यक क्या है, अनावश्यक क्या है। इसी के साथ चलते चलते ये समीक्षा मूल्यांकन होते हुए एक मानव संतान शैशव काल से, कौमार्य से युवावस्था में इस स्तर पे पहुंचता है कि अब वो अपने अंदर कुछ निष्कर्षों को स्थायी रूप में देख पाता है। और अगर जागृत समाज की बात करें तो ये उसमें अनुभव या क्रिया पूर्णता के रूप में आगे आती है, जिसके बाद उसमें एक स्थिर आचरण, निश्चित आचरण दिखने को मिलता है। और आज्ञा पालन का तृप्ति बिंदु भी यही है कि विचारों में निश्चय, सही का निष्कर्ष हमें आ जाए और आचरण में निश्चितता, स्थिरता आ जाए। तो कौमार्य युवावस्था से क्रम आगे बढ़ते बढ़ते ये ज्ञान संपन्नता तक जाता है और ये आज्ञा पालन का तृप्ति बिंदु है। आज्ञा पालन की अगर परिभाषा भी देखें तो उस परिभाषा को एक बार मैं नोट डाउन किया था कि जागृत मानव परंपरा में से के लिए संतानों का 5 वर्ष की आयु से 10 वर्ष तक अनुसरण, सहयोग, प्रवृत्ति, सहज दृष्टि। जैसे ही युवावस्था में पहुंचते हैं, स्वाभाविक रूप में स्वानुशासन का प्रमाण आवश्यकता के रूप में होता ही है। यही अभ्युदय का प्रमाण होना पाया जाता है। स्वानुशासन सर्वतोमुखी समाधान के रूप में ही प्रमाणित होता है। यही मानव संचेतना की अपेक्षा और सार्थकता है। यह शिक्षा संस्कार कार्यों से लोक सुलभ होना पाया जाता है। जागृत मानव परंपरा में ही मानवीय शिक्षा संस्कार सार्थक होना पाया जाता है। इस विधि से कार्य व्यवहार विचार संपन्न होते हुए भाई बहन मित्र संबंधों में विश्वास पूर्वक, सम्मान व मूल्यांकन पूर्वक परस्परता में स्नेह मूल्य को सदा सदा प्रमाणित करना होता है। इस विधि से इन संबंधों में विश्वास, सम्मान, स्नेह मूल्य प्रधान रहता है, साथ ही प्रेम मूल्य स्पष्ट होना भावी रहता है। तो जैसे हमने ऊपर बात करी कि युवावस्था में पहुंचते ही स्वानुशासन का प्रमाण देना हो पाता है, जिसको हम कह सकते हैं कि जागृत समाज में ज्ञान संपन्नता हो चुकी है, और इसी के साथ देख सकते हैं कि व्यक्ति में समाधान की स्थिति भी हो पाती है। और समाधान की स्थिति पहले बात हो चुकी है, इसमें ये देख सकते हैं कि एक तो है कि समाधान मुझ में समाधान होना, और मैं हर बार हर स्थिति परिस्थिति में समाधान को प्रस्तुत करता हूँ। और एक बड़ी एक और घटना इसके साथ घटती है कि मेरी दृष्टि समाधान की हो जाती है, जिसको हम कहेंगे कि हम रेजोल्यूशन सेंट्रिक हो जाते हैं। व्यवस्था है, इसकी आश्वस्ति है, इसके समाधान है, ये एक दृष्टि में हम पा चुके हैं। यही शिक्षा संस्कार की सार्थकता है। तो भाई बहन संबंध में हम देख सकते हैं कि कौमार्य अवस्था से, शैशव काल से लेकर युवावस्था तक जो एक शिक्षा का एक गहन प्रक्रिया जो घर में और अभिभावकों के साथ विद्यालय में चल रहा है, उस पूरे प्रोसेस में एक दूसरे के साथ रहकर मूल्यांकन कर पाना, एक दूसरे के साथ रहकर प्रेरणा दे पाना और सहयोगी हो पाना, ये इस संबंध का प्रयोजन है। इसमें अगर एक दो बात और देखें कि इस संबंध की सफलता ये भी है कि परिवार रूप में अपने आप को देख पाना, अपने आप को एक यूनिट की तरह देख पाना, और फिर ये भी देख पाना कि परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में हम लोग भागीदारी कर रहे हैं। ये ऐसा लगता है कि संबंध की सफलता है। और स्नेह मूल्य जो है, जिसको हम पहले भी जिसको देख चुके हैं, वो इस मूल्य का रहता ही, जिसमें दूसरे को हमने अपने जैसे स्वीकारा ही होता है, उसके लिए हमेशा मैं उपलब्ध रहता हूँ, वो एक भाग रहता है। और इसी के साथ एक प्रेम मूल्य स्पष्ट होना भावी रहता है, ये लास्ट लाइन में आया है। और इसका आशय जैसे सुबह के सत्र में भी हुआ था, मुझे लगता है कि प्रेम मूल्य का स्पष्ट होना दो व्यक्तियों के बीच ये है कि हम मूल्यांकन ठीक से कर पाए और दया, कृपा, करुणा जैसी आवश्यकता हो वैसे हम प्रस्तुत हो पाए। आगे बढ़ते हैं, साथी सहयोगी संबंध। सो चलो ठीक है। मैं आशा कर रहा हूँ कि, अच्छा कोई कह रहे कि कैमरा की तरफ आंख रखे तो अच्छा होगा, ठीक है। वो क्या है कि वो स्क्रीन की तरफ ध्यान चला जाता है, ठीक है, मैं कैमरा की तरफ ध्यान ना रखता हूँ। संबंध 5, साथी सहयोगी संबंध। एक दूसरे के लिए पूरक विधि से सार्थक होना पाया जाता है। यह संबंध सहयोगी की कर्तव्य निष्ठा से व साथी के दायित्व निष्ठा से सार्थक होना पाया जाता है। यह परस्पर पूरक संबंध है।
इनमें मूल मुद्दा दायित्व को निर्वाह करना, कर्तव्यों को पूरा करने में ही परस्परता में संगीत होना पाया जाता है। यह जागृत परंपरा की देन है। इसमें मुख्यतः विश्वास मूल्य रहता ही है। गौरव सम्मान स्नेह मूल्य अर्पित रहता है। सहयोगी के प्रति सम्मान मूल्य विश्वास के साथ अर्पित रहता है। इस विधि से मंगल मैत्री होना स्वाभाविक है। साधी सहयोगी संबंध को कई अलग अलग डायमेंशन से भी देखा है, तो मुझे लगता है कि साधी सहयोगी संबंध अपने में एक संबंध है। इसको हम व्यवसाय संबंध के रूप में भी इसको पहचानते हैं। तो एक जो साथी सहयोगी का विश्लेषण है संबंध का, एक हम अभी आज के समय में देख सकते हैं और ये देख सकते हैं कि जागृत समाज में कैसा होगा। तो जागृत समाज में देखिए तो साथी सहयोगी संबंध ऐसा है जो दृष्टा पद प्रतिष्ठा में स्थित है। जो दृष्टा है, जो समाधान प्राप्त व्यक्ति है, वो साथी है और वही और उसमें ये दायित्व है कि किसी और व्यक्ति के की जागृति में, के स्वावलंबी होने में वो साथी हो पाए, वो उसमें सहयोग कर पाए। तो साथी वो है जिसमें जिसमें दृष्टापद है और वो सहयोगी के लिए कुछ चीज कर पाता है। वो क्या कर पाता है? वो सहयोगी के लिए दिशा निर्देशन कर पाता है कि उसको उसका उसको किस तरफ जाना है। वो सहयोगी के लिए प्रमाण प्रस्तुत कर पाता है और वो सहयोगी को पारंगत बना पाता है किसी व्यवसाय में या उत्पादन में। सहयोगी साथी के पास आता है और उसका साथी की तरफ गौरव का मूल्य रहता है। ये क्यों? क्योंकि वो कोई ना कोई श्रेष्ठता साथी में पहचान पाता है और सम्मान स्नेह मूल्य उसमें रहता ही है और साथी का सहयोगी के प्रति विश्वास मूल्य रहता है। मुझे इसमें एक जो बड़ी बात लगती है कि कई बार हम आज के संदर्भ में देखें तो जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं, उनको कोलीग्स कहें या फिर हम लोग सीनियर और जूनियर भी कहें, उसमें संबंध भी कैसा है? संबंध काफी हमारा कार्य प्रधान है। कार्य प्रधान मतलब एक तो हम प्रकृति के साथ कार्य बोलते हैं, दूसरा वर्क या कार्य जिसको हम आजकल आम भाषा में यूज करते हैं, जहां हम कॉर्पोरेट की तरह देखते हैं। उस संबंध में एक दूसरे का मूल्यांकन कैसे होता है? एक दूसरे का मूल्यांकन ज्यादातर इस संदर्भ में होता है कि मेरी जो अपेक्षा उस वर्क से है, उस काम से है, वो अपेक्षा पूरी हो रही कि नहीं हो रही। तो जैसे कंपनी में काम करते करते मेरे साथी है, सहयोगी, उसके लिए मेरी उसके साथ जो मेरी अपेक्षा, या मैं किसी के साथ भी काम कर रहा हूँ, तो मेरी अपेक्षा अगर धन की है, या मेरी अपेक्षा अच्छे काम की है, या मेरी अपेक्षा प्रोडक्टिविटी की है, एफिशिएंसी की है, तो उस आधार पर मैं उस संबंध का मूल्यांकन करता हूँ। ये एक बहुत ही सीमित मूल्यांकन है और हम देख सकते हैं कि जब हम जूनियर होते हैं तो हम बार बार ये कामना करते हैं कि कोई हमको ऐसे देखे कि मैं मानव भी हूँ, मेरे घर में क्या स्थिति परिस्थितियां हैं, क्या मैं कर पा रहा हूँ, क्या मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझ में भी अंदर कुछ चल रहा होगा। तो ये कहीं ना कहीं अपेक्षा रहती है कि संबंध में मूल्यांकन सिर्फ हमारी एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी का ना हो, पर मेरे भाव का भी हो, मेरे व्यवहार का भी हो, मेरी जो जो परिवार में जो स्थिति परिस्थितियां उसका भी हो, और दूसरी तरफ भी साथी की भी अपेक्षा रहती है कि उसका मूल्यांकन भी ऐसा हो। तो किसी एक संबंध में पूरा मूल्यांकन कैसा हो, मुझे लगता है कि ये संबंध के कोर में है। साथी सहयोगी संबंध में पूरा मूल्यांकन का पहला दायित्व साथी के पास है, क्योंकि वो समझदारी की स्थिति में है और उसको ये भी पता है कि जो उद्योग या उत्पादन या किसी कार्य में भी साथी सहयोगी रहे लगे हैं उसका प्रयोजन क्या है, उसकी अस्तित्व में उसकी भागीदारी क्या है। और ये प्रयोजन सिर्फ कार्य या स्वावलंबन नहीं है, मूलतः प्रयोजन मानव का सुखी होना है। उस सुखी होने में मानव के कुछ लक्ष्य हैं, समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व। सहयोगी समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व को पाना चाहता है, उसी के लिए वह शिक्षा संस्कार भी पा रहा है और वह स्वावलंबी भी होना चाहता है। उस दृष्टि से साथी उसके साथ उसका दिशा निर्देशन करता है और मुझे लगता है कि हम देख भी सकते हैं कि जहां मानव के रूप में, स्नेह के रूप में हम काम करते हुए दूसरों को पहचान पाते हैं, रहते हुए पहचान पाते हैं, वहां संबंधों में और बहुत चीजों की जगह बन जाती है। तो इसमें मूलतः है कि सहयोगी साथी में श्रेष्ठता देख पाए और साथी में दायित्व है। दायित्व किस बात का? दायित्व इस बात का है कि ये लक्ष्य और प्रयोजन देख पाता है कि वो सहयोगी का क्या है और सहयोगी का मूल लक्ष्य क्या है। इस विधि से इसमें मंगल मैत्री होती है। मंगल मैत्री होती है तो फिर वो साथी सहयोगी संबंध सफलता की तरफ जा पाता है।
उपलब्धि एवं विकास के आधार पर साथी सहयोगी संबंध दो पक्षों में गण्य है। उसे साथी स्वामी से सहयोगी सेवक अकिंचनता को स्वीकारता है। उसे परिपेक्ष में सहयोगी साथी को श्रेष्ठ मानता है, जो उसकी मौलिकता है। इस संबंध में साथी सहयोगी का पूरा उत्तरदायी हो जाता है और सहयोगी साथी को ही उस परिपेक्ष के पक्षों का कर्ता मानता है। इस संबंध में साथी के विशेष गुण निपुणता कुशलता दिखाई पड़ता है। साथी सहयोगी संबंध वह है जिसमें पद एवं भौतिक आदान प्रदान परस्परता में निश्चित व प्रत्याशित रहता है। इस प्रकार इस संबंध में भी सुखद स्थिति की निरंतरता देने वाली वस्तु विश्वास ही है। अस्तु इसमें विश्वास की स्थिरता प्रदान किए रहना ही इस संबंध की अंतिम अनुभूति है। तो इसमें कुछ दो तीन बिंदु आए जिसको हमने अभी जिसमें चर्चा करी। एक तो है कि किन मूल्यों के साथ साथी सहयोगी एक दूसरे को देख पाते हैं। साथी के विशेष गुण निपुणता कुशलता सहयोगी देख पाए। निपुणता हुआ जिसको हम कहते हैं कि उपयोगिता मूल्य को स्थापित कर पाना या अपना जो स्किल है उसको हम निपुणता के संदर्भ में देखेंगे। कुशलता देख पाना कला मूल्य को स्थापित करना, और इसमें व्यवहार का भी एक आयाम है क्योंकि हम व्यवहार में भी कुशल हो पाते हैं। तो स्किल प्लस व्यवहार ये दोनों का साथ में रह पाना, और अभी व्यवहार इसलिए है ताकि हम काम करा पाए, तब व्यवहार इसलिए है कि मानव अपना लक्ष्य पा पाए, तो उस लेवल पे हम कुशलता को देखेंगे। और इसी के साथ एक और भाग जो आगे आता है वो आता है आदान प्रदान का। तो इसमें कुछ कुछ अपेक्षाएं निश्चित हैं, जैसा बाबू जी ने लिखा है, कुछ आदान प्रदान निश्चित है क्योंकि ये व्यवसाय संबंध भी है, इसमें स्वावलंबन इसका एक भाग है, उत्पादन इसका एक भाग है। पर इसमें यह भी है कि इसमें विश्वास की स्थिरता प्रदान किए रहना ही इस संबंध की अंतिम अनुभूति है। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु का आदान प्रदान एक भाग है उस संबंध का, मूल में यह संबंध भी भाग है। और इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि इस संबंध की सफलता, व्यवसाय संबंध की सफलता है कि जब हम संपूर्ण व्यवस्था को समझ पाते हैं, जो स्वामी साथी से अपेक्षा है कि वह नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य इस पूरे को पहचान पाता है उसको ये, और उसमें ये उसको ये भी स्पष्ट है कि आवश्यकता से अधिक उत्पादन करना समृद्धि मानव का लक्ष्य है। तो इसमें अगर साथी से सहयोगी में दृष्टि भी ट्रांसफर हो पाती है स्किल के साथ साथ कि आवर्तनशील अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ना है या उसको बना के रखना है, सुविधा भोग और अतिभोग से उपयोग सदुपयोग और प्रयोजनशीलता की तरफ जाना है, अगर ये इस संबंध में हो पाता है, इसलिए साथी सहयोगी संबंध में साथी का दायित्व इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि स्किल के साथ साथ दृष्टि का ट्रांसफर बहुत जरूरी है। अभी हम देख सकते हैं कि जो हम सफर कर रहे हैं वो ये भी सफर कर रहे हैं कि दृष्टि के बिना स्किल है, दृष्टि के बिना हम लोग उत्पादन से जुड़े हुए हैं, इसलिए ना उसका तृप्ति बिंदु मिलता है और सुविधा भी काफी पा ली है, बहुभोग भी हो गया है, तृप्ति बिंदु भी नहीं मिला, संबंध तो खराब हो ही गया क्योंकि भाव संबंध में कम है, और फिर धरती का जो खराब होना है वो भी हो गया। ये साथी सहयोगी संबंध है। अभी आगे बढ़ते अगले संबंध पर। जी कुछ बिंदु मैंने नोट डाउन किए थे इस समय साथी सहयोगी संबंध पे, मैं सोच रहा हूँ उसको पढ़ जाऊं कि साथी सहयोगी के लिए दिशा निर्देशन कर पाता है, सहयोगी के स्वयं स्फूर्त होने के लिए प्रमाण प्रस्तुत कर पाता है और उसको पारंगत बना पाता है, और सहयोगी जो है वो सेवा में स्वयं स्फूर्त हो जाए ये उसका लक्ष्य बनता है, वो अपनी निष्ठा का पालन करता है। मनोविज्ञान में बहुत सुंदर रूप में साथी सहयोगी संबंध और दायित्व और कर्तव्य को भी स्पष्ट किया हुआ है, तो कुछ बिंदु मैंने अभी वहां से लिए थे। मैं कुछ कमेंट्स देख रहा था, मैं मान लो मैं आगे चलता हूँ। जी मैं एक बार सारे संबंध खत्म करके कुछ क्वेश्चंस को ले लूंगा फिर। समझदार मानव परंपरा में व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी का संबंध। मानवत्व सहित व्यवस्था में विधि समाई रहती है, विधान निर्वाह रूप में प्रमाणित होता है, व्यवस्था का धारक वाहक जागृत मानव ही होता है। व्यवस्था में भागीदारी करने के लिए मानव को जागृत होना रहना आवश्यक है। जागृति पूर्वक ही हर नर नारी जानने मानने पहचानने निर्वाह करने का प्रमाण प्रस्तुत करता है। साधक द्वारा साध्य की उपलब्धि की संभावनाओं के अनुरूप फल मिलने पर निर्णय होता है कि साधना सही दिशा में गतिशील है। संभावनाएं सुदृढ़ होने पर मान्यताओं के रूप में अवतरित होती हैं,
सभी मान्यताएं विकास अर्थात जागृति तथा व्यवहार के लिए हैं। विकास के लिए जो मान्यताएं हैं वे अंतरंग में अभ्यास एवं जागृति के लिए प्रेरणा स्रोत तथा बहिरंग में सामाजिकता तथा व्यवसाय के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो समझदार मानव परंपरा में व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी का संबंध, जिसको हम व्यवस्था संबंध के रूप में भी हम इसको भी समझते हुए हैं। इस संबंध में देखेंगे तो ये संबंध में है कि जागृति से व्यवस्था है और व्यवस्था से जागृति की परंपरा बनी रहती है। तो उसी को देखें तो कि साधक द्वारा साध्य यानी अपना जो लक्ष्य है वो जागृति है, और मानव जागृति पूर्वक व्यवस्था बनाकर ये सबके लिए सुलभ कर पाता है। और इसी में आगे आया है कि संभावनाएं सुदृढ़ होने पर मान्यताओं के रूप में अवतरित होती हैं। तो जब हम जागृति की ओर बढ़ते हैं हमें कई सूचनाएं मिलती हैं। ये सूचनाएं हमारे अंदर सहमतियां और फिर स्वीकृतियों के रूप में दिखती हैं। इन्हीं को मान्यताएं कहा जो विकास के लिए हमारे लिए विकास की तरफ हमको पुश करती हैं। और जो मान्यता विकास के लिए अंतरंग रूप में जो मददगार हैं वो हमारे जो चार आयाम है अनुभव विचार व्यवहार कार्य, तो अभ्यास और जागृति अपने अनुभव और विचार के लिए, और फिर हमारा जो उसमें सामाजिकता और व्यवसाय है ये व्यवहार और कार्य के लिए ये मान्यता प्रेरणा स्रोत बनती है। सामाजिक दायित्व का प्रमाण हर समझदार परिवार में समाधान समृद्धि पूर्वक जीने में प्रमाणित होता है। यह क्रमशः संपूर्ण मानव का एक इकाई के रूप में पहचान पाना बन जाता है। पहचानने के फलन में निर्वाह करना बनता ही है। ऐसी निर्वाह विधि स्वाभाविक रूप में मूल्यों से अनुबंधित रहता ही है। यही व्यवस्था में भागीदारी की स्थिति में परिवार व्यवस्था से अंतर्राष्ट्रीय या विश्व परिवार व्यवस्था तक स्थितियों में भागीदारी की आवश्यकता रहता ही है। ऐसे भागीदारी के क्रम में मानव अपने में से समझदारी विधि से प्रस्तुत होना बनता है। समझदारी विधि से ही हर नर नारी व्यवस्था में भागीदारी करना सुलभ सहज और आवश्यक है। इसी क्रम से मानव लक्ष्य प्रमाणित होते हैं जो समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व के रूप में पहचाना गया। इसे प्रमाणित करना ही मान्यतापूर्ण व्यवस्था है। यहाँ पे एक सामाजिक दायित्व एक शब्द आया है, तो इसको हम कैसे देखें तो व्यवस्था संबंध में कुछ संबंध प्रत्यक्ष हैं और कुछ संबंध अभी अप्रत्यक्ष हैं, और हर मानव की उपयोगिता है, हर मानव की भागीदारी है। जब अपनी दृष्टि संकुचित रहती है, लिमिटेड रहती है, तो प्रत्यक्ष भागीदारी कोई देख पाते हैं, वो भी उनका बहुत एक स्थूल पार्ट देख पाते हैं। पर हम अभी भी देखें, जागृत समाज भी देखें, समाज एक इंटरकनेक्टेड चीज है, वो जुड़ा हुआ है, उसके बहुत सारे अंतर संबंध है उसमें। और ये देख पाना कि हर मानव की एक उपयोगिता और भागीदारी है, और उपयोगिता और भागीदारी हर मानव की अभी है ही, पर ये सफल है कि नहीं है ये इस बात से प्रमाणित होता है कि व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र अंतरराष्ट्र सारे स्तरों पर हम ये मूल्यांकन कर सकते हैं कि व्यवस्था बनी कि नहीं बनी। तो व्यवस्था की चाहना और व्यवस्था का हो पाना, उसमें जो गैप है वो गैप है समझदारी का। तो बाबा जी इसी बात पे कर रहे हैं कि समझदारी क्या है इसको हम देखते हैं, ज्ञान क्या है इसको समझ पाते हैं, मूल्य क्या है इसको समझ पाते हैं, अपना लक्ष्य और प्रयोजन क्या है समझ पाते हैं, मानव लक्ष्य को समझ पाते हैं, तो हर मानव अपनी उपयोगिता और भागीदारी को पूरा कर पाता है। वो अपने तन मन धन का सदुपयोग कर पाता है और वो व्यवस्था में भागीदारी कर पाता है। ये इस दृष्टि से भागीदारी करने पर मानव से लेके अंतर्राष्ट्रीय तक हम देख सकते हैं फिर व्यवस्था बन पाती है, और इसका प्रमाण ही है मान्यतापूर्ण व्यवस्था। तो इसमें भी बात वही है कि भाव का बने रहना, ये देख पाना कि न्यूनतम विश्वास और सम्मान हर मानव के प्रति हमारा है ही, और हर मानव ये सम्मान भी कर पाना कि हर मानव का कि लक्ष्य और उसका कार्यक्रम भी वही है जो मैं चाहता हूँ, और हर मानव अपनी भागीदारी कर ही रहा है, जितनी दृष्टि ठीक होती है और कर पाता है, दृष्टि पूरी हो पाती है तो फिर अपनी भागीदारी भी तृप्तिदायक या मान्यतापूर्ण हो पाती है। आगे बढ़ते हैं मित्र संबंध सातवें संबंध पर। समाधान समृद्धि सहज समानता ही मित्र संबंध है एवं सर्वतोमुखी समाधान में सहभागिता हो उसकी मित्र संज्ञा है।
जिसमें बैर का अभाव हो उसकी मित्र संज्ञा है। इस संबंध में यह आवश्यक है कि एक पक्ष यदि किसी विपरीत घटना या परिस्थिति से घिर जाए तो दूसरा पक्ष अपना पूरा तन मन और धन व्यय करने के लिए तथा मित्र को उस घटना विशेष अथवा परिस्थिति विशेष से उबारने के लिए प्रयत्नशील हो जाए, यही मित्रता की चरम उपलब्धि है। घटनाग्रस्त या परिस्थिति ग्रस्त मित्र की जो कठिनाइयां हैं वो पूरी की पूरी दूसरे मित्र को प्रतिभासित होती हैं। मित्रता की कसौटी ही यह है कि परस्पर की कठिनाइयों को दूसरा पक्ष सटीक स्वीकार लेता है और यदि उसका परिहार है तो उसके लिए अपनी शक्तियों को नियोजित करता है। ये संबंध भी देखिए मित्र का, तो ये एक उपयोगिता और पूरकता का एक संबंध है। ये एक लेवल पे जैसे पहले आया है भाई बहन संबंध का ही ये एक और मैनिफेस्टेशन है, जिसमें माता पिता का उसमें फर्क रहता है। और इस संबंध में दिख पाए कि दोनों का लक्ष्य समाधान और समृद्धि है और हम इसमें प्रेरणा और सहयोगी हैं, एक प्रेरक हैं और एक दूसरे के सहयोगी हैं। इसमें भी एक मूल्यांकन का भाग बना रहता है कि हम एक दूसरे का मूल्यांकन कर पाएं, इसलिए हम प्रेरणा भी दे पाए, सहयोग भी दे पाए और एक दूसरे के साथ हम एक दूसरे को और श्रेष्ठताओं की तरफ हम पुश कर पाए और श्रेष्ठताओं को पहचान पाए और एक दूसरे को उसकी ओर गतिशील होने के लिए हम प्रेरणा दें। इस संबंध में साथ रहते हुए प्रयोग व्यवहार और अलग अभ्यास के साथ साथ हमारी एक दूसरे के पात्रता योग्यता का भी मूल्यांकन होता रहता है जीते हुए। और इसमें जो बाबा जी ने एक एक बात कही कि कैसे कठिनाइयों में बने रहना, उत्सव में और दुख में बने रहना और कोई विशेष संकट या कोई भी संकट अपने मित्र पे आ जाए तो उसको तन मन धन से उसको उसके लोड को ले लेना और उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करना, ये मित्र संबंध में एक क्वालिटी दिखती है। मित्रता की निरंतरता न्यायपूर्ण व्यवहार से ही सफल होती है। निर्वाह के इन समस्त संबंधों से व्यष्टि से समष्टि तक पोषक अन्यथा शोषक सिद्ध हैं। मित्र मित्र संबंध की परस्परता में विश्वास सम्मान व स्नेह मूल्य प्रधान है एवं प्रेम संबंध भावी रहता है। एक मित्रता की संबंध के बारे में एक और बात भी लगती है कि यहाँ पे जो मूल्यों की बात आई है कि विश्वास सम्मान है ही और फिर प्रेम संबंध है जिसमें मूल्यांकन है। और मुझे लगता है कि मित्र संबंध अभी हमारे लिए बहुत बड़ा मतलब हमेशा ही रोल प्ले करता ही है, पर कहीं ना कहीं हमारा हमारी संगति एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं और हमारा वातावरण वातावरण क्या है। अभी भी हम देख सकते हैं कि जीवन विद्या को भी समझने समझाने के क्रम में हमारे परिवार भाव रूप में हमारे साथ हैं, पर शायद हम अलग शहर में रह रहे हैं, अलग केंद्र में रह रहे हैं। पर उसके साथ साथ भी हम ये देख पाते हैं कि एक बड़ा वर्ग जो इस वक्त हमारे भाव हमारे विचारों जिनके साथ बहुत आदान प्रदान होता है वो हमारे मित्र होते हैं। तो और हमारा वातावरण भी वही बनाते हैं, हमारे बहुत सारे चयन आस्वादन हमारे चित्रणों का भी स्रोत है, उसमें जो एक्सचेंज है वो मित्रों के साथ रह पाता है। तो मेरे को ये भी लगता है कि ये संबंध काफी गहरा और काफी आवश्यक संबंध इसलिए भी है क्योंकि इसमें जो जो प्रयोग का भाग रहता है, जो अभ्यास का भाग रहता है और जो प्रोत्साहन का भाग रहता है वो हम कई बार एक दूसरे को देख पाते हैं। और इस संबंध में बहुत सारा अपना मूल्यांकन भी हम कर पाते हैं कि हम कहाँ पहुंचे हैं। कई बार अपनी स्थितियां हम अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ कई बार नहीं शेयर कर पाते या समय की सीमा रहती है या व्यक्ति की उपलब्धता की सीमा रहती है, पर मुझे लगता है कि ये मित्र संबंध में ये बहुत अच्छे से हो पाता है। तो और हमको दिखता भी है कि बहुत सारा पीयर्स में हमारा हमारी गति हमारे मित्रों के साथ काफी बढ़ पाती है। जो शेयरिंग, जो प्रोत्साहन, जो अभ्यास कृषि से लेके या परिवारों को संभालने से लेके या शादी के बारे में या बच्चों के बारे में या फिर आगे क्या करना है, इसका बहुत सारा एक्सचेंज एक निर्विरोधता के साथ, एक सहजता के साथ मित्रों के साथ हो पाता है। तो आई थिंक ये वाला भाग संबंध में हमेशा
एक बड़ा रोल प्ले करता रहेगा, और यही मित्र संबंध की एक बहुत ही एक एक इसकी एक एक मूल्यवान इसकी एक भागीदारी है कि एक दूसरे के साथ समानता के साथ हम लोग प्रयोग और अभ्यास में आगे बढ़ पाते हैं। कुछ संबंध को लेके कुछ शायद सवाल थे, मैं एक बार उसको देख लेता हूँ। आज साथी सहयोगी संबंध एवं मित्र इन दोनों को अलग किए हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो इनको अलग-अलग बताना पड़ा? भैया आपने आज लिखा है बाबूजी आपके क्वेश्चन में, तो मेरे को लगता है कि साथी सहयोगी और मित्र दोनों अलग-अलग संबंध हैं। ये मुझे लगता है आज के लिए भी नहीं, जागृत समाज में भी ये रहेंगे ही। साथी सहयोगी संबंध एक व्यवसाय संबंध है। मैं ऐसे मानता हूँ कि जागृत समाज में शिक्षा संस्कार के पश्चात जब मानव अपना स्वावलंबन की तरफ लगता है, समाज में भागीदारी की तरफ लगता है, तो साथी सहयोगी संबंध में वो रहता है। अगर ये देखें कि जिनके साथ हम काम कर रहे होते हैं, तो उसमें ऐसा कह सकते हैं कि जो अपने हम उम्र हैं, जो अपने जिन और जिनके साथ हमारा कर्तव्य का लेवल हमारा एक जैसा रहता है, उनमें शायद हम मित्र संबंध देख सकते हैं, और जिनमें दायित्व रहता है और जिनकी दृष्टि हमसे बड़ी रहती है और जिनके मार्गदर्शन में हम व्यवसाय संबंध को पूरा कर रहे होते हैं, उनको हम साथी के रूप में देख सकते हैं। तो साथी सहयोगी संबंध और मित्र संबंध में, साथी सहयोग में दायित्व कर्तव्य एक बहुत क्लियर भाग है, जिसका मैनिफेस्टेशन व्यवसाय स्वावलंबन के अर्थ में और समाज की भागीदारी में निकलता है। पर इसमें ये बात भी बहुत जरूरी है कि उत्पादन क्यों, आवश्यकता क्या है और क्यों जीना है। और मित्र संबंध एक दूसरे के साथ भाई बहन का संबंध का एक्सटेंशन है, जो आगे जीते हुए हम उम्र या अपने जैसी स्थितियों के लोग के बाकी मानवों के साथ रहने का भाग है। भाव से हमेशा हमेशा भरे रहे उसका रास्ता बाबा जी ने स्पष्ट कर दिया है, उसका अभ्यास करना है। बढ़िया भैया, संबंध कब समझौता या बाध्यता के रूप में दिखाई पड़ता है? संबंध कब समझौता या बाध्यता के रूप में दिखाई पड़ता है? तो मुझे लगता है कि जब कोई चीज समझ में नहीं आती तो वो बाध्यता के रूप में है। इसको मैं इसी बात से जोड़ूंगा कि जीव विद्या के पहले मुझे लगता था कि, या मुझे थोड़ा लगता था, कई लोगों को और लगता हो, कुछ को कम लगता होगा, कि संबंध एक्चुअली है क्या। मैं जो जिंदगी में करना चाहता हूँ उसके लिए संबंध उसके लिए मददगार है या उसमें बाधक है। तो मुझे अब जो स्पष्ट होता है कि ज्ञान का मतलब ये है कि क्या है, क्यों है, कैसा है, उसको हम देख पाते हैं, तो उसका हम राइट प्लेसमेंट कर पाते हैं, उसका सही प्रयोजन हम देख पाते हैं। तो संबंध ही वो भागीदारियां हैं जो मानव को एक छोटे से बच्चे से एक स्वायत्त मानव के लिए, स्वायत्त मानव बनाने में उनकी भागीदारी रहती है, क्योंकि इसी संबंध में सारे हमारे मार्गदर्शन से लेके ममता से लेके सारे मूल्य इसमें पूरे होते हैं। ये बाध्यता तब है जब हम संबंध में रह रहे हैं पर उसका प्रयोजन स्पष्ट नहीं है और मूल्य स्पष्ट नहीं है। जब तक प्रयोजन और मूल्य स्पष्ट नहीं है वो बाध्यता है। जब प्रयोजन और मूल्य स्पष्ट हो जाता है और स्पष्ट होने के साथ साथ हम में उसमें योग्यताएं भी आ जाती हैं। अभी तो विचार रूप में स्पष्ट है, जब हम अध्ययन कर रहे हैं, पठन कर रहे हैं, जब हमें वो योग्यता भी आ जाएगी, जब हमारे भाव में स्थिरता आ जाएगी, हम में समझ स्थापित हो जाएगी, तो तब मुझे लगता है कि संबंध में जो सही मूल्यों का बहना है, जिसमें हमें अच्छा लगता है, वो तब होगा। तब तक हमें ये एक बंधन के जैसा लग सकता है। जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। 127 के आखिरी आखिरी पैराग्राफ। विधि का अर्थ है मानव में निहित अमानवीयता का शमन तथा जागृति का मार्ग प्रशस्त करना। व्यवस्था का तात्पर्य है मानवीयता की स्थापना के लिए प्रोत्साहन योग्य अवसर व साधन को उपलब्ध कराने की सामर्थ्य अर्जित करना। इसको हम भी पहले एक बार देख चुके हैं और इसको हम आगे भी देखेंगे कि विधि का अर्थ क्या है, कि अमानवीयता से मानवीयता के लिए जो मार्ग है उसको हम प्रशस्त कर पाए। और व्यवस्था वो है जो मानवीयता की स्थापना और उसके बने रहने के लिए अवसर और साधन जो है वो मानव जाति को उपलब्ध करा पाए। तो अभी जैसे हम देखते हैं कि अस्तित्व में समझने की व्यवस्था है, पर इस वक्त समाज में शायद समझने की व्यवस्था इतनी नहीं है। अभी हमको अगर अस्तित्व को समझना है, हम अगर आवर्तनशील विधि से हम स्वावलंबी होना चाहते हैं, तो इसके लिए जो श्रम है वो जितना साधारण श्रम है उससे कहीं ज्यादा है। अभी
और बहुत लोगों को श्रम करके उसके लिए जगह बनानी पड़ेगी, तो इसलिए हम कहेंगे अभी वो व्यवस्था नहीं है जो होनी चाहिए, बट धीरे धीरे सबका प्रयास है तो एक मानवीय व्यवस्था में हम देख सकते हैं कि सही समझना, सही जीना और अपने तन मन धन का सदुपयोग कर पाना, शिक्षा सफल हो जाए वो हो पाना, और उत्पादन और विनिमय आवर्तनशील विधि से हो पाए, और परिवारों में न्याय, संबंधों में तृप्ति और समाज में अभ्यता रह पाए, ये व्यवस्था, ये एक एक व्यवस्थित समाज साधारण रूप में ये मानव को उपलब्ध करा पाएगा। अभी बहुत मेहनत के साथ हम उसको कुछ कुछ केंद्रों में, कुछ कुछ जगहों पर इसको बना पा रहे हैं। धीरे धीरे आशय तो यही है कि जो कुछ कुछ जगह पे कुछ परिवार, कुछ समूह, कुछ सभाएं, कुछ समित कुछ स्कूल, ये सब धीरे धीरे करके आगे फैलते हुए धीरे धीरे ये मेन स्ट्रीम में जनमानस का भाग बन जाए। एक सवाल आया, इन एडवर्स कंडीशन हाउ टू रिलेट पति पत्नी रिलेशंस, डिवोर्स केस ब्रैकेट में लिखा है। ये कुछ कुछ सवाल के उत्तर अभी इमिडिएटली इस मंच पे देना तो आसान नहीं होगा क्योंकि उसमें कई सारी भूमिका आगे रहती हैं, पर भैया मेरे को ये लगता है कि विचार रूप में संबंध की स्पष्टता और जीने में वो आ पाना, इन दोनों में गैप है, और अभी योग्यता मुझ में भी कम है, मेरी पत्नी में भी कम ज्यादा है, तो अभी चाहना होते हुए हम साथ नहीं रह पा रहे हैं, तो उन कंडीशंस में अभी और जहां अभी ऐसा दिखता है कि कुछ संबंधों में जहां ये लग रहा है कि दुख ज्यादा है सुख कम है, तो ये निर्णय ले लिया जाता है कि साथ में नहीं रहेंगे, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो कि संबंध की स्पष्टता अभी ना होने के कारण विचार रूप में भी हम लोग बहुत फंसते हैं संबंधों में। अगर एक समय पे, इसलिए ये बात यह है कि छोटे बच्चे से संबंधों की स्पष्टता उसमें हो जाए, बड़े होते होते विवाह क्यों ये भी स्पष्ट हो जाए, मुझे लगता है कि एक जो बड़ा भाग जो दर्शन स्पष्ट करता है कि हम सिर्फ हर व्यक्ति को सिर्फ अपने लिए जो भागीदारी कर रहा है सिर्फ उसी के अपने मूल्यांकन करते हैं कि पति मेरे लिए क्या कर रहा है, पत्नी मेरे लिए क्या कर रही है, या माता पिता मेरे लिए क्या कर रहे हैं, ये भाग अधूरा रह जाता है कि वह भी मानव है और उसका भी अपना एक दायरा है, अनुभव आयाम का, विचार आयाम का, व्यवहार का आयाम का और कार्य आयाम का, तो हमारी सारी अपेक्षाएं अभी उसके मानव रूप में होने के हैं कि मेरे लिए क्या उसकी भागीदारी है इस रूप में है, तो मुझे भी लगता है क्योंकि हमारी दृष्टि में अभी लिमिटेशन है, उसमें संकीर्णता है, हमारी समझ को भी विकसित होना है, इसलिए कई बार हम अपने संबंधों को जाने अनजाने वश अपेक्षाओं को कुछ सीमाओं में देखते हैं, और जब वो अपेक्षा वहां पूरी नहीं होती तो हम फिर ऐसे कदम उठा लेते हैं जहां संबंध का साथ रहना नहीं हो पाता। दूसरा ये भी है कि दोनों अच्छे हो पाए, पर फिर भी कभी कभी पर्सनालिटीज में जो डिफरेंसेस रहती हैं उसको लेकर हमको लगता है कि संबंध कैसे बने रहेगा। मेरे को लगता है भैया कि जब मूल्य समझ में आता है तो हॉबीज में, चॉइसेस में, करियर में, दृष्टियों में फर्क को हम पचा पाते हैं, मूल्य समझ में नहीं आ पाते तो उनको पचाना मुश्किल हो जाता है। तो अभी ऐसे जैसे करके हम लोग धीरे धीरे इतना ही कर रहे हैं कि अपने भाव को स्थिर रख सकें, अभी तो भी मैं इतना ही कह पाऊंगा, उसके आगे शायद अभी कहना मुश्किल है, पर मुझे इतना लगता है कि हम जिस भी स्थिति परिस्थिति में हैं अपने से जो बन रहा है करते रहें, पर उसके साथ साथ हमारा विचार हमारे जीने के आगे रहे, जो हमारे पास सूचनाएं हैं दर्शन के माध्यम से वो जितना हम जी रहे हैं उससे कहीं आगे रहे, हमारा मनन भी उसके आगे रहे जीने में, फिर हम अपनी योग्यता को आगे बढ़ा पाएंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ। मानव के लिए सुख ही धर्म है, सुख की आशा से ओतप्रोत मानव को एक क्षण के लिए भी इस कामना से विमुख नहीं किया जा सकता। धर्म की परिभाषा ही इस प्रकार की गई है कि जिसको जिसका वियोग ना किया सॉरी जिससे जिसका वियोग ना किया जा सके अथवा जिसका वियोग संभव ना हो वह उसका धर्म है। धर्म की इसी परिभाषा के आधार पर पदार्थ का धर्म अस्तित्व, अन्न व वनस्पति का धर्म पुष्टि, जीवों का धर्म जीने की आशा और मानव का धर्म सुख प्रतिपादित किया गया। यह भी प्रतिपादित किया गया कि हर विकसित अवस्था की इकाई में अविकसित इकाई का धर्म विलय रहता ही है। ये बात हमको ऑलरेडी स्पष्ट है, ये कॉन्टेक्स्ट बना रही है, संदर्भ बना रही है अगले पैराग्राफ का कि मूल धर्म क्या है। धर्म की परिभाषा हम देख चुके हैं कि जिसका जिससे वर्गीकरण ना हो या जिससे जिसका वियोग ना हो, और हमने चार अवस्थाओं के रूप में धर्म देखा है, यह आपने कई बार अभी इस दर्शन में देख लिया होगा कि पदार्थ का अस्तित्व कि वो खत्म नहीं हो सकता,
प्राण अवस्था का पुष्टि कि उसमें 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 ग्रोथ हो रहा है, जीवों का जीने की आशा कि शरीर में ग्रोथ है पर जीवन है इसलिए जीने की आशा भी उसमें है, पर जीने की आशा चार विषय और शरीर के अनुसार है, और मानव का धर्म शरीर में पुष्टि है पर उसके साथ साथ जीने की आशा के को एक उसमें एक एक जम देखते हैं, वो सुखी सुखपूर्वक जीने की आशा में है। तो मानव का धर्म सुख है, और ये भी है कि हर विकसित अवस्था की इकाई में अविकसित इकाई का धर्म विलय रहता है। इसका मतलब यही हुआ कि हर आगे वाली अवस्था में पिछली वाली अवस्था के का धर्म समाया रहता है। ऊपरी वर्णित संबंध एवं संपर्क में तारतम्यात्मक व्यवहार पक्ष के आनुषंगिक मानव का विभिन्न विभूति परक एवं स्थिति परक अध्ययन आवश्यक तथा वांछनीय है। अस्तु सभी मानव आबाल वृद्ध निम्न 12 स्थिति में गण्य है। ये सभी सुखी होना चाहते हैं, सुख भी नियम से दुख भी नियम से होना सिद्ध हुआ है। अतः निम्न 12 स्तर में पाए जाने वाले मानव किन नियम सिद्ध प्रक्रिया द्वारा सुखी होना पाए जाते हैं उसका स्पष्टीकरण निम्न अनुसार है। यह सब व्यवहार संबंध व संपर्कात्मक है। पहला, बलवान दयापूर्वक सुखी होता है। बुद्धिमान विवेक तथा विज्ञान पूर्वक, रूपवान सच्चरित्रता पूर्वक सुखी होता है। पदवान न्याय पूर्वक सुखी होता है। धनवान उदारता पूर्वक, विद्यार्थी निष्ठा पूर्वक, सहयोगी कर्तव्य पूर्वक, साथी दायित्व पूर्वक, तपस्वी संतोष पूर्वक, लोक सेवक स्नेह पूर्वक, सह अस्तित्व में प्रेम पूर्वक मानव सुखी होता है। और 12वां, रोगी तथा बालक के साथ आज्ञा पालन के रूप में सुखानुभूतियां सिद्ध हुई हैं। तो इसमें हम देखते हैं तो ये जो लाइन है कि धर्म सफल हो जाए, मानव सुखी हो जाए, तो व्यवहार मानव का एक अविभाज्य भाग है। इसी के साथ साथ देखते हैं कि सात संबंधों का कैसे मानव के सुखी होने में उसके शरीर के पोषण संरक्षण से लेके उसके जीवन के पोषण संरक्षण से लेके मानव के रूप में समाधान समृद्धि अभय अस्तित्व, ये सबको पाने में हम देख सकते हैं। धर्म नीति का भी हम अध्ययन कर रहे हैं, उसके अंतर्गत देख सकते हैं कि सात संबंधों का उसमें मानव लक्ष्य के पूरे होने में एक उसकी भागीदारी रहती है। उसी के साथ साथ विभिन्न विभूति परक एवं स्थिति परक अध्ययन आवश्यक है। इसमें ये भी देख सकते हैं कि 12 तरीकों से बाबा जी ने कुछ स्थितियों को व कुछ ऐश्वर्यों को परिभाषित किया है, और इन 12 स्थितियों और ऐश्वर्यों के साथ विभूतियों के साथ जो है इनमें से किसी एक में भी वो व्यक्ति सुखी कैसे होता है उससे आगे का नियम दिया है। नियम इसमें बढ़िया है कि मध्य दर्शन मुझे लगता है मूलतः नियमों का अध्ययन है। तो सोशल साइंसेस या मानव का जो आचरण है या मानव का सुख है ये एक सब्जेक्टिव या एक सापेक्ष वास्तविकता अभी तक ऐसा हमको समझ में आया जब हम मेन स्ट्रीम शिक्षा को देखते हैं, पर यहाँ कहा कि वो सापेक्ष नहीं है, वो स्पष्ट है, उसको पहचाना जा सकता है और सुख की संभावना पूरी है, और उसको विधिवत तरीके से जीवन से लेके मानव से लेके संबंध से लेके प्रकृति के साथ हर लेवल पर हम 30 मूल्यों के संदर्भ में देख सकते हैं। उसी को यहाँ देखें तो ये 12 प्रकार में देख सकते हैं, विभूति हो या ऐश्वर्य हो या स्थितियां हो, इस समय पर उस व्यक्ति का सुखपूर्वक होना कैसा है। तो बलवान दयापूर्वक सुखी होता है, जिसमें देख सकते हैं कि दबाव की जगह पर दया, और इसमें ये है कि बल का नियोजन या प्रयोजन क्या है। मुझे लगता है कि जो भी हम विभूति ऐश्वर्य पढ़ रहे हैं उसमें उसका सुखी होने का मतलब क्या हुआ कि अपने सुखी होने के लिए जो हम में विशेष गुण है या विशेष स्थितियां या विभूतियां हैं इसका नियोजन कैसे हो पाए, इसका सदुपयोग कैसे हो पाए ताकि मुझ में जो मुझे एक 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 पार्ट मुझे अपने 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 जीवन का दिखता है उसका मैं क्या करूं, उसका नियोजन ही मानव के लिए भी तृप्तिदायक है। तो ये कुछ कुछ विविधताएं हैं, ये विविधताएं 12 प्रकार से बाबा जी ने इसको स्पष्ट किए हैं। बलवान के लिए दयापूर्वक सुखी होता है कि उसको दिखे कि उसका बल दूसरे के विकास के लिए नियोजित हो जाए, उसमें हस्तक्षेप नहीं है, संबंधों को पहचानना है, मूल्यों को निर्वाह करना है, और उसी रूप में बल दयापूर्वक किसी के विकास में वो अग्रसर हो पाए, आगे हो पाए, उस ओर जाता है। बुद्धिमान विवेक तथा विज्ञान पूर्वक, इसमें विवेक कैसे देखेंगे, विवेक हम देखेंगे प्रयोजन और सार्थकता के लेवल पे, कि देख पाना कि चीजों का प्रयोजन क्या है और वो सार्थक कैसे होंगी।
ज्ञान विवेक विज्ञान की काफी बात पहले भी हो चुकी है कि ज्ञान विवेक विज्ञान एक क्रम है जिसमें अगर ज्ञान नहीं है तो विवेक मानव लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता, विवेक नहीं है तो विज्ञान स्पष्ट नहीं होता। तो अभी हम विज्ञान तो देख चुके हैं, पर विज्ञान को पाना क्या है और किन नियमों के अनुसार वो चलना है, नहीं तो धरती गर्म हो जाती जैसा भी हुआ। उसी के साथ साथ विवेक क्या है, मानव लक्ष्य क्या है, तो बुद्धिमान के लिए उसकी जो कल्पनाशीलता की जो गति है, उसकी जो कल्पनाशीलता में जो पात्रता है, उसका नियोजन विज्ञान और विवेक पूर्वक होता है। रूपवान सत्र सत चरित्र चरित्रता पूर्वक, यानी रूपवान के लिए स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य व्यवहार, इस प्रकार जीना उसके लिए तृप्तिदायक होता है। पदवान न्यायपूर्वक, यानी पद जो जिस मानव के पास पद है वो दूसरों को न्याय सुलभ करवा पाए, वह सभी संबंधों में न्याय को देख पाए, मानव संबंध हो, प्राकृतिक संबंध हो, हर लेवल पर वो संतुलन और न्याय की तरफ अपने पद को नियोजित कर पाए, तो वह पदवान न्यायपूर्वक, पदवान की तृप्ति न्यायपूर्वक है। और ये हमको दिखता भी है अगर हम देखें तो, कि जैसे अभी कोरोना का क्राइसिस हुआ, उसके पहले कभी भी हुआ है, कई पदाधिकारी, ये कुछ सरकारी भी हो सकते हैं, गैर सरकारी भी हो सकते हैं, कि अपने पद का जब हम सदुपयोग कर पाते हैं तो जो जो खुशी मिलती है वो बहुत ज्यादा होती है, वो तो कई सारे अवार्ड या धन से भी ज्यादा होती है, ये सामान्य रूप में भी देखने को मिलता ही है। तो किसी चीज की तृप्ति, किसी विभूति की तृप्ति कैसी होगी, तो पद की तृप्ति न्यायपूर्वक या न्याय को सुलभ करवाने में है। धनवान का उदारता पूर्वक, यानी तन मन धन का सदुपयोग कर पाए, और उदारता में एक भाग है कि वो उसको सदुपयोग कर पा रहा है और वो प्रसन्नता पूर्वक कर पा रहा है, और ये भी है कि वो क्यों कर पा रहा है, क्योंकि उसको ये दिखता है कि मेरा भी लक्ष्य जीवन की जागृति है, दूसरे का लक्ष्य भी जीवन की जागृति है। मुझे लगता है कि अगर हम अपने आप को अलग अलग स्थितियों में, हम लोग कभी कभी कुछ कुछ समय पर रहे हैं, कभी हमारे पास लगता है कि हमारे पास वस्तु ज्यादा है तो जब उसका सदुपयोग हो पाता है तो अच्छा ही लगता है। कई बार होता है गाड़ी से अकेले जा रहे हैं, तीन लोग और आ जाए, लगता है कि पेट्रोल का सदुपयोग हो रहा है उस वक्त। तो ऐसा करके हम देख सकते हैं पद का सदुपयोग हो पा रहा है, और ये भी देख सकते हैं कि मुझे तृप्ति कैसे मिलती है। दूसरा ये भी देख सकते हैं जिसके पास धन है, पद है, उससे समाज की क्या अपेक्षाएं रहेंगी। तो गहरे में हम देखेंगे और अगर अच्छे से मनन करेंगे तो इन्हीं निष्कर्षों के, इन्हीं बाबा जी के नियमों के पास पहुंचेंगे हम लोग भी, कि इनसे ही अपेक्षाएं भी पूरी होती हैं और वो व्यक्ति भी तृप्त होता है। विद्यार्थी निष्ठापूर्वक, निष्ठा यानी जो जागृति है उसको अपना लक्ष्य मानकर उसको प्राप्त करना है, उसको प्रमाणित करना है, उसके लिए जो उसमें लगन है, उसके लिए जो प्रयास है, निष्ठा है, तो विद्यार्थी की का सुखी होना निष्ठापूर्वक होता है। सहयोगी कर्तव्य पूर्वक, साथी दायित्व पूर्वक, इसकी हमने बात अभी कुछ देर पहले की थी कि सहयोगी जब एक साथी के पास आता है तो वो प्रमाणित होने के लिए आया है, वह स्वावलंबी होने के लिए आया है, और उस समय वो मार्गदर्शन ले रहा है, वो दिशा चाहता है, और वो उसका कर्तव्य है कि वो स्वयं स्फूर्ति से प्रस्तुत हो पाए, वो मार्गदर्शन ले पाए और वो अपने कर्तव्य का पालन कर पाए। उसी तरीके से साथी का दायित्व पूर्वक होना होगा कि सहयोगी की जो अपेक्षाएं हैं, सहयोगी का यह है कि जो साथी में श्रेष्ठता है उसको पहचान कर वो अपने में उसको लाके और सही जी पाए, और साथी का जो है कि जो दृष्टि से वो संपन्न है और जो सहयोगी का वो मूल्यांकन कर पाता है, अपनी दृष्टि से सहयोगी का मूल्यांकन कर उसके लिए मार्ग प्रशस्त करना जिसमें वो खुद स्वावलंबी हो पाए और समाज में भी अच्छी भागीदारी के साथ प्रस्तुत हो पाए। तपस्वी संतोष पूर्वक, मैं कुछ सोचता था इस पे कि तपस्वी संतोष पूर्वक का अर्थ क्या है, जो मुझे इसमें समझ में आया कि गहरी लक्ष्य के साथ जब हम तपस्या मतलब सिर्फ आंख बंद करके नहीं लगना होता, पर उस लक्ष्य के साथ हम जब लग जाते हैं और अपना तन मन धन उसी में लगा देते हैं, तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि ये देख पाना कि अपना संतोष इस बात में भी है कि हमारे पास अवसर और अर्थ ये दोनों हैं अपनी तपस्या को पूरी करने के लिए, और जो शेष बचता है वो अपना पुरुषार्थ बचता है, इसको मैं ऐसे देखता हूँ। लोक सेवक स्नेह पूर्वक, लोक सेवा में कई लोग लगे हुए हैं, विद्या में भी कई लोग लोक सेवा से विद्या में आए कि समाज को व्यवस्था में अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो उसमें शिक्षा का एक मार्ग दिखा और उसमें कई लोग शिक्षा में भी जुड़े हुए हैं। पर इसमें ये देख पाए कि स्नेह पूर्वक में यह है कि जिसके साथ भी हम लगे हुए हैं,
लोक सेवा में, उसके साथ अपने पराए की दीवार नहीं है, उसमें निर्विरोधता नहीं है, उसको अपना मानकर हम उसके साथ लगे हुए हैं। भाव की स्थिरता के साथ जब मैं ऐसे किसी के साथ लग पाते हैं और उपलब्ध रहना ये जब हमें बन पाता है, तो हम कहेंगे कि लोक सेवा हमारी सफल हो पाती है या अपने लिए तृप्तिदायक होती है। इसमें भी दिखता है कि भाव की स्थिरता और ये स्पष्टता काफी आवश्यक है। मुझे भी लगता है क्योंकि लोक सेवा का रिजल्ट है ये, मुझे लगता है कि बहुत और समाज की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है, पर कम से कम लोक सेवा अपने लिए तृप्ति हो जाए ये स्नेहपूर्वक हो सकता है। सह अस्तित्व में प्रेम पूर्वक मानव सुखी होता है कि सभी के साथ अगर मैं अनन्यता का भाव महसूस कर पाता हूँ, प्रेम का भाव महसूस कर पाता हूँ, तो मैं सह अस्तित्व को महसूस कर पाता हूँ और रोगी तथा बालक के साथ आज्ञा पालन के रूप में सुखानुभूतियां सिद्ध हुई हैं कि रोगी और बालक बालिका इनके साथ इनका जो सुख है वो आज्ञा पालन में है, क्योंकि उस वक्त उस स्थिति में किसी और की श्रेष्ठता को मानना और उस अनुसार आज्ञा पालन करके रहना, उस वक्त ये एक जरूरी भाग होता है, क्योंकि शायद उस वक्त हम अपने शरीर का स्वास्थ्य या बालक बालिका होते हुए हम अपने लक्ष्य को या वातावरण को समझने की स्थिति में पूरा नहीं होते, तो उस वक्त आज्ञा पालन हमारे लिए बड़ा भाग रहता है। आगे बढ़ते हैं। धर्म नीति के परिपालन से समस्त संपर्कात्मक तथा संबंधात्मक व्यवहार में क्या अपेक्षा की जाती है जिससे कि जीवन सफल होता है, ये नीचे दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हुए मुझे लगा इसके बारे में एक और बात, मुझे लगता है कि ये अपने भी मनन के लिए काफी अच्छा है कि क्या मैं इनमें से कभी किसी स्थिति में हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि हम शायद इनकी अलग अलग स्थितियों में भी अलग अलग समय पर रह पाएंगे, शायद कुछ सापेक्ष हैं, एक ही हमारा हमारी स्थिति, हमारी ऐश्वर्य हमारे पास हमेशा रहे ऐसा आवश्यक नहीं। तो मुझे लगता है कि अपने भी मनन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है कि अगर मैं देखूं कि मुझ में बुद्धि है या रूप है या पद है, तो उसका नियोजन, उसका सदुपयोग क्या हो, उस पर अगर हम मनन करते तो वो कहाँ निकलता है। और मुझे लगता है कि ये अभी जहाँ हम हैं और जागृति है उसके बीच की जो दूरी है उसमें हम सूचनाओं पे तो मनन चिंतन कर ही रहे हैं, श्रवण मनन कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ ये हमारे अभ्यास के लिए बहुत सार्थक है। ये 128 और 129 पेज मेरे लिए व्यक्तिगत रूप में भी है, क्योंकि इसमें हम अपनी यथास्थितियों को देख सकते हैं, हमें देख सकते हैं कि इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं और उसके अनुसार अगला हमारा नियोजन क्या हो सकता है वो हमको स्पष्ट होता है। अभी कुछ बातचीत में ये स्पष्ट हो रहा था कि सबसे काम करने लायक अभी चीज क्या है, तो वो अभी साथ में से कुछ दिन पहले बातचीत चल रही थी कि अपने तन मन धन का अगर हम सदुपयोग कर पाते हैं तो ये अपने लिए तृप्ति की जगह बनती है। तो मुझे वही लगता है कि तन मन धन का सदुपयोग कैसे हो, ये जो हम आगे राजनीति में भी पढ़ेंगे और अभी धर्म नीति में पढ़ रहे हैं, उसमें अपनी यथास्थितियों को अगर हम देख पाते हैं इन दोनों पेजेस के अंदर, तो हमें अगला मार्ग अपने लिए स्पष्ट होता है या अगला हमारे लिए जागृति के लिए अपने कुछ अगले कुछ छोटे छोटे स्टेप्स क्या होंगे वो अपने लिए स्पष्ट हो पाते हैं, या अगर हम असंतुष्ट हैं तो वो किस लिए वो भी शायद स्पष्ट हो पाता है। तो आगे बढ़ते हैं। ऐसी धर्म नैतिक व्यवस्था तथा इसके लिए किया गया समस्त व्यवहार प्रयोग तथा प्रयास अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का पोषक है। तो पुरुष का जीवन यतित्व से सफल है, पुरुष में जागृति को प्रमाणित करना यतित्व है। स्त्री का जीवन सतीत्व से सफल है, स्त्रियों में जागृति का प्रमाणित होना सतीत्व है। तो इसमें मुझे लगता है कि अगर हम फिर देखें कि कुछ और कि बाबा जी ने जैसे कहा कि धर्म नीति के परिपालन से जो संपर्क और संबंधात्मक व्यवहार है उसमें जो अपेक्षा है उनका सफल होना कैसे होगा, तो पुरुष का जीवन यतित्व से सफल है, यतित्व को देखेंगे तो यत्न पूर्वक करने के लिए जो हम प्रयास करते हैं उसको यतित्व कहेंगे, जो प्रक्रिया और प्रयास है। और सतीत्व को सत्व पूर्वक धैर्य पूर्वक देख सकते हैं करना है। तो यतित्व सतीत्व को मैंने कैसे देखा है, मैंने इसको ऐसे देखा है कि हम किस प्रकार से अपनी सहमतियों और स्वीकृतियों तक पहुंचते हैं और हम कैसे उसका अभ्यास करते हैं, ये यत्न पूर्वक हो सकता है या सत्व पूर्वक हो सकता है। यत्न पूर्वक में शायद हमारा तर्क हम पहले लगाते हैं, हमारा शायद अभ्यास उसके पहले आता है और फिर हम स्वीकृतियों तक पहुंचते हैं, या उसके साथ यत्न करना की हमें हमें टेंडेंसी रहती है। सत्व में है कि उसको स्वीकार लें और फिर उस पर मनन करें और फिर उस पर तर्क लगाएं।
ये दो प्रकार की प्रक्रियाएं दिखती हैं। यहाँ बाबा जी का प्रस्ताव है कि पुरुष का जीवन व्यतीत से सफल है और स्त्री का जीवन सतीत्व से सफल है। उसमें मुझे लगता है कि यतीत्व और सतीत्व का जो स्पष्टीकरण है उसको जैसे हम देख लेते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ कहा क्या जा रहा है। माता पिता का जीवन व्यक्तित्व से, पुत्र का जीवन नैतिकता के प्रति निष्ठा से, यानी माता पिता मानवतापूर्ण आचरण प्रस्तुत कर पा रहे हैं और उनका आहार विहार व्यवहार ये कैसा है वो बच्चे के सामने ठीक से रख पा रहे हैं, तो ये उनका व्यक्तित्व हुआ। और हम देखते हैं और पुत्र या पुत्री का जीवन नैतिकता के प्रति निष्ठा से, नैतिकता मतलब अनुसरण अनुकरण से आज्ञा पालन की तरफ बढ़ना और स्वानुशासन तक पहुंच पाना, और साथ में जो सही समझना है और सही जीना है इसके प्रति जो निष्ठा है वो नैतिकता के प्रति निष्ठा है। तो पुत्र पुत्री का जीवन की सफलता नैतिकता के प्रति निष्ठा से और माता पिता के जीवन की सफलता उनके व्यक्तित्व से, उनके आचरण से, उनके आहार विहार व्यवहार से, व्यवस्था न्यायपूर्ण नियम के समर्थन व पालन से, प्रजा का जीवन समग्र व्यवस्था में भागीदारी से तथा अनुशासन एवं नियम को स्वीकारने से। तो मुझे इसमें लगता है कि जब व्यवस्था होनी है या जब है तो उसका बने रहना, जो नियम है उनका न्यायपूर्ण हो पाना और उनके समर्थन या उनके व उनके पालन से। अभी ये लगता है कि हमारे नियम भी अस्तित्व सहज नहीं है तो व्यवस्था बनना मुश्किल होती है। दूसरा, न्याय की स्पष्टता हो जाए। तीसरा, कभी हमें समर्थन रहता है पर पालन नहीं, कभी पालन रहता है पर समर्थन नहीं। जब पालन रहता है और समर्थन नहीं तो उसको हम बाध्यता मानते हैं, जब समर्थन रहता है और पालन नहीं तो सहज नहीं है तो व्यवस्था बनना मुश्किल होती है। दूसरा, न्याय की स्पष्टता हो जाए। तीसरा, कभी हमें समर्थन रहता है पर पालन नहीं, कभी पालन रहता है पर समर्थन नहीं। जब पालन रहता है और समर्थन नहीं तो उसको हम बाध्यता मानते हैं, जब समर्थन रहता है और पालन नहीं तो पता नहीं, मुझे लगता है कभी कभी अहंकार भी होता है कि हाँ वो बात ठीक है पर हमको उसका पालन करने की अपने में बाध्यता नहीं लगती। तो व्यवस्था का बने रहना न्यायपूर्ण नियम के समर्थन व पालन से। उसी के आगे देखें कि प्रजा का जीवन समग्र व्यवस्था में भागीदारी से तथा अनुशासन एवं नियम को स्वीकारने से। मुझे ऊपर का एक्सटेंशन यही उसका प्रकाशन इस तरीके से भी लगता है कि प्रजा को कि नियम की स्वीकृति और अनुशासन ये क्यों हो पाए, क्योंकि हम इस देश में रह रहे हैं, क्योंकि हम एक समाज में रह रहे हैं, पर उसका जो सस्टेनेबिलिटी है, उसमें जो निरंतरता है, उसमें जो तृप्ति है स्वीकारने से और स्वानुशासित रहने रहने से, उसके पीछे का नियम है कि अगर दृष्टि बनती है तो फिर वो सहज हो जाता है, दृष्टि नहीं रहती तो सहज नहीं हो पाता। इसलिए समग्र व्यवस्था में भागीदारी करने के पहले व्यवस्था की दृष्टि होना जरूरी है, हर चीज का प्रयोजन देख पाना जरूरी है। ये होता है तो स्वानुशासन के साथ, नियमों की स्वीकृति के साथ प्रजा रह पाती है। गुरु का जीवन अनुभव को प्रामाणिकता पूर्वक अध्ययन कराने से, शिष्य का जीवन गुरु द्वारा कराए गए अध्ययन के श्रवण मनन तथा अर्थबोध संपन्नता से। इसको हम संबंधों में देख चुके हैं कि गुरु वो है जो ज्ञान संपन्न है और प्रामाणिकता पूर्वक अध्ययन कराना और अध्ययन कराना, इसमें ये होगा कि जब प्रमाण प्रस्तुत करते हुए अध्ययन होता है तो मेरा अध्ययन सिर्फ विचारों का या पठन नहीं होता, मेरा उसके आचरण का भी हो पाता है और वो श्रेष्ठ का आचरण है तो वो निरंतरता में मेरे लिए प्रेरणादायक है। और शिष्य में पात्रता योग्यता को अर्जित गुरु इसी तरीके से करा पाता है, और शिष्य का जीवन गुरु के कराए द्वारा गए अध्ययन के श्रवण मनन तथा अर्थबोध के संपन्नता से। तो शिष्य में जो सफल होना है वो इस बात से होना है कि जो अध्ययन का मार्ग, उसकी प्रक्रिया, उसकी जो विधि गुरु ने रखी है, उसके साथ साथ उसका श्रवण मनन और अपने में अर्थबोध या उसकी अवधारणा हो पाना, ये शिष्य की सफलता है। सहयोगी का जीवन कर्तव्य को निर्वाह करने से, साथी का जीवन दायित्वों को निर्वाह करने से। ये अभी भी हमने कुछ आज ही हमने इस पे स्पष्टीकरण दिया कि सहयोगी की सफलता उसके जीवन की कर्तव्य को पूरा करने से है, सेवा को स्वीकारने से, मार्गदर्शन को स्वीकारने से और स्वामी के श्रेष्ठता को स्वीकारने से, और साथी का जीवन दायित्व को निर्वाह करने से, जो अपनी दृष्टि में संपन्न होने से,
वो जो मार्गदर्शन और जो पारंगत बनाना और जो प्रमाण प्रस्तुत करते हुए सहयोगी को सहयोगी को एक व्यवसाय संबंध की सफलता की तरफ ले जा सकता है। तो उसमें स्किल का भी भाग है और उसमें दृष्टि वाला भाग भी है। भाई या बहन का जीवन एक दूसरे के अनन्य जागृति की आशा एवं प्रयास से तथा स्नेह सहित दायित्व वहन करने से, मित्र का जीवन परस्पर दिखावा रहित उदारतापूर्ण समृद्धि सहित सर्वतोमुखी समाधान को प्रमाणित करने से सफल है। तो भाई और बहन का जीवन एक दूसरे के प्रति जो जिम्मेदारी है, जो प्रेरणा है, जो सहायता है, जो सहयोग है, वो और मूल्यांकन, निरंतर मूल्यांकन, ये एक भाग उसमें बना रहता है और उसी में उसी को हम स्नेह मूल्य के रूप में भी देख सकते हैं। और मित्रों का जीवन जिसमें भाई बहन के संबंध का स्नेह वाला भाग तो है ही, मूल्यांकन वाला भाग भी है ही, एक दूसरे की जिम्मेदारी वाला भाग भी है ही, और जैसा अभी बाबा जी ने पिछले पेज पे कराया कि उसमें उदारतापूर्ण रहना, उसमें प्रसन्नतापूर्वक अपना तन मन धन मित्र की आवश्यकता अनुसार अर्जित करा पाना, ये उसमें रहता है। उपरोक्त अनुसार व्यवहार करने में समस्त मानव पांचों स्थितियों में सफल हो जाए, यही धर्म नैतिक व्यवस्था का कार्यक्रम व उद्देश्य है, तथा शोषण के लिए प्राप्त समस्त प्रवृत्तियों का समूल निराकरण मात्र उपरोक्त अनुसार प्रतिष्ठित आचरण से ही संभव है। इसी विधि से अखंड समाज का प्रतिष्ठित होना स्पष्ट है। तो उसमें भी बात आती है कि धर्म नीति जो का जो अध्ययन है उससे बात स्पष्ट होती है कि जो पांचों आयाम है उसमें अमानवीयता का प्रोत्साहन और उसके लिए विधि, अतिमानवीयता के लिए प्रोत्साहन और उसके लिए विधि, उसकी तरफ बढ़ने के लिए विधि, और अमानवीयता का शमन जिसको हम कह सकते हैं निषेध, जो अगले पेज पे आएगा, कि धर्म नीति इस बात को स्पष्ट करती है जो राजनीति में और स्पष्ट होता है कि विधि और निषेध, अतिमानवीयता और अमानवीयता के और जो विकास और ह्रास या पोषण और शोषण, उसमें उससे ये स्पष्ट कैसे होता है। और ये है कि मात्र उपरोक्त अनुसार प्रतिष्ठित आचरण से ही संभव है कि ये सारा मानवतापूर्ण आचरण, यानी पहले दृष्टि में आ जाए, उसके बाद अपने आचरण में आ जाए, उसी से ये संभव हो पाता है। तो अभी हमने आज धर्म नीति 130 तक कर लिया है, उसमें हमने सात संबंध को देखा और उसमें हमने अध्ययन भी किया कि सात संबंध क्या है और अलग अलग स्थितियां विभूतियों में, अलग अलग संबंधों में वहां की सफलता क्या है। इसको जब हम इस धर्म को जब ये हमको धर्म स्पष्ट होता है, यानी उसका नियोजन स्पष्ट होता है, उसका सदुपयोग स्पष्ट होता है, उसका प्रयोजन स्पष्ट होता है, तो फिर हम राजनीति को देखते हैं। राजनीति में धर्म नीति, धर्म बना रहे ताकि सदुपयोग बना रहे, तो उसकी सुरक्षा कैसी हो, वो राजनीति है। तो आज समय हो चुका है, तो राजनीति को कल हम
कर सके, ये शिक्षा नीति है। तो मानवतापूर्ण दृष्टि हुई हमारी न्याय धर्म सत्य की दृष्टि, स्वभाव हुआ धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा, और विषय तीन ईष्णाएं, इसको व्यवहार में ला सके और इसके लिए अवसर पैदा कर सके, इसके लिए जो साधन है उसको नियोजित कर पाए और रुचि भी उत्पन्न कर सके, ये शिक्षा नीति है। तो अभी हम देखेंगे कि हर शिक्षा नीति के पीछे कोई दृष्टि है, कोई स्वभाव है, कुछ विषय है। अभी हम देख सकते हैं कि अभी की शिक्षा नीति में कुछ अभी और बहुत उसमें गुणात्मक परिवर्तन भी हो रहा है, धीरे धीरे बहुत सारी ऐसी चीजों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है जिसमें सिर्फ मानव का स्वावलंबन हो ये काफी नहीं है, समानता को और गहरा से खोला जा रहा है, ह्यूमन राइट्स को और गहरे से खोला जा रहा है, पर कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का प्रयास है कि शांति अभयता ये कैसे पा पाए, मानव अपने अंदर तृप्ति को कैसे देख पाए। इसलिए जिसको भी हम आजकल कहते हैं कि सॉफ्ट स्किल्स या सोशल इमोशनल लर्निंग या उसी के साथ हैप्पीनेस करिकुलम भी, जो मार्गदर्शन के का ही एक तीन आस्वादन का भाग दिल्ली में प्रयोग किया गया है। तो कामना यही है कि शिक्षा नीति धीरे धीरे उसमें गुणात्मक परिवर्तन हो, पर उसमें यह है कि जब भी कोई नीति बना रहे हैं उसके पीछे जो दृष्टि है उस पर दृष्टि स्वभाव और विषय जो मानवीयता पूर्ण आचरण का हम देखते हैं ये हमको स्पष्ट है। अभी हम देख सकते हैं कि अभी दृष्टि स्वभाव विषय थोड़ा सा अभी काफी उसमें मिक्स्ड है और वो थोड़ा सा अमानवीय भी है, या फिर विषय में हार निद्रा भय मैथुन का कितना बड़ा भाग आ जाता है, उसके लिए हम मीडिया को कैसे देखते हैं, किस प्रकार की अपनी एडवर्टाइजिंग है, किस प्रकार का अपना न्यूज़पेपर है, किस प्रकार का पाठ्यक्रम है, वो किस समाज के लिए हमको तैयार करता है, तो ये अभी हम अभी इसको देख के हम अभी का एक विश्लेषण कर सकते हैं। इसको देख के ये भी स्पष्ट होता है कि शिक्षा के मानवीकरण में क्या अपने छोटे छोटे से बड़े बड़े स्टेप्स हो सकते हैं। ओवरनाइट कितना जल्दी चीजें बदलेंगी पता नहीं, पर मुझे लगता है कि इससे दृष्टि बनती है शिक्षा नीति की स्पष्टता से। विधि और निषेध से हम ये भी देख सकते हैं कि क्रम से क्या समाज किस चीज के लिए कहाँ तैयार है, व्यक्ति कितना तैयार है, परिवार कितना तैयार है। हम विधि निषेध के डिफरेंसेस से देख सकते हैं कि अपनी भागीदारी क्या हो सकती है, कहाँ क्या आवश्यकता है, तो दर्शन के आधार पर हमको आती है। कुछ जगह पे हम प्रयास को और अच्छे से कर पाएंगे, कुछ जगह पे कम कर पाएंगे। तो ये विधि निषेध जो पूरा है मुझे लगता है कि व्यक्ति से परिवार से समाज तक अपने काम करने में और शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बहुत ही सार्थक सूचनाएं हमारे लिए हैं, अपने अभ्यास के लिए भी और शिक्षा को आगे बनाने के लिए भी। जी, इसको आगे बढ़ाते हैं। समस्त मानव समाज द्वारा बौद्धिक सांस्कृतिक सामाजिक एवं प्राकृतिक क्षेत्र में ही विभिन्न कार्य संपादित किए जा रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों में किया गया कार्य ही मानव के लिए संपूर्ण व्यवहार कार्य है। तो राजनीति का लक्ष्य तन मन एवं धन की सुरक्षा है तथा इसके लिए विधि तथा व्यवस्था प्रदान करना है। इस क्रम में यह जान लेना आवश्यक है कि बौद्धिक नियम की अवधारणाएं ही क्रम से व्यवहार काल में प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक नियमों का अनुसरण करती हैं, जिससे जागृति प्रमाणित होती है। यहाँ हम बौद्धिक सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक क्षेत्र में किए जा रहे व्यवहार के विधि व निषेध पक्ष का अध्ययन करेंगे। सदुपयोगी राजनीति के निर्धारण के लिए विधि व निषेध निम्न अनुसार परिलक्षित होता है। तो ये तीन क्षेत्र, इसके तीन नियम, बौद्धिक सामाजिक या सांस्कृतिक भी बोला और प्राकृतिक, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, धर्म नीति में भी आया है। तो यहाँ पे है कि तीन हमारे क्षेत्र हैं, बौद्धिक जैसा हम सोचते हैं जैसी हमारी दृष्टि है, फिर मानव के साथ जो क्षेत्र है वह व्यवहारिक या सामाजिक क्षेत्र है, और प्रकृति के साथ जो है वह प्राकृतिक क्षेत्र है। तो इन तीनों क्षेत्र में विधि और निषेध क्या होगा। अनुभव संपन्नता में अस्तित्व सहज नियम ही बौद्धिक सामाजिक और प्राकृतिक क्षेत्र में विधि निषेध बनते हैं। अगर ये नहीं होता तो जितनी हमारी दृष्टि होती है उतना हम बना पाते हैं। तो कामना हमारी अभी भी है कि हम पोषण करें, पर अपनी सीमाओं से हम बन जाते हैं, अपनी दृष्टि से हम बन जाते हैं, इसलिए कामना होते हुए भी सहजतत्व की हम उसको पूरा नहीं कर पाते। तो कल जो बात भी आई कि बाध्यता क्यों दिखती है, संबंध संबंध और समाज तब बाध्यता दिखती है जब अपनी तृप्ति और सहस्तित्व हमको नहीं दिख पाता। नियमों के अध्ययन से, यहाँ प्रस्ताव है दर्शन में, नियमों के अध्ययन से तृप्तिदायक सहस्तित्व हो पाता है। ये तो ये हम बाध्यता से शिफ्ट करके हम तृप्ति तक आते हैं। तो ये तीनों क्षेत्र को देखेंगे, अभी इसमें शुरू करते हैं। तो पहला है बौद्धिक क्षेत्र। बौद्धिक क्षेत्र में विधि जागृत मानव प्रवृत्ति और निषेध भ्रमित मानव प्रवृत्ति। तो बौद्धिक क्षेत्र में मानव की प्रवृत्ति स्पष्ट होती है, उसमें उसके ज्ञान का प्रमाण मिलता है। तो पहला है, तो ये
हमने पहले देखा ही है, असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता और अभयता। तो विधि क्या है? असंग्रह जो है समृद्धि का प्रमाण, व्यय के लिए आय, और निषेध संग्रह, आय को व्यय से मुक्त करने का प्रयास। स्नेह सामाजिक नियमों से निर्विरोधता का प्रमाण, द्वेष आवश्यकीय नियम का विरोध, दूसरे का नाश, शोषण से स्वरक्षा की स्वीकृति। विद्या सहस्तित्व पूर्ण समझ, संशय एवं विपर्यय से मुक्त जानकारी समझ। अविद्या संशयात्मक एवं विपर्यात्मक प्रवृत्ति, अधिमूल्यन, अवमूल्यन, निर्मूल्यन प्रवृत्ति। सरलता दिखावा रहित स्पष्टता, जीवन व अन्यों में गुरु मूल्यन मूल्यांकन और अभिमान, इसका निषेध है। दिखावापूर्ण जीवन, अपने में अधिमूल्यन। आखिरी बौद्धिक क्षेत्र में अभय विवेक, समाधान का प्रमाण, और इसमें निषेध है भय अविवेक। तो मुझे तो ये बहुत ही लाभदायक लगता है ऐसी सूचना, जिसमें अपने लिए कंपैरिजन के लिए भी काफी है कि अभी हम अपने अंदर की प्रवृत्तियां देख सकते हैं। ये दृष्टि स्वभाव तथा विषय का भेद है।